हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज जो हम वेजिटेबल क्रॉप शुरू कर रहे हैं और वेजिटेबल क्रॉप में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे आलू। तो आलू क्या है? एक ट्यूबर क्रॉप है। ट्यूबर क्रॉप में और कौन कौन सी क्रॉप आती है? ट्यूबर का मतलब क्या होता है? जिसको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, मतलब स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पोटेटो की, तो आलू क्या है? एक स्टेम का मॉडिफिकेशन है। मैं अगर ये प्लांट की बात करूँ, ये आलू हमारा क्या है? एक प्लांट है। इस पर अगर ये इसकी लीफ लगी हुई है, ठीक है, ये अगर हमारा आलू प्लांट है, इस पर इसकी लीफ है, ठीक है, और ये है इसकी क्या रूट्स। तो ये स्टेम है ना, ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन होता है आलू। स्टेम का क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। कैसे मॉडिफिकेशन होता है? यहाँ पे लगते हैं ये आलू, ठीक है, यहाँ पे ये तो मदर ट्यूबर होता है, इसी से क्या लगते हैं, यहाँ पर ये आलू इसमें लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। आलू क्या होता है? स्टेम का मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है ये, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम इसको बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और ये जो क्या है, ये है ट्यूबर। क्या लगाते हैं हम इसको? ट्यूबर बोलते हैं, कंद जिसको हिंदी में बोलते हैं, कंद, ठीक है। तो इसमें कंद में और कौन सी क्रॉप आती है? जैसे स्वीट पोटेटो आती है, स्वीट पोटेटो है ना, शकरकंद जिसको हम बोलते हैं, और टोपियोका आती है, टोपियोका कसावा जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया हमारा पोटेटो आती है, कोलोकेशिया आती है, कोलोकेशिया आती है, ये सारी क्या है? ट्यूबर क्रॉप है। और ट्यूबर की खासियत क्या है? इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? टोपियोका में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जितने भी ट्यूबर क्रॉप है उनमें सबसे ज़्यादा जो क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किस में? टोपियोका में, उसके बाद पोटेटो, उसके बाद स्वीट पोटेटो, उसके बाद कोलोकेशिया में पाया जाता है। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये, और ये क्या होता है? ट्यूबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूबर्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको ट्यूबर पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं, ट्यूबर पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं, तो इसी स्टेज में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग भी लगती है, ठीक है, इसमें क्या लगते हैं? फ्लावर्स भी लगते हैं, ठीक है, इसमें फ्लावर्स भी होते हैं। फ्लावर्स दो तरीके के होते हैं, इसमें एक पिंक फ्लावर होते हैं और वाइट फ्लावर भी होते हैं, दो तरीके। कभी पूछ जाए कि फ्लावर का कलर क्या होता है, तो पिंक और वाइट फ्लावर इसके अंदर लगते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं? फल, फल फ्रूट्स भी आते हैं, इनके अंदर क्या लगते हैं? फ्रूट्स भी लगते हैं, ठीक है, इस तरीके के इसमें फ्रूट्स भी लगते हैं गुच्छे में, ठीक है, फ्रूट्स। तो हम क्या करते हैं इसको, हम सिर्फ इसको ईटिंग पर्पज के लिए, खाने के पर्पज के, जब ये कंद बन जाते हैं, ट्यूबर बन जाते हैं, ट्यूबर स्टेज में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हम देखते भी नहीं है, ठीक है। आलू को हम किस पर्पज से लगाते हैं? ईटिंग पर्पज के लिए। जब ये ट्यूबर बन जाते हैं, ट्यूबर को हम निकाल लेते हैं और इसको हम अपने यूज करते हैं, प्रोसेसिंग पर्पज के लिए, चिप्स बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। हम इसको कभी भी फ्लावरिंग स्टेज और फल स्टेज तक नहीं देखते हैं और ना ही वहां तक हम जाते हैं। फ्लावरिंग और फल स्टेज में जाते हैं तो ये पेरिनियल हो जाता है, और अगर हम यहाँ पे बात करें ट्यूबर फॉर्मेशन, ट्यूबर स्टेज की बात करें, तो ये एनुअल होता है, वार्षिक होता है। फूल बनेंगे, फूल से बनेंगे फ्लावर, तो ये होते हैं इसके फल, ये जो होते हैं इसके फल यहाँ लगते हैं। ये तो क्या है, ये कंद है, अंडरग्राउंड स्टेम है, इन्हीं का हम खाने के लिए यूज करते हैं, और इन्हीं फल से क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। कौन से? वही जो ट्रू पोटेटो सीड हम पढ़ेंगे आगे, ट्रू पोटेटो, सत्य बीज, सत्य आलू बीज जिसको हम बोलते हैं, ट्रू पोटेटो सीड, वो इस फल से बनते हैं। तो फल यहाँ पे इस प्रकार का होता है इसमें, और हम खाते क्या है? कंद खाते हैं। फ्लावर इसमें दो तरीके होते हैं, व्हाइट और पिंक, दोनों तरीके के फ्लावर इस आलू के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और फल इसके कुछ इस तरीके से लगते हैं, गुच्छे में लगते हैं, तो फल प्रकार क्या हो जाता है? इसका बेरी हो जाता है। फल प्रकार क्या हो जाएगा? बेरी हो जाएगा, क्योंकि ये गुच्छे में लगता है। क्लियर है? ये फल हो गया, ये फ्लावर हो गया, फ्लावर इसका दो कलर के होते हैं, और ये हो गया हमारे कंद, ट्यूबर, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं खाने के पर्पज से। इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी आलू के अंदर। तो ये वाला पार्ट तो हम देखते भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पार्ट आने से पहले ही हम क्या करते हैं? इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इसको ये हमें चाहिए, इसलिए हमको ये पार्ट आने से पहले हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है कि प्लांट के अंदर हमने कभी फ्लावर नहीं देखे हैं, फल नहीं देखे हैं, बट होते हैं, और इन्हीं फल से फिर ट्रू पोटेटो सीड बनते हैं, जो सिर्फ वैज्ञानिक लोग जो है वो तैयार करते हैं। ये किसानों को नहीं दिया जाता है बीज, वो बीज जो होता है जिसको हम ट्रू पोटेटो सीड बोलते हैं। यह इसकी सीड रेट कितनी लगती है? 100 से 150 ग्राम लगती है, और ये सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं, डिजीज फ्री प्लांट, डिजीज फ्री पोटेटो तैयार करने के लिए। और वो जो पोटेटो तैयार होता है वो ट्यूबर जो है किसानों को दिया जाता है, सीड कभी भी किसानों को नहीं दिया जाता, याद रखना, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। अब इसमें बात करते हैं हमारी, बोटनिकल नेम की बात करते हैं, पोटेटो का बोटनिकल नेम क्या है? तो ये सोलेनम
ट्यूबरोसोम, ट्यूबरोसोम, सोलेनम ट्यूबरोसोम इसका नाम है, ठीक है। साइंटिफिक नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसोम। हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, समझ लेना, इतना नोट्स में हिंदी मिल जाएगा। फैमिली की बात करें, परिवार की, तो सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, क्लियर। सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। बात करते हैं इसकी क्रोमोसोम नंबर या उसकी ओरिजिन की बात करते हैं, कहाँ इसके ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो पेरू, पेरू, या फिर हम बोल सकते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। पेरू, साउथ अमेरिका इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें, ये तो बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, 2n = 48, 48 इसमें क्या होते हैं, गुणसूत्र संख्या इसके अंदर होती है, किसके अंदर, पोटेटो के अंदर। फल प्रकार की बात करें, फ्रूट टाइप की अगर बात करें, फल प्रकार की बात करें, तो इसमें फल प्रकार कैसा होता है, मैंने बताया ना, इसका फल, फल हम जनरली देखते नहीं हैं, ऊपर आपने देखा उसका। अब ये नहीं बोलना कि इसमें फल क्या है, जो हम खाते हैं वो फल नहीं होता है, ये तो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं। बट फल इसमें इस तरीके से लगते हैं गुच्छे में, जिसको हम बीज बोलते हैं और उसी बेरी बोलते हैं, और उसी से टू पोटेटो सीड तैयार होता है, ये चीज़ याद रखना, क्लियर है। तो इसका जो फल प्रकार है वो क्या है, बेरी है, क्या है, बेरी है, ठीक है। इसका जो फल प्रकार है क्या है, बेरी है, ठीक है। प्लांट टाइप की बात करें या फोटो पीरियोडिज्म की बात करें, प्रकाश दीप्तिकालिता की बात करें, प्रकाश दीप्तिकालिता की बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चंस दो तरीके से पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए प्रकाश दीप्तिकालिता, तो ये होता है लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट होता है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट, दीर्घ दिवस पौधा, दीर्घ दिवस पौधा होता है, ठीक है, दीर्घ दिवस पौधा ये होता है, ठीक है। नॉर्मली आपसे पूछा जाए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है कि इसमें आलू का जो फोटोपीरियड, इसमें प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार पर किस प्रकार का पौधा है, तो लॉन्ग डे प्लांट है। लेकिन अगर पूछा जाए ट्यूबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्यूबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या कंद के अनुसार देखें, तो ये क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। कंद के अनुसार देखो तो क्या होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है, लघु दिवस पौधा। ऐसा क्यों है ये भी बता देता हूं, समझना बात को, ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो, पोटैटो की सोइंग हम करते हैं लगभग सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सोइंग टाइम भी लिख लो, ठीक है। सोइंग की बात करें, इसकी हम सोइंग हम करते हैं सितंबर अक्टूबर में, हम करते हैं इसकी सोइंग, क्लियर है। सितंबर अक्टूबर में सोइंग करते हैं। ट्यूबर कब बनते हैं, ट्यूबर फॉर्मेशन जो है इसमें होता है, ट्यूबर फॉर्मेशन ये होता है लगभग दिसंबर के मंथ में, दिसंबर के मंथ में यहाँ पर ट्यूबर फॉर्मेशन होता है। और दिसंबर के मंथ में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, ठंड का समय है, ठंड के समय में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है, तो दिसंबर के समय में दिन जो है जल्दी लगभग 5 बजे के आसपास ही अंधेरा हो जाता है, लगभग 7, 7.5, 8 बजे तक उजाला होता है। तो दिसंबर के समय में ट्यूबर बनते हैं, तो ट्यूबर बनते समय, ट्यूबरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब ट्यूबर बनते समय, दिसंबर में हम ट्यूबर बनना शुरू होते हैं, तो उस समय क्या होता है, दिन छोटे होते हैं। अगर स्पेशल कंडीशन पूछी जाए कि कंद बनते समय, ट्यूबर बनते समय जो है प्लांट किस टाइप का है, तो शॉर्ट डे प्लांट है। नॉर्मली कुछ नहीं दिया हो कि आलू किस प्रकार का होता है, तो लॉन्ग डे प्लांट है। अब यहां पर देखो, लॉन्ग डे प्लांट क्यों बोला गया, तो ये ट्यूबर हो गया। अब यहां पर हम क्या बनते हैं, सीड, मतलब फ्लावरिंग की बात करें, तो इसमें फ्लावरिंग आती है लगभग जनवरी में, ठीक है, जनवरी फरवरी के आसपास आप ले लो, ठीक है। और हार्वेस्टिंग लगभग फरवरी मार्च में, हम अगर पोटैटो के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, ठीक है, फरवरी मार्च के समथिंग उस समय क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं, उस समय क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम किसके जाते हैं, रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्लावरिंग नहीं, रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमें सीड लेना होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो दिन बड़े हो जाते हैं, इसलिए इसको लॉन्ग डे प्लांट में रखा जाता है। तो मोस्टली जैसे ट्यूबर बनते समय ही ये शॉर्ट डे में कंडीशन में रहता है, बाकी पूरे समय लॉन्ग डे वाली कंडीशन में रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं। सोइंग टाइम सितंबर दे दिया। हिली एरिया में अगर हमें सोइंग करना है, हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में सोइंग करना है, तो वो कब करेंगे, तो फरवरी में करेंगे। ये सोइंग टाइम भी मैंने यहीं पर आपका डिस्कस कर लिया, क्लियर है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि ट्यूबराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए, तो ये शॉर्ट डे प्लांट है,
और अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए तो ये किस प्रकार का पॉइंट है, पॉइंट है, तो याद रखना प्लांट है कुछ किस प्रकार का है, ये है लॉन्ग डे प्लांट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसमें कि इसमें जो है टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि टेम्परेचर फॉर ट्यूबर ग्रोथ, ट्यूबर ग्रोथ ठीक है, कंद वृद्धि के लिए तापमान कितना चाहिए, कंद की वृद्धि के लिए तापमान, अगर कंद की वृद्धि हमें करानी है तो उसके लिए कितना तापमान, सॉरी ठीक है, कंद की वृद्धि के लिए कितना तापमान चाहिए, तो कंद की वृद्धि के लिए चाहिए लगभग 17 से लेकर 19 डिग्री टेम्परेचर चाहिए रहता है। देखो ये किस प्रकार का पौधा है, ये ऐसा पौधा है जिसमें फल के अलावा और कोई भाग खाया जाता है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मैं बात करूँ टमाटर की, जैसे मैं बात करूँ टमाटर, टमाटर में हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं ठीक है, टमाटर में हम फल खाते हैं, लेकिन यहाँ आलू में हम क्या खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे हैं, फल का तो बहुत लेट आएगा, फूल आएंगे, फल आएंगे, फल का उपयोग हम ट्रू पोटेटो सीड में करते हैं, यहाँ फल के अलावा हम भाग खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ट्यूबर खा रहे हैं, इसका स्टेम खा रहे हैं ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम हम खा रहे हैं, तो फल के अलावा और कोई भाग खाते हैं ना उसमें टेम्परेचर लगभग 18 से 22 रखा जाता है, याद रखना फल के अलावा और कोई भाग खाते हैं तो उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 18 से 22, याद रखना मैं लिख देता हूँ, फल के अलावा अगर और कुछ आप खा रहे हो, फल के अलावा खाने वाली जो क्रॉप है उसमें जो टेम्परेचर है मोस्टली 18 से 22 रखा जाता है, फल के अलावा अगर आप कुछ भी खा रहे हो, चाहे पत्ती खा रहे हो ठीक है, चाहे पत्ती खा रहे हो, चाहे ट्यूबर खा रहे हो, चाहे रूट खा रहे हो, चाहे स्टेम खा रहे हो, तो उसमें टेम्परेचर लगभग 18 से 20 के आसपास रखा जाता है ठीक है। तो ये बात हो गई, तो टेम्परेचर ट्यूबर ग्रोथ के लिए 17 से 20 19 चाहिए, और हाईएस्ट ट्यूबराइजेशन की अगर बात आ जाए, क्या हाईएस्ट ट्यूबराइजेशन मतलब अगर सर्वाधिक या सबसे अधिक कंद बनने के समय तापमान कितना चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, तो याद रखना डे टेम्परेचर कितना चाहिए, दिन में चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, और नाइट NIGHT नाइट टेम्परेचर कितना चाहिए, 14 डिग्री सेल्सियस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर हाईएस्ट ट्यूबराइजेशन मतलब कि सर्वाधिक ट्यूबराइजेशन, सबसे अच्छा ट्यूबराइजेशन अगर करवाना हो तो कितना, तो दिन का टेम्परेचर 20 डिग्री चाहिए और नाइट का टेम्परेचर लगभग चाहिए 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये जो है फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की, स्पेसिंग की और प्रोपोगेशन प्रवर्धन की बात करते हैं। प्रवर्धन देखो, प्रवर्धन इसमें हम कैसे क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं ट्यूबर, क्या यूज करते हैं, कंद यूज करते हैं प्रोपोगेशन के लिए। अब कंद जो है कितना होना चाहिए, लगभग 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। सीड की रेट, सीड रेट कितनी होनी चाहिए इसकी, ट्यूबर की, ट्यूबर की जो सीड रेट है वो कितनी होनी चाहिए, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। ट्यूबर की साइज क्या होनी चाहिए, ट्यूबर की साइज या जो हम बोले वेट, ट्यूबर साइज या ट्यूबर का जो वेट है वो कितना होना चाहिए, ट्यूबर का जो वेट है, मैं बोलूँ कंद का वजन कितना होना चाहिए, तो लगभग 45 से 50 ग्राम उसका वेट होना चाहिए। किसके लिए, प्रोपोगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खाने के लिए नहीं, प्रोपोगेशन के पॉइंट, खाने में तो कोई सा भी साइज चलेगा है ना, तो जब प्रोपोगेशन करना है तो कंद की जो साइज 45 से 50 ग्राम होनी चाहिए और सीड रेट कितनी, लगभग 20 से 25 या 25 से 30 क्विंटल भी अलग अलग बुकों में मिल जाएगा, ये होना चाहिए ठीक है। ट्रू पोटेटो सीड अगर हमें सीड से करना है, टीपीएस से करना है, तो सीड रेट कितनी लगती है, 100 से 150 ग्राम, और एरिया कितना लगेगा नर्सरी तैयार करना है, तो 75 मीटर स्क्वायर एरिया नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड होता है, ये याद रख लेना, ये फैक्ट यहाँ पे साथ में मैं बता दे रहा हूँ आपको ठीक है। तो प्रवर्धन बात करें, कंद अगर लेंगे उसमें तो कंद क्या रखते हैं, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब देखो आलू की मैं यहाँ पे एक खासियत, अब एक चीज आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा लागत ठीक है, हाईएस्ट कॉस्ट किसमें लगती है, पोटेटो में, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना सीड हम यूज कर रहे हैं, 20 से 25 क्विंटल, एक क्विंटल में 100 किलो, तो लगभग कितना हो रहा है, 2000 से 2500 किलो सीड लग रहा है एक हेक्टेयर में, तो 50% कॉस्ट जो आती है, कॉस्ट किसकी आती है, 50% कॉस्ट सीड की आ जाती है, सीड रेट की,
टोटल कॉस्ट की 50% काट सिर्फ सीड रेट किया जाती है। क्यों? क्योंकि 20 से 25 क्विंटल यहाँ पे कितना बीज लग रहा है, 20 से 25 किलो नहीं, 20 से 25 क्विंटल, मतलब एक क्विंटल में 100 किलो, तो लगभग 2000 से 2500 किलो यहाँ पर कंद लग रहे हैं एक हेक्टेयर में सोइंग करने के लिए, बुआई करने के लिए। तो यहाँ देखो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही, जितनी पोटेटो में जितनी भी कॉस्ट आती है टोटल, उसकी 50% कॉस्ट सिर्फ बीज की आ जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट इसी आलू की फसल में हमें लगती है। स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग कितना रिक्वायर्ड है, ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति या फसल अंतरण की बात करें, तो ज्यामिति इसमें 60 × 20 से 25 भी रख सकते हो मीटर स्क्योर, इसमें रिक्वायर्ड होती है 60 से लेके 20 से 25 भी रख सकते हैं, ठीक है। पीएच रिक्वायरमेंट की बात करें तो पीएच इसमें लगभग 5.0 से लेके 5.5 पीएच इसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, 5 से लेके 5.5 पीएच, थोड़ा सा एसिडिक नेचर इसमें रिक्वायर्ड होता है सोइल का, क्लियर है, यहां तक का मामला आपका क्लियर होता है। क्या क्या चीज हमने डिस्कस कर ली है, ट्यूबर वेट हो गया हमारा, सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम यहां पे बात करते हैं इसमें क्या चीजें होती है, टेम्परेचर हमने डिस्कस किया तो स्टोरेज टेम्परेचर भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर कितना, भंडारण के समय कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो 15 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और स्टोरेज में हम इसमें कोल्ड स्टोरेज भी करते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में टेम्परेचर रखते हैं हम 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी रखते हैं लगभग 80% के आसपास। अब यहाँ पे देखो, आप कई बार मार्केट से जो पोटैटो लेके आते हो, आलू लेके आते हो, वो हमें खाने में मीठे लगते हैं, है ना। कई बार आप पोटैटो लेके आते हो, उसकी सब्जी बनाते हो या कुछ और भी बनाते हो, तो उसका जो टेस्ट काफ़ी मीठा लगता है। उसका मीठा लगने का कारण क्या है, उसका कारण ये है कि कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा समय तक, ठीक है, ज़्यादा समय अगर स्टोर कर देते हैं कोल्ड स्टोरेज में, तो उसके अंदर पोटैटो जो होता है, जो हमारा आलू है, आलू में क्या होता है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट, ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है या बदलता है, किसमें, सुक्रोज में। सुक्रोज क्या होता है, मीठा शर्करा है, ये मीठा इसमें बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो पोटैटो आलू जो है मीठा लगता है। किस वजह से, कि कोल्ड स्टोरेज में आपने 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर पर रखा है, ज़्यादा समय तक अगर रख दिया उसको, तो वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें वो मीठा लगने लगता है। क्लियर है यहाँ तक की बात, चलो इसमें एक प्रोसेस भी करते हैं, प्रोसेस दो प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस समझ लीजिए, ठीक, ऑपरेशन इसमें करते हैं, ऑपरेशन इसमें करते हैं। पहला है अर्थिंग अप, अर्थिंग अब जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी चढ़ाना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी चढ़ाना कहते हैं, ठीक है। मिट्टी चढ़ाना का मतलब क्या है, देखो कब, 40 डे आफ्टर प्लांटिंग, ठीक है, प्लांटिंग के लगभग 40 दिन के बाद, ठीक है, 40 डे आफ्टर प्लांटिंग, डे मतलब दिन हो गया, आफ्टर मतलब बाद में, प्लांटिंग मतलब प्लांटिंग के 40 दिन के बाद हम क्या करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं। और यहाँ पर प्लांट की जो हाइट है वो कितनी हो जाती है, प्लांट हाइट, पादप ऊंचाई की बात करें, पादप ऊंचाई कितनी, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऊंचाई कितनी रखना है, ये हमारा अगर प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये लीव्स हो गई, और यहाँ पे हमारा ये रूट्स हो गया, रूट्स में यहाँ लगे हैं हमारे, ठीक है, ये हमारे क्या लगे हैं, कंद आ गए। अब इसमें इसकी हाइट कितनी, ये प्लांट की हाइट लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट हो, और प्लांटिंग के 40 डे आफ्टर प्लांटिंग, 40 दिन बाद, प्लांटिंग के 40 दिन बाद क्या करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से इस पर प्लांट पर मिट्टी चढ़ा देते हैं, ठीक है। क्यों चढ़ाते हैं, मिट्टी चढ़ाने का कारण क्या है, एक तो इसको सपोर्ट देना, फिजिकल सपोर्ट देना, ठीक है, मिट्टी चढ़ाने का कारण एक तो इसको सपोर्ट देना, सहारा देना, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये इस तरीके की हमने मिट्टी चढ़ा रखी, इस पर मान लो कोई आलू है, ये यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है, ये कंद है हमारे, ठीक, ये जो है मिट्टी के बाहर है, क्लियर है, ये जो पोटैटो है वो कहाँ आ गया, मिट्टी के बाहर, ये हमारी मिट्टी है यहाँ पे,
ये मिट्टी के बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सूर्य भगवान है हमारे, यहाँ सनलाइट आएगी इसके ऊपर। अब सनलाइट आएगी तो क्या होगा, ये पोटेटो क्या समझेगा कि मुझे फोटोसिंथेसिस करना है, मतलब ये क्या सोच रहा है कि मुझे फोटोसिंथेसिस करना है। क्यों? क्योंकि जब इस पे सनलाइट आएगी, ठीक है, सनलाइट आएगी तो यहां पर क्या होगा, एक केमिकल जनरेट होगा। जब सनलाइट आएगी तो यहां पर एक केमिकल काम करेगा, कौन सा, सोलानीन, कौन सा, सोलानीन, ये टॉक्सिक केमिकल है, ठीक है, ये कम काम करेगा। ये जब सोलानीन कंटेंट यहां पे बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सोलानीन कंटेंट बनेगा तो यहां पर क्या होगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इस ट्यूबर के अंदर, क्लोरोफिल बढ़ जाएगा या क्लोरोफिल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्या, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यहां पर बनना शुरू हो जाएगा। और क्लोरोफिल बनेगा तो ये कैसा हो जाएगा, ये ट्यूबर कैसा हो जाएगा, हरा हरा रंग का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पोटेटो वो क्या होगा, ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखेगा, ये आप मार्केट से आते हो, ग्रीन कलर का हो जाएगा, वो ग्रीन कलर का होगा, मतलब यहाँ पे देखो सोलेनिन कंटेंट क्लोरोफिल बना रहा है, और क्लोरोफिल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये आलू समझ रहा है भाई कि मेरे को फोटोसिंथेसिस करना है, इसलिए वो हरा हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिट्टी चढ़ा देते हैं, अर्थिंग अप कर देते हैं, क्लियर, ताकि वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो, सोलेनिन कंटेंट ना बने, क्लोरोफिल ना बढ़े और फोटोसिंथेसिस ना हो, ठीक है, ये दो रीजन है, क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको, ये क्या प्रोसेस होती है। नेक्स्ट प्रोसेस की बात करूं मैं तो सेकेंड जो इसमें प्रोसेस होती है वो है डिहॉल्मिंग। क्या होती है, नेक्स्ट जो ऑपरेशन होता है इसमें, डिहॉल्मिंग, डीहॉल्मिंग इसमें करते हैं। देखो डीहॉल्मिंग क्या होता है, टेन टू फिफ्टीन डेज बिफोर हार्वेस्टिंग कट दी एरियल पार्ट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, मतलब हार्वेस्टिंग के 10 से 15 दिन पहले ग्राउंड से वायु जो भाग है उसको काट देना, हटा देना। देखो क्या लिखा मैंने कि कटाई के 10 से 15 दिन पहले, कटाई के 10 से 15 दिन पहले सतह से वायुवीय भाग को हटाना डीहल्मिंग कहलाता है। क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, सारी चीज समझाता हूं, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लांट, ठीक है, और यहां पे लगे हैं हमारे कंद, और ये है हमारा वायुवीय भाग, पत्ती, ठीक है, ये वायु भाग। अब क्या बोला हमने कि हार्वेस्टिंग के 10 से 15 दिन पहले इसको सतह से हटा देते हैं, काट देते हैं यहां से, तो ये क्या कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, यहां से हमने काट दिया इसको। और ये ऊपर वाला भाग हम किसी के लिए, चारे के लिए यूज कर लेते हैं, केटल को खिलाने के लिए यूज कर देते हैं, ऊपर वाला भाग हम हटा देते हैं, तो ये बचता है कब, 10 से 15 दिन पहले। जैसे मान लो हमें जनरली हार्वेस्टिंग कब करना है, जनवरी में, जनवरी में हार्वेस्टिंग करना है, ठीक है, जनवरी में हार्वेस्ट करना है, जनवरी में हार्वेस्ट करना है, तो डीहॉल्मिंग कब करेंगे, डीहॉल्मिंग करेंगे हम दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, डीहॉल्मिंग करेंगे, मतलब ऊपर वाला जितना भी भाग है उसको हटा देंगे 10 से 15 दिन पहले। तो यहां पे क्यों करते हैं ऐसा, दो कारण क्या है, देखो क्यों करते हैं, एक तो हो गया कंद की जो साइज है बढ़ जाती है, कंद की साइज है वो बढ़ जाती है, ट्यूबर की जो साइज है, मतलब जो कंद है हमारा, कंद है उसकी साइज बढ़ जाएगी, ठीक है, ट्यूबर की जो साइज है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर अभी क्या हो रहा है, न्यूट्रेंट जो है ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये न्यूट्रेंट इसमें भी जा रहा है, इसमें इसमें इसमें, जैसे इसको हटाएंगे तो न्यूट्रेंट ऊपर नहीं जाएगा, वो न्यूट्रेंट कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, जितना भी है न्यूट्रेंट पोषक तत्व तो इसके अंदर आएगा, तो इसकी साइज बढ़ेगी, इसकी क्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होता है, ये जो है
दिसंबर के महीने में, लगभग दिसंबर के महीने में यहाँ पर एफिड का अटैक बहुत ज़्यादा होता है इसमें, एफिड का अटैक बहुत ज़्यादा होता है आलू में। और एफिड का अटैक कहाँ होता है? पत्तियों के ऊपर होता है। अगर इसको हम हटा ही देंगे तो क्या होगा? एफिड का अटैक भी नहीं होगा। ठीक है, एफिड के लिए जो क्रांतिक अवस्था है, क्रांतिक अवस्था है क्या है कि 20 एफिड, कितने? 20 एफिड प्रति 100 लीफ। कितनी? अगर 100 पत्तियां हैं, 100 पत्तियां पे अगर 20 एफिड दिख जाए मतलब आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, कंट्रोल करने की जरूरत है। तो अगर हम डीहेलमिंग करेंगे, ऊपर वाला भाग हटा देंगे तो एफिड का अटैक भी नहीं होगा। तो हम यहां कर सकते हैं कंट्रोल एफिड अटैक्स, तो इसके करने से क्या होगा? कंट्रोल एफिड अटैक, एफिड अटैक भी इससे क्या होगा? कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? तीसरी चीज क्या होती है कि ये अंदर इसका जो ऊपरी भाग है जिसको हम बोलते हैं पेरीडर्म, ये होता है ना आलू, इसका जो ऊपरी भाग होता है इसको हम बोलते हैं पेरीडर्म। जब आलू नया नया होता है तो आपने देखा हो, मार्केट में जाओगे देखोगे ठेले वालों के पास, जब नया आलू होता है ना तो ऊपर का छिलका हल्का सा कहीं कहीं से निकला हुआ दिखता है आपको, क्यों? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो अगर आलू 10 से 15 दिन नीचे रहेगा तो जो पेरीडर्म वाला भाग भी क्या होगा? मजबूत होगा, कठोर होगा और आसानी से उस पर क्या होगा? इंजुरी नहीं आएगी। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे ये दो प्रोसेस है, डीहेलमिंग और क्या करते हैं, अर्थिंग अप। आई थिंक ये आप क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर? ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, क्रांतिक स्टेज हमने बता दी, एफिड 20 एफिड होना चाहिए, कितने पर? 100 अगर आपकी लीफ है उस पर होना चाहिए। ठीक है, अर्थिंग अब हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या TPS और SPT की, दो है यहाँ पे TPS टू प्रोटेटो सीट और दूसरा है सीट प्लॉट टेक्निक। ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनेंगे ही बनेंगे। क्या है ये? ट्रू पोटेटो सीड और ये क्या है? सीड प्लॉट टेक्निक, सीड प्लॉट टेक्निक। ठीक है, सीड प्लॉट टेक्निक और ट्रू पोटेटो सीड। अब देखो, सीड प्लॉट ट्रू पोटेटो टेक्निक ये किसने दी है? ये दी है रामानुजन। ठीक है, कब? 1957 में। और एसपीटी जो है सीट प्लॉट टेक्निक, ये दी है पुष्करनाथ ने। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है, ये IMP है। ठीक, कब? 1967 में, 10-10 साल का अंतर है। दोनों का पर्पज क्या है? दोनों का पर्पज क्या है? डिजीज आर बोल सकते हैं वायरस फ्री सीड प्रोड्यूस करना। ठीक है, दोनों का पर्पज, ये भी डिजीज एंड वायरस फ्री सीड, और इसका भी मेन पर्पज क्या है? डिजीज या बोल सकते हैं वायरस फ्री सीड प्रोड्यूस करना, सीड प्रोड्यूस करना। बट ये कहां? नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ इंडिया में। सीट प्लॉट टेक्निक पुष्करनाथ से 1967, ये डिजीज फ्री वायरस फ्री प्लांट तैयार करते हैं नॉर्थ इंडिया के लिए और ऊपर इंडिया के लिए। और इसमें जो सीड रेट होती है, ठीक है, ट्रू पोटेटो में जो है सीड रेट होती है वो कितनी होती है? लगभग 100 से लेके 150 ग्राम सीड यहाँ पर यूज किए जाते हैं। और ध्यान रखना, ये जो है सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर सकते हैं? साइंटिस्ट। दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों के लिए है। कौन यूज करते हैं? साइंटिस्ट, नॉट फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए नहीं है, सिर्फ साइंटिस्ट के लिए, फार्मर्स के लिए नहीं है। ठीक है, ये जो है फार्मर्स को नहीं दिए जाते हैं, याद रखना, ये सिर्फ साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? यहाँ पर ट्रू पोटेटो सीड से क्या तैयार करते हैं? ट्यूबर तैयार करते हैं, कंद तैयार करते हैं, और वो उन कंद को दिया जाता है फार्मर को सोइंग के लिए, प्रोपोगेशन के लिए, ताकि जो उनके प्लांट में वायरस और डिजीज का अटैक ना हो, एफिड का अटैक ना हो। एफिड जो है लीफ रोल वायरस फैलाने का काम करता है पोटेटो के अंदर। क्लियर है? तो इनको जो है रिसर्च स्टेशन पर बनाया जाता है और वहां से कंद तैयार किए जाते हैं, ट्यूबर तैयार किए जाते हैं, वो ट्यूबर फार्मर्स को भेजा जाता है, सीड नहीं भेजे जाते। याद रखना, सीड नहीं दिए जाते फार्मर को, ट्यूबर भेजे जाते हैं, ट्यूबर से अगर प्रोटेक्शन होता है। ये दोनों टेक्निक हो गई। चलो अब हम बात कर लेते हैं डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट और डिसऑर्डर की। चलो सबसे पहले बात करते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कौन कौन से यहां पर लगते हैं? सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक हार्ट, ब्लैक हार्ट की बात करते हैं। दूसरा इसमें और लगता है होलो स्टेम। ठीक है, ब्लैक हार्ट और होलो स्टेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको पता होना चाहिए। ब्लैक स्टेम जो होता है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होता है।
कहाँ होता है, इंटरनल ब्रेकडाउन हो जाता है, स्टोरेज के अंदर होता है। तो स्टोरेज के अंदर बोला जाता है कि आपको टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुअर वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब जो हवा वगैरह जो है वहाँ पर अच्छी होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टोरेज में, तो ये ब्लैक हार्ट से बचाया जा सकता है। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से होता है, होलो स्टेम जो है नाइट्रोजन या एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से। एक्सेस नाइट्रोजन की या नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होता है, ठीक है। क्या होता है कि इसकी साइज तो बढ़ जाती है कंद की, लेकिन अंदर से क्या हो जाता है, ये खाली, अंदर से ये खाली रहता है, साइज बढ़ जाती है और अंदर से खाली हो जाता है, होलो हो जाता है ट्यूबर। ट्यूबर जो है वो अंदर से बिल्कुल होलो हो जाता है, खाली हो जाता है। और नाइट्रोजन जब हम ज़्यादा देंगे तो साइज तो बढ़ जाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब स्टेम की साइज, ये ट्यूबर की साइज तो बढ़ जाएगी, और अंदर से क्या रहेगा, वो होलो रहेगा, खाली रहेगा। इसके लिए होलो स्टेम बोलते हैं। नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से होता है ब्लैक हार्ट जो है, वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। ये दो डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या डिजीज की, रोग की बात करते हैं। तो रोग की बात करें तो इसमें लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो, ठीक है। आलू की पछेती अंगमारी, क्या बोलते हैं इसको, आलू की पछेती अंगमारी, आलू की पछेती अंगमारी इसको बोलते हैं, आलू का पछेती रोग बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है किसकी वजह से, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस फंगस की वजह से होता है। और इसकी वजह से क्या आया था, फेमाइन, अकाल आया था कहां पर, आयरलैंड में, कब, 1845 में, ठीक है। आलू का अकाल आयरलैंड में 1845 में आया था, किसकी वजह से, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो की वजह से, आलू की पछेती अंगमारी की वजह से, ठीक है। और ये बताया था किसने, एडी बेरी ने, एंटोन डी बेरी ने बताया था कि ये जो है फंगस की वजह से होता है, एंटोन डी बेरी ने बताया था, जो क्या है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है। पहली डिजीज, बाकी तो आप बस नाम याद रख लीजिए। दूसरा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो, आलू की अगेती अंगमारी लिखने की जरूरत नहीं है, ये होता है अल्टरनेरिया सोलानी, अल्टरनेरिया सोलानी की वजह से होता है। तीसरा आप याद रखो यहाँ पे ब्लैक स्कर्फ, ब्लैक स्कर्फ डिजीज, ये होता है राइजोक्टेनिया सोलेनी की वजह से, बस नाम याद रखना है। चौथा है स्कैब डिजीज, आलू स्कैब, ये किसके बताता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबी की वजह से होता है। और क्या है, वाट डिजीज, वाट डिजीज जो होती है वो होती है सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम, सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम की वजह से होती है, बस ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऊपर वाली है। अब बात करते हैं इंसेक्ट की, एक और डिजीज है वो है पोटेटो लीफ रोल वायरस, लीफ रोल वायरस, ये एफिड के द्वारा फैलता है, एफिड द्वारा होता है। एफिड का नाम क्या है, माइजूस परसेसी, सी है, माइजूस परसेसी की वजह से एफिड के द्वारा ये फैलता है, क्लियर है। तो एक इंसेक्ट तो एफिड ही हो गया, अब बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। एक इंसेक्ट की और बता दूं, एक इंसेक्ट बता दूं, वो है पोटेटो ट्यूबर मॉथ। ये स्टोरेज, स्टोर और फील्ड दोनों में अटैक करता है, स्टोर और फील्ड दोनों में अटैक करता है, ठीक है। नाम है इसका मोस्चेमा ओपरकुलेला, ठीक है, ग्लोरी मोस्चेमा ओपरकुलेला, इसका नाम है पोटेटो ट्यूबर मॉथ का। और एफिड,
क्लियर है? तो आलू के अंदर जितनी भी चीज़ें थी सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, मेरे हिसाब से अब कोई पॉइंट छूटा नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोमेटो के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। आलू हमने पढ़ा और अब हम पढ़ेंगे टमाटर। तो अभी हम सोलेनेसी क्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं। सोलेनेसी क्रॉप के अंदर हमने अभी देखा ये सारी क्या है, सोलेनेसी फैमिली की है। सोलेनेसी फैमिली में क्या है हमारा, टोमेटो, टमाटर, पोटेटो, आलू, ब्रिंजल आता है और चिली, ये चार है। इन चारों की बेसिक चीज समझ लो। क्रोमोसोम नंबर की बात करें इनके अंदर चारों का बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो सब में क्या है, 2n = 24। इसमें क्या होता है, ये टेट्राप्लॉइड होता है, आलू टेट्राप्लॉइड होता है, इसमें होते हैं 48। मतलब ये क्या हो जाएगा, 4x 2n = 4x = 48, ठीक। इसमें भी 24 होते हैं और चिली में भी क्या होते हैं, 24 होते हैं। ओरिजन की बात करें तो इन दोनों का तो हो गया पेरू, ठीक है। ब्रिंजल जो है ये हमारा कहाँ है, इंडिया का है, ठीक है। जितने भी ऐसी चीज़ें जो जो नुकसान करती हैं, जिनको डॉक्टर बोलता है मत खाओ, इससे दूर रहो, ये जो है वाइडी, जैसे बोलते हैं ना वाइडी चीज़ है ना, खुजली वगैरह इनसे होती है, ये भारत ओरिजिन है। चिली की बात करें तो चिली का कहाँ आ जाएगा, ट्रॉपिकल अमेरिका या मेक्सिको, मेक्सिको, ठीक है। मिर्च, वहाँ से मिर्च और वहाँ से मेक्सिको। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं हमने समझा। फ्रूट टाइप सबका देखो, सबका फल प्रकार क्या होता है, फल प्रकार जो है सबका, सबका फल प्रकार क्या है, बेरी। बेरी सबका फल प्रकार क्या हो गया, सबका फल प्रकार क्या है, बेरी है इसमें। तो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है सोलेनेसी की। सोलेनेसी में आपने देखा हो ना, सोलेनेसी का जो फ्रूट होता है, जैसे मान लो टमाटर है ये, ठीक है, ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा टमाटर है, ठीक है, ये टमाटर है। इस टमाटर में आपने देखा जब इसको तोड़ते हैं तो इसके साथ जो है ये इस तरीके से साथ में ये कैलिक्स आता है, ठीक है, ये कैलिक्स भी साथ में आता है। ये जब आप तोड़ते हो तो टमाटर रोल करके मार्केट में इस तरीके से आपको मिलता है, फिर इसको आप निकालते हो और फिर इसको काट के सब्जी वगैरह बनाते हो। सेम मिर्ची में भी होता है, मिर्ची आपने देखा होगा, मिर्ची ये हमारी, अगर मान लो ये मिर्ची है तो इस मिर्ची में क्या होता है, पीछे इस तरीके का इसकी केप होती है ना, ये तो ये क्या है, ये कैलिक्स है, क्या है ये क्या है, कैलिक्स है, कैलिक्स। और इस कैलिक्स को क्या बोला जाता है, इस कैलिक्स को बोला जाता है परसिस्टेंस, परसिस्टेंस कैलिक्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस कैलिक्स। इसका मतलब क्या है, जीए मरेंगे साथ में, परसिस्टेंस कैलिक्स का मतलब हो गया कि जीए मरेंगे साथ में, भाई मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो जब इसको फल पेड़ से तोड़ा जाता है तो ये फ्रूट के साथ ही आता है, इसको भी तोड़ा जाता है तो ये फल के साथ ही आता है। तो परसिस्टेंस के लिए इसका मतलब ये होता है कि ये साथ में ही रहते हैं, चाहे जिए मरेंगे साथ वाली कहानी है ये। तो हम इसको हाथ से तोड़ के अलग करते हैं जब पकाते समय, नहीं तो ये क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं, इसको परसिस्टेंस के लिए बोला जाता है। क्लियर है? तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन सोलेनेसी के बारे में। क्रोमोसोम नंबर सबके समय बस पोटेटो टेट्राप्लॉइड होता है तो 48 हो गए, बाकी इनका फ्रूट टाइप सबका पेरू होता है, ओरिजन टोमेटो पोटेटो का पेरू है, ब्रिंजल का इंडिया है, चिली का मेक्सिको हो जाएगा, बेसिक बेसिक। और एक चीज बता दूं, जितने भी फल खाने वाले, जिनके भी फल खाए जाते हैं, मतलब फल खाने वाली जो वेजिटेबल है वो सब क्या होती है, डे न्यूट्रल। क्या होती है, ये ट्रिक है याद कर लेना, वो क्या होती है, सारी की सारी डे न्यूट्रल होती है, डे न्यूट्रल, डे न्यूट्रल होती है फल खाने वाली। जैसे कि हम इसमें टमाटर में भी फल खाते हैं, बेंजल में भी फल खाते हैं, ठीक है, और पोटेटो में भी, पोटेटो में फल नहीं खाते, याद रखना, पोटेटो में हम फल नहीं खाते हैं, ध्यान रखना, पोटेटो में फल नहीं खाते। इसलिए हमने इसमें क्या पढ़ा था, पोटेटो में क्या हम क्या खाते हैं, पोटेटो में हम क्या खाते हैं, मैंने बताया था पोटेटो हम क्या खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन खाते हैं। तो ये पोटेटो फल नहीं है, ये फल के अलावा खाए जाने वाले भाग में आता है पोटेटो, इसलिए ये क्या था, लॉन्ग डे प्लांट था, और ट्यूबराइजेशन पर्पज की वजह से शॉर्ट डे प्लांट था। तो जैसे जिनका फल खाते हैं, जैसे टोमेटो में फल खाते हैं, ब्रिंजल में फल खाते हैं, चिली में फल खाते हैं, कुकर बिट्स जितनी भी है, कुकर बिट्स में सब में हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं। तो जितने भी फल वाली हैं उनमें हम क्या खाते हैं, वो क्या होती है, डे न्यूट्रल होती है। बाकी जैसे इनका फल नहीं खाते, ऐसे टोमेटो का फल नहीं खाते हम, पालक का फल नहीं खाते, पालक की हम पत्तियां खाते हैं, कॉलीफ्लावर में हम फल नहीं खाते, कॉलीफ्लावर में हम क्या खाते हैं, कट खाते हैं, हेड खाते हैं, वो भी किसका भाग है, मॉडिफाइड स्टेम का, और मॉडिफाइड जो है लीफ और इनका मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि मूली में हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, गाजर में हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। तो ये इनमें जो है डे न्यूट्रल प्लांट नहीं आएगा, वो जिनका हम फल खाते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब जिसमें फूल आएगा, फूल के बाद फल बनेगा और वो फल हम खा रहे हैं तो वो सारी की सारी डे न्यूट्रल होगी, समझ जाना। जैसे टमाटर का हम फल ही तो खाते हैं, मिर्ची का हम फल खाते हैं, भिंडी का हम फल खाते हैं, ठीक है, ये सारी क्या है, डे न्यूट्रल है। तो एक तरीका है, शुद्ध, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे
टमाटर के बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन जो भी है यहाँ पे। देखो टमाटर का जो और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और बेसिक हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे क्या है? इसका जो बोटानिकल बोटानिकल नेम वानस्पतिक नाम क्या है, क्या है? लाइको पर्सी, लाइको पर्सिकॉन, एक मिनट, लाइको पर्सिकॉन एस्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम इसका क्या है? अब देखो लाइकोपर्सिकॉन क्यों है, क्योंकि टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है? लाइकोपिन, ठीक है। मैं बना देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ इसको, ठीक है, मज़ा आ जाएगा आपको। मतलब ये हमारा क्या है? टमाटर है, क्लियर है? ये हमारा क्या है? ये हमारा टमाटर है, ठीक है। अब टमाटर का जो ये कलर है, ये लाल कलर, ये किसकी वजह से होता है? टमाटर का जो ये कलर आपको लाल दिख रहा है, ये लाल कलर किसकी वजह से होता है ये हमें बताना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका पूरा टमाटर आपको बना ही देता हूँ, ये आपका टमाटर बन गया, ठीक है। ये आपका टमाटर बन गया, ठीक। अब ये टमाटर का कलर जो है ये आपको लाल दिखाई दे रहा है, लाल किसकी वजह से होता है? तो ये लाइकोपिन कंटेंट की वजह से होता है, लाइकोपिन पिगमेंट, लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से होता है। किसके? ये क्या है? एक पिगमेंट है, वर्णक है। लाइकोपिन क्या है? एक पिगमेंट है। लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से इसका जो ये रंग आपको लाल दिखाई देता है, ठीक है। इसी के नाम पर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम नाम है। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम किसके आधार पर है? तो इस लाइकोपिन पिगमेंट की वजह से ही इसका नाम क्या है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम है। और टमाटर में सबसे अधिक मात्रा में, मतलब अगर सारे फ्रूट की बात कर दें, जितनी भी वेजिटेबल है, जितनी भी आप वेजिटेबल पढ़ते हो, चिली में भी लाइकोपिन पाया जाता है, लेकिन जितनी भी वेजिटेबल है, फ्रूट है, सब में सबसे अधिक लाइकोपिन पाया जाता है। तो किसके अंदर? टमाटर के अंदर लाइकोपिन पाया जाता है। लाइकोपिन बनने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 21 से लेके 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और लाइकोपिन जो है स्टॉप हो जाएगा कितने टेम्परेचर पर? बनना बंद हो जाएगा कितने टेम्परेचर पर? मोर देन 27 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाता है तो लाइकोपिन जो है धीरे धीरे बनना बंद हो जाता है, या उसका जो है लाइकोपिन का जो है पिगमेंट जो बन रहा है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ हम चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे एक इसमें जो होता है ऑरेंज कलर भी होता है, क्या? पीला कलर। टमाटर का जो है पीला रंग भी होता है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, टमाटर का जो है वो पीला रंग भी होता है, ये टमाटर जो है पीले रंग का भी होता है। तो पीला रंग जो है टमाटर का वो किस वजह से होता है ये भी हमें समझना है थोड़ा सा, कि टमाटर का रंग जो है वो पीला भी होता है किस वजह से होता है, ठीक है। ये टमाटर का रंग पीला भी होता है, तो ये पीला रंग जो है ये किस वजह से होता है? तो ये पीला रंग किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से होता है? कैरोटीन, कैरोटीन पिगमेंट। ये भी क्या है? एक पिगमेंट है। क्या है ये? पिगमेंट है। तो कैरोटीन पिगमेंट की वजह से क्या होता है? इसका रंग पीला होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और एक और पिगमेंट होता है, एक और पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है? टेंजरीन। मैं बता देता हूं, टेंजरीन पिगमेंट, ठीक है। क्या ये भी क्या है? टेंजरिंग। ये भी क्या है? एक पिगमेंट है, टेंजरिंग पिगमेंट। अब टेंजरिंग पिगमेंट से अलग अलग कलर, टेंजरिंग पिगमेंट से मतलब जो सारे कलर बनते हैं, जैसे मान लो टमाटर हरे रंग का है, ठीक है, हरे रंग का टमाटर है टेंजरिंग की वजह से। मान लो यहाँ पे ये ऑरेंज इस कलर का टमाटर है, तो टेंजरिंग की वजह से अलग अलग कलर के जो टमाटर आपको देखने को मिलेंगे, ये टेंजरिंग पिगमेंट की वजह से जो है टमाटर का कलर इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है, टेंजरिंग पिगमेंट की वजह से। तो याद रखना है, एक तो लाइकोपिन हो गया जिसके लिए टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। येलो कलर किसकी वजह से होता है ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कब जो है लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है? 27 डिग्री के बाद, मतलब लगभग 30 डिग्री का टेम्परेचर हो जाता है, लाइकोपिन बनना बंद हो जाता है। ये कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, क्लियर है, कि लाइकोपिन का कहानी। अब ये अलग अलग कलर है, देखो ये इस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या कौन होता है? प्लास्टिड होता है, ठीक है। इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड, प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिक के अंदर तीन होती है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है
क्लोरोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, तीन चीज होती है। तो अलग अलग कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, ये क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्रोमोप्लास्ट, और हरे रंग के लिए कौन है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर के लिए याद रखना, ग्रीन अगर कलर है तो उसके लिए क्लोरोप्लास्ट, और ये ल्यूकोप्लास्ट जो होता है कलरलेस के लिए, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो किसके लिए है, कलरलेस के लिए, कलरलेस के लिए। तो ध्यान रखना कि ये जो लाइकोपिन और कैरोटीन बन रहा है ये किसकी वजह से बन रहा है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, अलग अलग कलर क्रोमोप्लास्ट। और ग्रीन कलर बन रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से, और कलरलेस जो है वो ल्यूकोप्लास्ट की वजह से। तो ये सारी चीजें बेसिक आप समझ गए क्लोरोफिल से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। जो जो स्टार बनाए वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लियर है। चलो फैमिली की बात करें तो फैमिली बताने की जरूरत नहीं है, क्या है इसकी, सोलानेसी, सोलानेसी इसकी फैमिली है। फिर ओरिजिन की बात करें, मैं बता दिया बेसिक इसका, अभी क्या है इसका, पेरू है, या बोल सकते हैं क्या, साउथ अमेरिका, पेरू या साउथ अमेरिका इसका क्या है, ओरिजिन है। क्रोमोसोम नंबर ये भी बता चुका हूँ, क्रोमोसोम नंबर सोलानेसी सब में कितने होते हैं, 24, किसको छोड़ के, पोटेटो को, पोटेटो के 48 होते हैं क्योंकि वो टेट्राप्लॉइड होता है, ठीक है। और हम बात करें इसमें, और हम बात करें इसमें क्या, चलो इसकी जो फ्रूट टाइप है, फ्रूट टाइप भी हमने बता दिया अभी, फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप या फल प्रकार इसमें क्या होता है, फ्रूट टाइप, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फल प्रकार। तो ये गुच्छे में लगते हैं, गुच्छे में लगते हैं तो ये क्या होगा, इसका फल प्रकार बेरी होता है, जिसको हिंदी में सरस कहते हैं, ठीक है, बेरी भी लिखाओ मिल जाएगा। तो ये गुच्छे में लगते हैं इसलिए, या फिर इनमें कई सारे बीज होते हैं, या बीज धसे हुए रहते हैं, कई सारे जो है आइडेंटिफिकेशन, तो फ्रूट टाइप है, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे बात करते हैं कि ये किस टाइप का प्लांट है। फोटो पीरियडिज्म के बेसिस में मैंने बताया था, क्या बताया था, फोटो पीरियडिज्म, फोटो पीरियडिज्म का मतलब प्रकाश दीप्तिकालिता, प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार पर ये कैसा है, डे न्यूट्रल है, डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट का मतलब प्रकाश निष्प्रभावी पौधा, प्रकाश निष्प्रभाव पौधा, इस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये सब क्रॉप में याद रखने की जरूरत नहीं, मैंने बताया जिनमें भी फल खाए जाते हैं, फल खाए जाते हैं, जिनके फल खाए जाते हैं, ठीक है, जिनके फल खाए जाते हैं वो सारे क्या होगा, डे न्यूट्रल प्लांट होंगे, जिनके भी फल खाए जाते हैं। पोटेटो में फल खाए जाते हैं, नहीं खाए जाते, उनका हम क्या खाते हैं, स्टेम खाते हैं, मॉडिफाइड स्टेम खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं, तो वो लॉन्ग डे में चला गया। जैसे स्वीट पोटेटो में भी हम क्या खाते हैं, नीचे का मॉडिफाइड स्टेम खाते हैं, मूली में हम रूट खाते हैं, गाजर में हम रूट खाते हैं, कुकर मिर्च में हम फल खाते हैं, तो डे न्यूट्रल में हो जाएगा, ठीक है। कोल क्रॉप जो है वो क्या है, कोल क्रॉप में हम क्या खाते हैं, कड़ खाते हैं, वो हेड खाते हैं, जो कि स्वेलन स्टेम होता है, अलग अलग पार्ट है, तो वो भी क्या है, वो भी डे न्यूट्रल प्लांट नहीं है। तो डे न्यूट्रल वो होंगे जिनका हम फल खाते हैं, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलो अब फल खाने का मतलब मैं वेजिटेबल में बात कर रहा हूँ, फ्रूट में मत चले जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पे, ओके, अब बात करते हैं पोलिनेशन की। इसमें पोलिनेशन मतलब परागण, परागण की बात करें इसमें, तो परागण जो होता है वो सेल्फ होता है, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन कौन सा, स्वपरागण, स्वपरागण होता है। स्वपरागण में भी कौन सा, तो स्वपरागण में भी होता है, इनमें कौन सा होता है, चेस्मोगेमी, क्या होता है, चेस्मोगेमी होता है। अब चेस्मोगेमी का मतलब क्या है समझना, चेस्मोगेमी का मतलब होता है कि यहां पे ब्रीडिंग के अंदर मैंने अच्छे से पढ़ाया है, वो अभी आपको मिल जाएगा लेक्चर। देखो होता क्या है चेस्मोगेमी का मतलब, एक होता है क्लिस्टोगेमी, एक होता है चेस्मोगेमी, क्या होता है, एक होता है क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी, ठीक है। क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, यहां पे पोलिनेशन होता है विदाउट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, विदाउट फ्लावर ओपन, मतलब फ्लावर ओपन भी नहीं, ओपन नहीं होगा, और क्या होगा, पोलिनेशन होगा अंदर, मतलब यहां पे
आफ्टर पोलिनेशन फ्लावर कैन नॉट बी ओपन, पोलिनेशन के बाद भी फ्लावर ओपन नहीं होता है। तो यहाँ पे पोलिनेशन जो होता है वो बंद फ्लावर के अंदर होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, पोलिनेशन जो होता है वो बंद फ्लावर के अंदर होता है, बंद फ्लावर के अंदर होता है और फ्लावर ओपन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पोलिनेशन बंद फ्लावर के अंदर तो होता है, यहाँ पोलिनेशन जो होता है बंद फ्लावर में होता है, ठीक है, बंद फ्लावर में होता है और उसके बाद फ्लावर ओपन होता है, उसके बाद फ्लावर ओपन हो जाता है, मतलब पोलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन हो जाता है, उसको चेस्मोगेमी बोलते हैं। यहाँ पोलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर जो है ओपन नहीं होगा, फ्लावर ओपन नहीं होता है, बस इतना अंतर है, ठीक है। यहाँ भी पोलिनेशन बंद फ्लावर के अंदर होता है, यहाँ भी पोलिनेशन बंद फ्लावर के अंदर होता है, लेकिन यहाँ पोलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन नहीं होता है, यहाँ पे पोलिनेशन के बाद फ्लावर ओपन हो जाता है, और ये दोनों के दोनों किसका प्रकार है, सेल्फ पोलिनेशन के प्रकार है। तो टोमेटो के अंदर क्या होता है, चेस्मोगेमी, मतलब पोलिनेशन के बाद फ्लावर जो है ओपन नहीं होगा, क्लियर है, पोलिनेशन के बाद यहाँ पर फ्लावर ओपन नहीं होता है, ठीक है। देखो अब एक चीज़ और समझना, जितने भी वेजिटेबल्स यहाँ पे आप देखोगे, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी क्या है वेजिटेबल्स हैं, वो सबकी क्या होती हैं, उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक एल्कलाइन नेचर होता है, क्या होता है, एल्कलाइन या बेसिक नेचर होता है, क्षारी नेचर होता है, क्या होता है, क्षारी नेचर होता है, क्षारी प्रकृति होती है, ठीक है। तो इनके लिए सोइल कैसी चाहिए, इनके लिए सोइल चाहिए एसिडिक सोइल, एसिडिक सोइल चाहिए, अम्लीय मृदा चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, अम्लीय मृदा चाहिए, ठीक है। अगर इनका नेचर क्या है, क्षारी है, तो मृदा कैसी चाहिए, अम्लीय है, तभी तो न्यूट्रल होगा, ठीक है। इनका नेचर क्या है वेजिटेबल का, मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल जो है क्या है, अल्कलाइन नेचर की है, क्षारी प्रकृति की है, तो सोइल कैसी चाहिए, अम्लीय चाहिए, ठीक है, उल्टा। लेकिन यहां पर जो टमाटर है उसके साथ कहानी अलग है, एकमात्र एक्सेप्शन है, अपवाद है, याद रखना, अपवाद वो कौन है, टमाटर, टमाटर अपवाद है। ये कैसी होती है, एसिडिक नेचर की क्रॉप है, एसिडिक नेचर होता है इसका, अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, एसिडिक नेचर होता है किसका, टमाटर का, मतलब टमाटर का आप काटोगे, उसका रस निकालोगे और उसका पीएच लोगे तो एसिडिक आएगा, मतलब कितना पीएच होता है इसका, पीएच कितना होता है टमाटर का, पीएच होता है लगभग 4 से लेके 4.5 तक इसका पीएच होता है, किसका, टमाटर का। अब मुझे बताओ, सारी वेजिटेबल जो है बेसिक नेचर की थी, ठीक है, बेसिक नेचर की थी, सारी वेजिटेबल जो है बेसिक नेचर की थी, तो उनको सोइल कैसी चाहिए थी, एसिडिक। अब ये एसिडिक नेचर का है तो इसको सोइल कैसी चाहिए, मृदा कैसी चाहिए, तो यहाँ पर एल्कलाइन सोइल चाहिए या बेसिक, एल्कलाइन या क्षारीय, बेसिक क्षारीय मृदा चाहिए, क्षारीय मृदा चाहिए, मतलब पीएच कितना, लगभग 8.5 के आसपास पीएच चाहिए, किसके लिए, टमाटर के लिए। तो याद रखना, टमाटर के खुद के अंदर पीएच जो होता है वो 4, 4.5 के आसपास होता है, मतलब एसिडिक नेचर होता है। तो सोइल कैसी चाहिए उसके लिए, बेसिक वाली क्षारीय चाहिए, जिसका पीएच 8.5 के समथिंग हो, और बाकी सारी वेजिटेबल जो होती है वो क्षारीय नेचर की होती है, मतलब पीएच लगभग 8 के आसपास होता है, तो उनको क्या चाहिए, एसिडिक नेचर, मतलब सोइल कैसी चाहिए, 5, 5.5। इसलिए आपने पढ़ा ना सोलेनेसी में, जितने भी सोलेनेसी वाली है, जो सोलेनेसी वाली क्रॉप है, ठीक है, जैसे हमारा टमाटर हो गया, पोटेटो हो गया, बैंगन हो गया, चिली हो गया, तो इसमें टमाटर को छोड़ के, इस टमाटर को छोड़ के बाकी इन तीनों में, इन तीनों में पीएच कितना चाहिए, लगभग 5.5 से लेके 7.5 पीएच चाहिए, ठीक है, एसिडिक, ये लिखा हमने, थोड़ा सा एसिडिक, बाकी इसको 8.5 पीएच चाहिए टमाटर को, ठीक है। ये सोइल, सोइल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सोइल की, सोइल पीएच की बात कर रहे हैं अपन, ऐसा चाहिए, ठीक। चलो अब इसमें टमाटर में एसिड पाया जाता है, अब देखो ये एसिडिक नेचर की है, टमाटर में क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। अब एसिडिक नेचर होता है तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से इसमें एसिडिक नेचर होता है, तो याद रखना सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड की वजह से ये क्या होता है, इनका एसिडिक नेचर होता है। कितना होता है, तो 0.3% इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर का जो नेचर है वो एसिडिक होता है। समझ में आया, इसका एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है 0.3%, ठीक है। चलो और भी क्या चीज है इसके अंदर, इसका इन्फ्लोरोसेंस क्या है, इन्फ्लोरोसेंस, इन्फ्लोरोसेंस की बात करें, पुष्प क्रम की, पुष्प क्रम की बात करें, पुष्प क्रम मतलब जो
क्या है, जैसे मान लो ये डंटा ले, तो इस पर पुष्प का जो क्रम है, ठीक है, फूलों का जो क्रम है, किस तरीके से उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेसिमोस, क्या होता है, रेसिमोस, रेसिमोस जो होता है क्या, इसका इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो रेसिमोस होता है। और ये इसका अगर मान लो हम मैं बात करूं क्या क्लाइमेट की, क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, क्लाइमेट चाहिए इसको उष्ण, मतलब ट्रॉपिकल, क्या चाहिए, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट इसको चाहिए। अब ये ट्रॉपिकल का है, सीधी सी बात, अब मैं बताऊं आपको ट्रॉपिकल का है, बट मैं आपको यहां बता दूं, आपको सबका अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या सारी वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल जो है वो क्या होती है, क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक होती है, मतलब सभी सब्जियां क्या होती है, क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक मतलब तोड़ने पर पक जाएगी, तोड़ने के बाद क्या होगी, पक जाएगी। बस अब यहां पे अपवाद, एक एक ही अपवाद है, ठीक है, याद रखना, एक अपवाद है, अपवाद क्या है, खीरा, खीरा कुकुम्बर, कुकुम्बर जो है वो ये नॉन क्लाइमेट्रिक है, ये नॉन क्लाइमेट्रिक है, तोड़ने के बाद पकती नहीं है, ठीक है, तोड़ने के बाद पकती नहीं है। तो याद रखना सारे के सारे क्लाइमेट्रिक होती है, तोड़ने के बाद पक जाती है, लेकिन ये जो है खीरा तोड़ने के बाद नहीं पकता है, नॉन क्लाइमेट्रिक के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी आपकी क्लियर हो गई होगी, इतना मामला आपका क्लियर है। चलो अब फ्रूट प्रिवेंट के लिए क्या आयास करेंगे, जैसे यहाँ पे भी क्या होता है, फल गिरते हैं, तो फलों को गिरने से रोकने के लिए, फलों को गिरने से रोकने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, प्रिवेंट फ्रूट ड्रॉप, ठीक है, फ्रूट ड्रॉप को प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो 2,4-D का यूज करेंगे, 2,4-D का यूज करते हैं, फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D का इस्तेमाल किया जाता है। 2,4-D प्लस यूरिया आप लिख सकते हो, 2,4-D कितना, यहाँ पे एट द रेट ऑफ 1 to 2 PPM प्लस 1% यूरिया यूज कर सकते हो, ठीक है, 1% आप क्या यूज कर सकते हो, यूरिया आप यूज कर सकते हो फलों को गिरने से रोकने के लिए, 1% आप यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टमाटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ टमाटर, मतलब क्या है, दो तरीके के होते हैं, एक डिटर्मिनेंट टाइप होता है, एक इनडिटर्मिनेंट टाइप होता है, एक सीमित वृद्धि होती है, एक इसकी असीमित वृद्धि होती है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और इससे पहले एक चीज और देख लो, फलों को गिरने से बोला, फल की अगर साइज बढ़ाना है हमको, ठीक है, फल की अगर साइज बढ़ाना है, फल की गुणवत्ता बढ़ाना है, ठीक है, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या स्प्रे करेंगे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ फ्रूट, क्वालिटी ऑफ फ्रूट अगर बढ़ाना है, फ्रूट की क्वालिटी बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करना पड़ेगा, जिब्रेलिक एसिड डालना पड़ेगा फल की गुणवत्ता या फल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अब हम बात करेंगे टमाटर के टाइप के, दो प्रकार के टमाटर के टाइप होते हैं, दोनों समझना, एक होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सीमित, और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेंट। असीमित, असीमित प्रकार का डिटर्मिनेंट, सीमित, और जैसे डिटर्मिनेंट का मतलब सीमित कैसे, जैसे हम बोलते ना कि यार मैंने पहले से डिटरमाइन किया था कि ऐसा होगा, मतलब हमें पता है कि इसकी हाइट जो है इतनी ही जानी है, इससे ज़्यादा नहीं जानी है, देखो ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा। और इनडिटर्मिनेंट मतलब इसकी हाइट बढ़ेगी, रुकने वाली नहीं है, इनकी हाइट जो है बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों होता है, देखो यहाँ पर बताता हूँ। टमाटर में जो है दो तरीके के फ्लावर आते हैं, किस तरीके से फ्लावर आते हैं, एक ये टमाटर का पौधा है हमारा, ठीक है, जो है ये और यहाँ पे इसके फूल बनते हैं, मान लो ये यहाँ पे इसका क्या है, फ्लावर है, एक यहाँ पे फ्लावर है, एक यहाँ पे फ्लावर है, एक यहाँ पर क्या है, ये फ्लावर है। और अगर मान लो इसके मेन स्टेम पे जो एपिकल है, यहाँ पे अगर फ्लावर बन जाता है, समझ में आया बात, अगर ये मेन एपिकल पे, ठीक है, अंतिम सिरे पर बोल सकते हैं, किस पे, अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरे पर, इसको इधर बनाते हैं यार, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ बनाता हूँ, ये हमारा टमाटर का प्लांट है, ठीक है, इसमें ये हमारी लीव्स हो गई, और इसमें फ्लावर का अरेंजमेंट कैसा रहता है, देखो मान लो ये फ्लावर,
इस तरीके से फ्लावर इसमें आ रहे हैं, और बिल्कुल अंतिम सिले पर भी फ्लावर है। कहाँ पर? बिल्कुल अंतिम सिरे पर, मीन्स यहाँ पर भी इसका फ्लावर है। कहाँ पर? बिल्कुल जो एपिकल स्टेम जा रहा है वहाँ पर भी फ्लावर है, ठीक है। मतलब अंतिम सिरे पर भी फ्लावर है, बिल्कुल टर्मिनल पर भी, इसको टर्मिनल फ्लावर बोल सकते हैं। टर्मिनल पर भी क्या है? यहाँ पे फ्लावर है, इस तरीके के अगर फ्लावर है। अब यहाँ पर अगर फ्लावर आ गया बिल्कुल सिरे पे, यहाँ पे मत्थे पे अगर फ्लावर आ गया सिर पे, तो क्या होगा? यहाँ पर अब ऑक्सिन नहीं बनेगा। ऑक्सिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस, सीर्स की वृद्धि करता है। ऑक्सिन हार्मोन में हम पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ा होगा हमने। तो यहाँ पर क्या होता है, जब फ्लावर सिर पे आ गया तो अब यहाँ पे ऑक्सिन नहीं बनेगा। जब ऑक्सिन नहीं बनेगा तो ये प्लांट ऊपर नहीं बढ़ेगा, मतलब इसकी वृद्धि क्या हो जाएगी? सीमित, ये इतना ही रहेगा, ये सीमित हो जाएगा और ऊपर नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये हो गया डिटर्मिनेंट टाइप, समझ में आया। यहां पर बात करें इसमें अगर फ्लावर का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहां पर फ्लावर है, यहां पर फ्लावर है, यहां पर फ्लावर है, यहां पर फ्लावर है, लेकिन अगर यहां पे शीर्ष पे फ्लावर नहीं है, ठीक है, यहां पर फ्लावर नहीं है, अंतिम सिरे पर फूल नहीं है, फूल नहीं, अंतिम सिरे पर अगर फूल नहीं है तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा। सीधी सी बात है, ये ऑक्सिन का फॉर्मेशन होगा तो ये ऊपर बढ़ेगा, ये ऊपर बढ़ जाएगा, मतलब इनडिटर्मिनेट असीमित वृद्धि यहां पर होगी। क्लियर है? अगर यहां पर टर्मिनल पॉइंट पर फ्लावर नहीं बन रहा है तो इनडिटर्मिनेट वृद्धि होगी, और टर्मिनल पॉइंट पर फ्लावर बन रहा है तो डिटर्मिनेट वृद्धि होगी। अब ये इस तरीके की बात है, तो यहां पर क्या होता है, इस ऐसे ऐसे प्लांट को कहां पर लगाया जाता है? ऐसे प्लांट को लगाया जाता है ओपन एरिया में, ओपन एरिया में मतलब खुले खेत में, हम बोल सकते हैं इसको खुले खेत में लगाया जाता है। अंतिम सिरे पर फ्लावर नहीं है। इसमें क्या होती है? सेल्फ प्रूनिंग होती है। क्या होती है? सेल्फ प्रूनिंग होती है, या मैं बोल सकता हूं सेल्फ टॉपिंग होती है। सेल्फ टॉपिंग होती है मतलब ऊपर का जो सिरा है ऑटोमेटिक निकल जाता है, सेल्फ प्रूनिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। यहां पर सेल्फ प्रूनिंग नहीं होती क्योंकि इनडिटर्मिनेंट तरीके से यह बढ़ रहा है। नीचे से हम टमाटर तोड़ते जाएंगे ऊपर यह बढ़ता जाएगा, नीचे से तोड़ते जाएंगे ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि कलिकाएं आती रहेगी, ऊपर बढ़ता जाएगा। अब सभी बढ़ता जाएगा तो इसको सहारा देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। जितना ज्यादा बड़ा रहेगा तो गिरने का डर रहता है, तो इसको सहारे की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं? प्रूनिंग करते हैं। अब यहां पर प्रूनिंग करते हैं तो कौन सी, याद रखना, सिंगल स्टेम प्रूनिंग करते हैं, सिंगल स्टेम प्रूनिंग करते हैं, सिंगल स्टेम वाली, ठीक है। एकल तना प्रूनिंग इसमें की जाती है। और हमने किस में पढ़ा था? अनार में। अनार में हम करते हैं मल्टी, मल्टी स्टेम वाला अनार में हमने पढ़ा था, अनार में मल्टी स्टेम प्रूनिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसको सहारा भी देते हैं, ठीक है, सपोर्ट भी देते हैं, इसको सपोर्ट भी देना पड़ेगा। ये तो हमने कर दी क्या? सिंगल स्टेम प्रूनिंग। अब इसको सपोर्ट, सहारा भी देते हैं। सहारा कैसे देते हैं? इसमें करते हैं स्टॉकिंग। क्या करते हैं? स्टॉकिंग, स्टॉकिंग करते हैं। मतलब यहां से मान लो ये लकड़ी जा रही है, लकड़ी है, ऐसे लकड़ी लगाई, स्टॉकिंग स्टैंड लगाया, उसको यहाँ पे इसको किससे बांध देंगे? इसको रस्सी से बांध देते हैं। स्टॉकिंग करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरीके से रस्सी से बांध देते हैं ताकि ये गिरे नहीं। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पर करते हैं, प्रूनिंग करते हैं इसकी, सिंगल स्टेम, अनार में मल्टी स्टेम करते हैं, सपोर्ट देते हैं, इसमें स्टॉकिंग करते हैं। इसकी जो यील्ड होती है हाईएस्ट होती है, याद रखना, यील्ड इसकी क्या होती है? हाई होती है यील्ड, इसमें यील्ड जो है लो होती है, यील्ड जो है लो होती है। और इसमें प्रूनिंग जो है सेल्फ प्रूनिंग हो जाती है, इसमें हमें करना पड़ती है कांचा। क्लियर है? दो टाइप की है। अब इसमें थोड़ा सा वैरायटी भी देख लो। डिटर्मिनेंट टाइप में आती है पंजाब छुआरा। वैरायटी की बात, किस्म की बात करो तो यहां आती है पंजाब छुआरा, पंजाब छुआरा इसकी वैरायटी है, ठीक है। यहां एक मिनट, चलिए ठीक है। तो यहां पर वैरायटी क्या हो जाएगी? यहां पर वैरायटी होगी पूसा रूबी, पूसा रूबी, पूसा दिव्या, ऑल ऑफ बेस्ट, ऑल ऑफ बेस्ट और सीओक्स, सीओक्स ये इसकी वैरायटी हो जाएगी, ठीक है। पूसा रूबी, पूसा दिव्या, ऑल ऑफ बेस्ट और सीओक्स इसकी वैरायटी है, और इधर पंजाब छुआरा आ जाएगा डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट टाइप में। वैरायटीज भी हमने देख ली, और अन्य वैरायटी और देख लो यहाँ पे, और वैरायटी देख लो। एक हमारी है यहाँ पे पूसा रूबी, ये हाइब्रिड, हाइब्रिड ले लो, चलो हाइब्रिड वैरायटी। तो पूसा रूबी जो है, पूसा रूबी हाइब्रिड है,
नंबर तो आ जाएगा आपका SL120, पूसा 120, हिसार ललित, ये तीनों जो है ये नेमाटोड रेसिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद और आप ले लो तो आ जाएगा रोमा, रोमा जो है प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है, प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है। और हाँ एक है पार्कर, पार्कर भी वैरायटी है हाइब्रिड, और एक है यहाँ पर लॉन्ग क्रीपर, लॉन्ग क्रीपर, लॉन्ग क्रीपर जो है ये लाल कलर नहीं होता इसका और मैच्योर नहीं होती, तो ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है, लंबी दूरी के लिए बेस्ट है लॉन्ग क्रीपर, ठीक है। उसके बाद एक है फ्लार सार, फ्लार सार जो है ये क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजिकल वेराइटी है, ठीक है, बायो टेक्नोलॉजी वेराइटी है। इसको 1994 में किसने बनाया था, कोलजीन कंपनी ने। इसकी खासियत क्या थी, इसको कोलजीन कंपनी ने बनाया था, इसकी खासियत क्या थी, इसका छिलका मोटा है, इसका छिलका जो था क्या था, मोटा था, इसका छिलका जो था मोटा, क्यों, क्योंकि टमाटर में क्या होता है छिलका पतले होने की वजह से फूड क्रैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, फ्रूट क्रैकिंग ज़्यादा हो रही थी, तो फ्रूट क्रैकिंग हो रही थी इसके लिए ये सॉरी बच्चों फ्रूट क्रैकिंग ज़्यादा हो रही थी, छिलका पतला फ्रूट क्रैकिंग ज़्यादा हो रही थी, तो बायोटेक्नोलॉजी या कोलजिन कंपनी ने इसको क्या किया, डेवलप किया फ्लावर सार को, मतलब इसका छिलका थोड़ा मोटा कर दिया, ऐसा जीन डाल दिया इसमें जिसका छिलका मोटा है, और वो जीन इसके अंदर डाल दिया, तो अब छिलका मोटा आ रहा है, मोटा आने की वजह से उसमें फ्रूट क्रैकिंग नहीं होती है और उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्या होती है, लॉन्ग सेल्फ लाइफ, सेल्फ लाइफ जो है लंबे समय तक उसकी लाइफ रह सकती है, सेल्फ लाइफ ज़्यादा रह सकती है, क्लियर है। तो ये पूरा हमने समझ लिया, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिजीज वगैरह और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर बात कर लेते हैं, डिसऑर्डर यहाँ पर क्या क्या लगते हैं, टमाटर के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे। देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फ्रूट क्रैकिंग, फलों का फटना, फूड क्रैकिंग, फूड क्रैकिंग मतलब फलों का फटना, ये किसकी वजह से होता है, बोरान की कमी से, बोरान की कमी से, बोरान की डिफिशियंसी से फ्रूट क्रैकिंग होता है। दूसरा होता है ब्लॉसम इंड रॉट, BER, ब्लॉसम इंड रॉट, ये जो होता है ये कैल्शियम की कमी से होता है, ठीक है, ब्लॉसम इंड रॉट ये होता है आपका कैल्शियम की कमी से, ब्लॉसम इंड रॉट क्या होता है ये, इसमें एक होता है आपका कैटफेस, कैटफेस जो है इसमें होता है। फिर आता है पफिनेस, पफिनेस इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका गोल्डन फ्लेक, गोल्डन फ्लेक वो भी किसके अंदर होता है ये, और लिख दो सन स्केल, सन स्केल मतलब मोर देन 40 डिग्री टेम्परेचर अगर इस पे लगेगा तो क्या होगा, वो जलने लग जाता है, बर्न होने लग जाता है। तो ये सारे क्या है इसके डिसऑर्डर, डायरेक्ट पूछा जाता है गोल्डन फ्लेक किसका डिसऑर्डर है, कैट फेस किसका डिसऑर्डर है, ठीक है, ब्लॉसम इंड रॉट किसका डिसऑर्डर है, ये पूछा जाता है किसकी कमी से होता है दोनों, ठीक। तो ये डिसऑर्डर हो गए, डिसऑर्डर के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी डिजीज कौन कौन सी इसके अंदर लगती है। तो एक तो ब्लाइट ऑफ टोमेटो लगता है, लीफ कर्ल लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्लाइट और लीफ कर्ल। डिजीज की अगर बात करें एक होता है अर्ली ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट किसकी वजह से, वही अल्टरनेरिया जो हमने उसमें पढ़ा था सोलेनी, इसमें पोटेटो के अंदर इसकी वजह से होता है। दूसरा जो है वो है लीफ कर्ल वायरस, लीफ कर्ल जो हो किसके द्वारा फैलता है, वेक्टर, ये क्या है, वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा, वायरस है, और इसका वेक्टर क्या है, वेक्टर जो है इसका वाइट फ्लाई है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जितना भी वाइट लीफ कर्ल है, जितनी भी लीफ कर्ल है 99% जो होगा वो वाइट फ्लाई से होगा, याद रखना, ठीक है। वाइट फ्लाई नाम क्या है वाइट फ्लाई का, बमेसिया टबेकाई, बमेसिया टबेकाई इसका जो है नाम है। और इंसेक्ट की बात करो तो वाइट फ्लाई हो गया एक फ्रूट बोरर हो जाएगा, इंसेक्ट की बात करें तो वाइट फ्लाई तो हमने लिख ही लिया जो किसका वेक्टर है, लीफ कर्ल का वेक्टर है। अब बात करेंगे हम क्या किसकी, इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट तो एक तो हो गया हमारा क्या, वाइट फ्लाई,
और एक हो जाएगा फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर नाम क्या है इसका? हेलिकोवर्मा आर्मीजेरा, जो हम ग्राम में पढ़ते हैं। फ्रूट बोरर का नाम क्या है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो ये हमारा टोमेटो यहाँ पे खत्म होता है। अब सोलेनासी क्रॉप में चार आती है, जैसे हमारा पोटेटो, टोमेटो, ब्रिंजल और चिली। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ब्रिंजल, और ब्रिंजल जो है हमारा इंडिया का ओरिजन है, ठीक है। ब्रिंजल के अंदर जो है बीटी ब्रिंजल भी, बीटी ब्रिंजल सबसे पहले हमें बात करूँ तो बांग्लादेश कंट्री ने शुरू किया था 2013 के अंदर, बीटी ब्रिंजल बांग्लादेश में, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें इसकी पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, तो ब्रिंजल जो है सोलेनम मेलेनजेला नाम है इसका, सोलेनेसी फैमिली है, क्रोमोस नंबर 24 होते हैं, बेरी इसका फ्रूट टाइप है। ये सारी चीज़ हमने, इसमें ऑफन क्रॉस पोलिनेशन होता है, मतलब 90% सेल्फ पोलेशन, 10% क्रॉस पोलिनेशन होता है। इसमें स्ट्रो स्टाइली पाई जाती है, जो लंबी स्ट्रो स्टाइली होती है उसमें सबसे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिलता है। इसका जो फ्लावर होता है पेंटामेरिस होता है, पेंटामेरिस मतलब होता है चार, तो उसमें क्या होता है स्ट्रो स्टाइली होती है चार प्रकार की, और एक उसमें क्या होता है मेल पार्ट मतलब एंथर होता है, इसको इसको पेंटामेरिस भी बोलते हैं। क्लियर है? टेम्परेचर 20 से 30 इसको चाहिए रहता है, ठीक है। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये आसानी से ग्रो करता है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसकी वैरायटीज डिस्कस करेंगे, इसकी जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ब्रिंजल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मतलब फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा से होती है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट कौन सा है इसका? तो फ्रूट एंड शूट बोरर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका लेसिनोइट जो है नाम है उसका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इंसेक्ट है। तो सारी चीज़ हम इसकी इसकी डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रिंजल में सबसे पहले इसका बॉटनिकल है ना, वनस्पति के नाम की बात करते हैं, बॉटनिकल नेम क्या है? सोलेनम मेलांजोला इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली की बात करें, परिवार की बात करें, तो परिवार क्या है इसका? सोलेनेसी इसका परिवार है। अब यहाँ पे भी आपने देखा होगा जो बैंगन होता है हमारा, बैंगन होता है उसमें भी इस तरीके से जो होता है, इस तरीके से क्या होता है, ये हरा कलर का जो है लगा रहता है, इसी को बोलते हैं स्केलिक्स, जिसको हमने परसिस्टेंस स्केलिक्स बोला था। आप बोलोगे सर पोटेटो में नहीं होता, तो भाई ये पोटेटो फल थोड़ी ना है, ये तो ट्यूबर है, ये तो ट्यूबर है, इसका फल तो यहाँ पे लगता है इस तरीके से गुच्छे में, जो मैंने बताया था जब पोटेटो पढ़ाया था, तो उसमें भी क्या होता है इस तरीके का परसिस्टेंस स्केलिक्स यहाँ पे ये फल के साथ ही टूटता है। ये हम जो खा रहे सर बोला आपने, इसमें तो बताया नहीं पोटेटो के अंदर यहाँ का होता है परसिस्टेंट कैसी, ये भी तो सोलेनेसी का है, लेकिन भाई हम इसका फल कहाँ खाते हैं? इसका तो हम मॉडिफाइड स्टेम खा रहे हैं, ये हमने देखा इसमें कहाँ से आएगा? इसके फल की बात करो, उसके फल के साथ जो है परसिस्टेंट केलिक्स जुड़ा रहता है, ठीक है। कभी नेट पर सर्च करना कि पोटेटो का फ्रूट कैसे दिखाई देता है, पोटेटो का फ्रूट ना कि ट्यूबर, ट्यूबर जो है मॉडिफाइड स्टेम होता है और फ्रूट जो है अलग है। जो फ्रूट की जब बात करेंगे तो वो पेरिनियल में चला जाएगा, लेकिन अगर हम ट्यूबर की बात करते तो एनुअल देखते हैं, हमेशा हमने एनुअल में ही काम किया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ ट्यूबर चाहिए, हमने कभी फ्रूट के लिए काम नहीं किया। फ्रूट के लिए कौन करता है? साइंटिस्ट, जिनको ट्रू पोटेटो सीड बनाना रहता है, समझ गए बात को, है ना? कभी दिमाग में आए है ना, शुरू शुरू मेरे को भी दिमाग में आया यार ये परसिस्टेंस गैलिस इनके साथ तो होता है, पोटेटो में क्यों नहीं होता, पोटेटो में कहाँ काम कर रहा सोलेनेसी। फिर यार चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है कि भाई ये तो मॉडिफाइड स्टेम है, ये तो सिर्फ हम खाने के पर्पज से ले लेते हैं, लेकिन पोटेटो का एक्चुअल में फ्रूट जो है कुछ और होता है, फ्लावर बनेगा और फिर फ्रूट बनेगा, ठीक है। वहां परसिस्टेंस केलिक्स होता है, मतलब ये मरेंगे साथ वाली बात है। ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति की, तो इसका है इंडिया, इंडिया या इंडो बर्मा, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर सबके होते हैं, पोटेटो को छोड़कर, पोटेटो टेट्राप्लॉइड चॉइस, बाकी इनके चॉइस। फ्रूट टाइप फल प्रकार क्या है? बेरी है। फल प्रकार क्या है इसका? बेरी है, ठीक है। फल प्रकार क्या है इसका? बेरी है। और हम इसमें क्या बात करें फल प्रकार के बाद, अगर हम इसमें बात करें, अच्छा मैंने टमाटर की आपको सीड रेट नहीं बताई शायद, टोमेटो मैंने पढ़ाया ना आपको, टोमेटो की सीड रेट जरूर लिख लेना यार, टोमेटो की सीड रेट शायद माइंड से रह गया है, इसलिए पॉइंट लिखना जरूरी है। टोमेटो की सीड रेट नॉर्मल देखोगे तो कितनी है, 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। और हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड सीड रेट है उसमें 100 से 150 ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। और इसमें नर्सरी एरिया भी बता देता हूँ, टोमेटो में नर्सरी एरिया कितना चाहिए, तो नर्सरी एरिया चाहिए 250 मीटर स्क्वायर एक हेक्टेयर के लिए। ये टोमेटो में चीज छूट गई है, इसको नोट डाउन कर लेना। टोमेटो के अंदर जो है
सीडेट कितनी, नॉर्मल 250 से 350 से 400 ग्राम, हाइब्रिड के लिए 100 से 150 ग्राम, और नर्सरी एरिया कितना चाहिए, एक हेक्टेयर अगर आपको टमाटर लगाना है एक हेक्टेयर में तो नर्सरी एरिया चाहिए 250 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये चीज़ हमारी जो छुटी हुई थी टमाटर में, एक दो चीज़ और छुटी हुई है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी जो स्किप हो जाती है। टमाटर में एक टॉक्सिक कंटेंट पाया जाता है, टॉक्सिक कंटेंट होता है जिसको हम बोलते हैं टोमाटीन, याद रखना क्या बोलते हैं, टोमाटीन बोलते हैं। टमाटर में टॉक्सिक कंटेंट पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, टोमाटीन बोला जाता है। क्लियर है? ये तीन चार चीज़ छूटी हुई थी जो आप यहाँ पे मैंने करवा दी बैंगन के साथ, इसको देख लेना, ठीक है? और नोट्स में भी मिल जाएगी, हालांकि कुछ चीज़ें एक आध पॉइंट छूट जाते हैं ना तो आपके नोट्स में रहेंगे, तो आप वीडियो को देख के नोट्स बनाएं और एक बार जो पीडीएफ है उसको, पीडीएफ को भी देख ले कि ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जो हमने यहाँ पर छूट गया हो, तो उसको भी आप नोट्स के साथ नोट डाउन कर ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो देखा और नोट्स बना लिए, पीडीएफ नहीं देखी, या फिर आप सिर्फ पीडीएफ से पढ़ रहे हैं वीडियो नहीं देखा, तो भी गड़बड़ हो सकता है कुछ मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ आई मैंने यहाँ बता दी और नोट्स में ना हो, तो दोनों को टेली करना। आपने नोट्स वीडियो देखा, उससे नोट्स अपना बनाया, शॉर्ट नोट जैसे भी मैं लिखवाता हूँ, उसके बाद फिर आपने नोट्स एक बार देखा पीडीएफ, उसको रीड आउट करा क्या क्या जो पॉइंट है ऐसे जो सर से छूट गए हैं वो भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, तो एक परफेक्ट नोट आपका तैयार होता जाएगा। क्लियर है? तो ये टमाटर में ऐसी चीज़ छूट गई थी, इसको लिख लेना, ठीक? अब यहीं पे बात करते हैं हम सीड रेट की। बैंगन में, बैंगन में जो नॉर्मल सीड रेट है वो 300 से 400 ग्राम, 300 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर है, ठीक है? और हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड का जो सीड रेट है वो होता है लगभग 200 ग्राम। नर्सरी एरिया बात बात करें, नर्सरी एरिया कितना चाहिए, तो इसमें भी 250 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया चाहिए एक हेक्टेयर के लिए, ठीक है? नर्सरी एरिया कितना चाहिए, 250 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया चाहिए। इसमें जो है केमिकल क्या पाया जाता है, टॉक्सिक कंटेंट। बैंगन के अंदर जो टॉक्सिक कंटेंट होता है, टॉक्सिक कंटेंट होता है वो 16 सोडीन, 16 सोडीन, 16 सोडीन टॉक्सिक कंटेंट पाया जाता है। किसके अंदर, बेंजल के अंदर जो है टॉक्सिक कंटेंट क्या पाया जाता है, 16 सोडीन जो है टॉक्सिक कंटेंट पाया जाता है। क्लियर है? और अभी हमने यहाँ चीज़ एक बताई थी टमाटर के अंदर कि इसका हम फल खाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये क्या है, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। कौन सा प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। जितने बोला था जिसका हम फल खाते हैं वो प्रकाश निष्प्रभावी पौधे होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। इसमें जो है पोलिनेशन की बात करें, या परागण की बात करें, तो इसमें होता है ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, भैया ऑफन क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है सर, देखो ऑफन क्रॉस पोलिनेशन मतलब होता है प्रायः, पर परागण, ऐसा लिख सकते हो, प्रायः पर परागण, मतलब कभी कभी पर परागण होगा, मतलब जो ऑफन क्रॉस पोलिनेशन होता है इसमें 90% क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है? और 10% के आसपास क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, मतलब जिसमें सेल्फ भी हो क्रॉस भी पोलिनेशन हो, दोनों हो, उसको हम ओपन क्रॉस पोलिन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रायः पर परागण क्यों लिखा, ओपन क्रॉस क्यों लिखा, क्योंकि कभी कभी क्रॉस पोलिनेशन होता है, मोस्टली इसमें सेल्फ पोलिनेशन ही होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हिस्ट्रोस्टाइली, हिट्रोस्टाइली इसमें पाया जाता है। हिट्रोस्टाइली क्या होता है, मैंने फ्रूट क्रॉप भी पढ़ाया था उसमें भी बताया था हिट्रोस्टाइली क्या होता है, समझना। हिस्ट्रोस्टाइली का मतलब होता है अलग अलग, देखो ये एक फ्लावर है, ठीक है? ये है यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये जा रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये मैं ऐसे बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने एंथर, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है, ये स्टिग्मा मान लो ये, और यहाँ पे ओवरी है, ये ओवरी है, ये ओवरी है, ठीक है? तो पहली चीज़ तो बैंगन के अंदर हिस्ट्रोस्टाइली कितनी, फोर टाइप की हिस्ट्रोस्टाइली पाई जाती है अलग अलग साइज की। हिस्ट्रोस्टाइली का मतलब होता है कि ये जो फिलामेंट और स्टाइल है, ये तो हो गई स्टाइल, और ये धागा जो है ये क्या है, फिलामेंट, ये धागा जो है क्या है, फिलामेंट है। ये अलग अलग साइज पर होंगे, ठीक है? मतलब स्टाइल एंड फिलामेंट की हाइट जो है डिफरेंट हाइट पर होते हैं। स्टाइल और फिलामेंट डिफरेंट हाइट पर होते हैं। जैसे फिलामेंट छोटा है स्टाइल बड़ी है, स्टाइल छोटी है फिलामेंट बड़ा है, तो इसको ये दो प्रकार का होता है, एक होता है थ्रोम्ब टाइप
मशरूम टाइप और एक होता है पिन टाइप, समझना बात को। जो पिन टाइप होता है इसमें स्टाइल लॉन्ग होती है, स्टाइल लॉन्ग होती है। जो ट्रूम टाइप का होता है इसमें फिलामेंट लॉन्ग होता है, फिलामेंट जो है लॉन्ग होता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे ये स्टाइल लॉन्ग है तो ये कौन सी है, पिन टाइप की है। और इन दोनों को देखो तो ये बड़ा है तो यहाँ पे थ्रम टाइप की है। तो यहाँ पर जो है बैंगन के अंदर स्टो स्टाइल पाई जाती है कौन सी, तो यहाँ पे ये चारों चार स्टो स्टाइल ही होती है, चार प्रकार की, लंबी छोटी बड़ी। तो इसमें सबसे बेस्ट जो होती है लॉन्ग स्टाइली बेस्ट है, क्योंकि हाईएस्ट प्रोडक्शन इसी में मिलता है हमें, हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए जो लॉन्ग स्टाइली लगभग 70 से 80% लॉन्ग स्टाइली वाला जो प्लांट होता है, फ्लावर होता है, उससे हमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है। और इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है, देखो क्या होता है, चार तो यहाँ पे स्टाइल हो गई और एक क्या हो गया यहाँ पे एंथर मेल पार्ट। तो इसमें ब्रिंजल के अंदर क्या होता है, पेंटामरेज, क्या पेंटामेरस फ्लावर या पेंटामरेस फ्लावर आते हैं, पेंटामरेस। पेंटामरेस मतलब चार तो इसमें स्टो स्टाइल हो गई और एक हो गया यहाँ पे एंथर फिलामेंट मेल पार्ट, तो इसको बोलते हैं पेंटामरेस फ्लावर। तो ये किसमें पाया जाता है, ब्रिंजल के अंदर। स्टाइल ही पूछे तो चार, और पेंटामरेस का मतलब होता है यहाँ पे फ्लावर के अंदर जो है पांच प्रकार की, जो एक चार तो स्टाइल और एक जो एंथर होता है, अरेंजमेंट होता है, ठीक है। चलो इतनी कहानी आपकी समझ गई। और क्या पॉइंट है हमारे पास, सीड्रेस हमने डिस्कस कर ली। सीड्रेस के बाद हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर की बात करें तो इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर याद रखना 20 से 30 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर चाहिए रहता है, ठीक है। कितना, 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए, ब्रिंजल के लिए सफिशियंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं फूल लाने के लिए, अगर इसमें फ्लावरिंग के लिए क्या करते हैं, फ्लावरिंग के लिए मतलब फूल लाने के लिए, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज करते हैं क्या, नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है फूल लाने के लिए, फ्लावरिंग के लिए नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई। इसका जो मेन इंसेक्ट होता है फ्रूट एंड शूट बोरर जो है, इसका मेन इंसेक्ट होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो बैंगन के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो बैंगन के अंदर क्या होता है याद रखना, बैंगन के अंदर ब्रिंजल के अंदर, ब्रिंजल में क्या पाया जाता है, आयोडीन, क्या पाया जाता है, आयोडीन, आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन और किसमें पाया जाता है याद रखना, आयोडीन और ओकरा में भी पाया जाता है, ओकरा में भी पाया जाता है। तो ब्रिंजल के अंदर आयोडीन सबसे मात्रा में पाया जाता है, ओकरा भी इसके पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग, कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है, कमी से घेंघा रोग हो जाता है। तो घेंघा रोग की पूर्ति के लिए ब्रिंजल और ओकरा जो है बेस्ट है, क्योंकि इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक व्हाइट बैंगन भी होते हैं, क्योंकि देखो इसके ब्रिंजल के प्लांट को और क्या कहते हैं, ठीक है, इसका ब्रिंजल के प्लांट को और क्या कहते हैं, इसको एक प्लांट भी कहते हैं, इसको एक प्लांट बोलते हैं, इसको आबुरजीन भी कहते हैं, ठीक है, एक प्लांट भी कहते हैं, इसको आबुरजीन भी बोलते हैं। एक प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अंडे की तरह दिखाई देता है, और इसमें कौन सा, व्हाइट ब्रिंजल, व्हाइट ब्रिंजल जो है बिल्कुल अंडे की तरह दिखाई देता है। व्हाइट ब्रिंजल जो है वो किसके लिए, डायबिटीज, डायबिटीज के रोगी के लिए बेस्ट है, जो मधुमेह, मधुमेह रोगों के, कंट्रोल के लिए व्हाइट बंगाल। और क्या होता है डायबिटीज कंट्रोल के लिए, जामुन खाना चाहिए और करेला खाना चाहिए, जामुन और करेला भी मधुमेह के लिए बेस्ट है। जिसको शक्कर की बीमारी है, डायबिटीज है, उसके लिए व्हाइट ब्रिंजल रिकमेंड किया जाता है, जामुन और करेला खाना जाता है। तो व्हाइट ब्रिंजल जो होता है वो डायबिटीज के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। एक प्लांट भी बोला जाता है इसको, आबुरजिन भी बोला जाता है, ठीक है, और गरीबों की सब्जी भी बोला जाता है इसको, और क्या बोला जाता है, गरीबों की सब्जी, गरीबों की सब्जी भी बोलते हैं, याद रखना, गरीबों की सब्जी भी इसे कहते हैं, ठीक है। इतने सारे इसके नाम भी हो गए, और क्या चीज़ बची इसमें, अब मेरे ख्याल से कुछ है नहीं है। अब यहाँ पे सीधे हम इंसेक्ट पेस्ट डिजीज को डिस्कस कर सकते हैं, वैरायटी को डिस्कस कर लेते हैं, किस्मों को, किस्मों, वैरायटीज, ठीक है। तो पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल लॉन्ग ये लंबी वैरायटी है, पूसा पर्पल लॉन्ग। दूसरा होता है पूसा पर्पल, पूसा पर्पल राउंड, ये गोल वाली वैरायटी है, ठीक है। एक होता है पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल क्लस्टर गुच्छे में लगती है, ठीक है, जिसमें भी एक क्रांति आ जाए, जैसे आजाद क्रांति, पूसा क्रांति,
ये क्रांति वाला वर्ड इसी में आता है, एक है परमाणु क्रांति जो ओकरा में आता है, ठीक। और मैं बात करूं आप में ऐसे आ जाओ, पूसा भैरव, पूसा अनुपम और पंत सम्राट, पंत सम्राट ये फमोपसिस ब्लाइट के प्रति रेसिस्टेंस है, फमोपसिस ब्लाइट के प्रति प्रतिरोधी है, ठीक है। और क्या सर्वाधिक उत्पादन, सर्वाधिक अगर उत्पादन की बात करो तो ये आ जाएगा पूसा नवनीत, सर्वाधिक उत्पादन के लिए पूसा नवनीत। एक है पंत ऋतुराज, मोस्ट इंपोर्टेंट पंत, पंत ऋतुराज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। ब्लैक ब्यूटी है, आठ पे आ जाएगा ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्लैक ब्यूटी, ब्लैक ब्यूटी जो ये निमेटोड के प्रति रेजिस्टेंस है, इसके प्रति निमेटोड रेसिस्टेंट वेराइटी है, ठीक है। बहुत सारी हमने लिख ली है और भी आपके नोट्स में मिल जाएगी, याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो हमने डिस्कस की। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, इसके डिजीज की। तो लिटिल लीफ, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये किसके द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, ठीक है। लिटिल लिप ऑफ ब्रिंजल जो है किसके द्वारा होती है, माइकोप्लाज्मा के, और ये सबसे महत्वपूर्ण डिजीज है। लिटिल लिप जो है माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, फाइटोप्लाज्मा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी डिजीज है, लिटिल लिप एक हो गया, लिटिल लिप के अलावा इसमें कौन सा और इंसेक्ट रोग की बात करें तो इसमें एक लीफ हॉपर है, लीफ हॉपर, क्या लीफ हॉपर, जिसका नाम क्या है, फाइटिस, फाइसिटिस स्पीसीज, फाइसिटिस स्पीसीज। ये क्या करता है लिटिल लीफ के लिए, क्या किसका काम करता है, लिटिल लीफ के लिए वेक्टर का काम करता है। ये लीफ हॉपर जो है ये इंसेक्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट है, ये वेक्टर का काम करता है, किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए वेक्टर का काम करता है, किसके लिए, लिटिल लीफ के लिए ये वेक्टर का काम करता है, लीफ हॉपर, ठीक है, ब्रिंजल लीफ हॉपर इसको बोलते हैं, ये वेक्टर का काम करता है। फ्रूट एंड शूट बोरर इंसेक्ट में और क्या है, फ्रूट एंड शूट बोरर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो है इंसेक्ट है, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की ब्रिंजल के अंदर, ब्रिंजल के अंदर इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। हाँ, इसमें एक चीज़ और है जो छूटी है, मैं बता देता हूँ यार, पिगमेंट, इसमें एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो है रंग, जो रंग जो होता है ना बैंगन का पर्पल, वो किसकी वजह से होता है, तो एंथोसाइनिन पिगमेंट की। अच्छा, ये छूट भी जाए ना तो दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि मैंने क्लासिफिकेशन जो पढ़ाया ना, क्लासिफिकेशन के बाद आपको और भी चीज़ें पढ़ाई है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसकी वजह से किसका कलर क्या होता है, पंजेंसी क्या होती है, सारा मैंने अलग से भी पढ़ाया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर यहाँ पे भी हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कुछ पॉइंट छूटा भी होगा तो आपके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। वो चिली दो प्रकार की, एक इसको हम हॉट चिली बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं तीखी मिर्च, और एक होता है स्वीट पेपर जिसको हम बोलते हैं शिमला मिर्च, ठीक है। शिमला मिर्च को स्वीट पेपर या बेल शेप्ड मिर्च भी कहा जाता है, क्योंकि और उसका जो बॉटनिकल नेम है फ्रूटोसेंस है, फ्रूटोसेंस मतलब फ्रूट की तरह दिखाई देती है, गोल थोड़ी सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दो आपको देखने को मिलेगी स्पीसीज, चिली की बात करें तो यहाँ पर आपको दो स्पीसीज देखने को मिलेगी, एक होगी हमारी क्या, क्या एक होगी हमारी हॉट चिली, हॉट चिली जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तीखी मिर्च, तीखी मिर्च जो सबको लग जाती है ना, और एक होती है स्वीट पेपर, स्वीट पेपर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च, इसको बेल शेप्ड मिर्च भी कहते हैं, क्या बेल शेप्ड, घंटे के आकार की मिर्च भी होती है, बेल शेप्ड भी बोला जाता है इसको, ठीक है, बेल शेप्ड भी बोलते हैं, याद रखना, बेल शेप्ड मिर्च भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, अगर इसका बॉटनिकल नेम देखोगे तो इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, कैप्सिकम एनम, और इसका नाम क्या है, कैप्सिकम फ्रूटोसेंस,
ठीक है, फ्रूट की तरह इसका शेप होता है, इसको कैप्सिकम फ्रूटासेंस बोलते हैं। ठीक है चलो, अब इनकी कुछ अलग अलग वेराइटीज़ भी यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, बाकी देखते हैं। वेराइटीज़ की बात करें इनकी, बाकी सारी चीज़ अलग देखेंगे किस्म। इसकी वेराइटी जो होती है, एक होती है आंध्रा ज्योति, ठीक है, इसकी वेराइटी जो है वो क्या है, आंध्रा ज्योति, ठीक है, आंध्रा ज्योति जो है वेराइटी है इसकी। एक है पूसा ज्वाला, क्या है, पूसा ज्वाला, आंध्रा ज्योति है, पूसा ज्वाला है, ये क्या है, किसकी वैरायटी है, आंध्रा ज्योति और पूसा ज्वाला, ये सब किसकी है, तीखी मिर्च की होट इसकी वैरायटी है, किसकी, होट मिर्च की वैरायटी है पूसा ज्वाला और आंध्रा ज्योति। ठीक है, इसमें वैरायटी के कुछ कैरेक्टर भी हमें देखने पड़ेंगे कि आंध्रा ज्योति के क्या कैरेक्टर है, पूसा ज्वाला के क्या कैरेक्टर है। ठीक है, ये कैरेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो कैरेक्टर्स क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं आपको, आंध्रा ज्योति के कैरेक्टर आप देखोगे और पूसा ज्वाला के। आंध्रा ज्योति जो है ये चेरी टाइप की है, चेरी टाइप, ठीक है, पूसा ज्वाला जो है ये थ्रिप्स के प्रति रेजिस्टेंस है, थ्रिप्स रेजिस्टेंट है। ठीक, इसमें म्यूटेंट वैरायटी है एक MDU1, एम से आ जाएगा म्यूटेंट, उत्परिवर्तन वाली वैरायटी है, ठीक है, उत्परिवर्तित, उत्परिवर्तित किस्म है, ठीक, ये MDU1। इसमें एक आती है पंजाब लाल, पंजाब लाल, पंजाब लाल की क्या खासियत है, रंग निकालने के लिए, रंग निकालने के लिए, कलर एक्सट्रैक्शन के लिए बेस्ट है, और ये लीफ कर्ल के लिए भी, लीफ कर्ल के लिए भी बेस्ट है। लीफ कर्ल किसके द्वारा होता है, वाइट फ्लाई के द्वारा, ठीक है, लीफ कर्ल वाइट फ्लाई थ्रिप्स दोनों द्वारा होता है इसका, लेकिन थ्रिप्स जो है मेजर है। तो लीफ कर्ल पंजाब लाल जो है, MDU1, पूसा ज्वाला और आंध्रा ज्योति। कैप्सिकम फ्रूटोसेंस की बात करें इसमें, और देख लेते हैं और कुछ वैरायटी तो नहीं है, ठीक है, इसमें ज्वालामुखी भी है, याद रखना ज्वालामुखी इसके अंदर, पूसा ज्वाला भी इसी में है और ज्वालामुखी भी इसी में है, ज्वालामुखी, ठीक है, क्या है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या कहती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल है। ठीक, यहां बात करें तो यहां आ जाएगा कैलिफोर्निया वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, ठीक है, हिंदी में भी कैलिफोर्निया वंडर ही होगा, जिसमें वंडर लग जाए। स्वीट बनाना इसी की वैरायटी है, स्वीट बनाना इसी की वैरायटी है। नंबर तीन आ जाओ हीरा, इसी की वैरायटी है। नंबर चार आ जाओ भारत, इसी की वैरायटी है, ठीक है, और हीरा भारत और इंदिरा, इंदिरा भी इसी की वैरायटी है। इसमें और लिखना चाहो कैप्सिकम में तो क्या आ जाएगा, भाग्य लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी इसी की वैरायटी है। ठीक है, ये सारी वैरायटीज हो गई। तो बेसिक डिफरेंस हमने समझ लिया कि हॉट चिली एक होती है और एक होती है स्वीट पेपर, जिसको हम शिमला मिर्च कहते हैं, और वो जो है कैप्सिकम एनम जो है तीखी मिर्च है, और ये कैप्सिकम फ्रूटोसेंस जो है फ्रूट टाइप की इसकी में। अब इनकी बेसिक बेसिक बात करते हैं अपन, ठीक है चलो। अब बात करते हैं फैमिली, परिवार क्या है इनका, तो वही सोलेनेसी फैमिली का है। क्या है परिवार, सोलेनेसी फैमिली। ओरिजन क्या है इसका, ओरिजन हमने पढ़ा था इसका मैक्सिको है, माँ से मिर्ची, माँ से मैक्सिको। क्रोमोसोम नंबर क्या है इसका, बेसिक ये भी समझ लिया था, 2n = 24 होते हैं, सिर्फ पोटेटो को छोड़कर बाकी सब में 24 होते हैं, ठीक है, 24 होते हैं। फ्रूट टाइप इसका बेरी होता है, गुच्छे में लगती है, फल प्रकार, ठीक है, फ्रूट टाइप, फल प्रकार की बात करें तो बेरी होता है। पोलिनेशन की बात करें, इसमें पोलिनेशन किस टाइप का होता है, परागण जो है, परागण इसमें जो है, परागण कैसा होता है, तो परागण की बात करें तो इसमें ऑफन क्रॉस होता है, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन होता है, मतलब प्रायः पर परागण, लेकिन इसमें जनरली क्या होता है, सामान्यतः सेल्फ होता है, सेल्फ होता है कितना, 90%, और क्रॉस पोलिनेशन होता है 10%। तो ये दोनों कंडीशन पाई जाती है जिसमें इसको ओपन क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं। ओपन वाला हमने क्या पढ़ा था, ब्रिंजल, ब्रिंजल पढ़ा था, ओकरा में भी ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है और मिर्च में भी ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है, तीनों याद रखना। उधर जाओगे तो ज्वार में आपको मिल जाएगा, कपास में मिल जाएगा, जूट में मिल जाएगा, ये सब ओपन क्रॉस, अरहर में ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है, फील्ड क्रॉप की अगर बात करें तो, ठीक है, ये पोलिनेशन टाइप हो गया। और क्या पढ़ेंगे मिर्ची में, मिर्ची की सीड्रेड देख लो, सीड्रेड अलग अलग है, वो भी वहीं डिस्कस करनी थी, पर ठीक है, सीड्रेड की बात करो, जो हमारी होट चिली है, ठीक है, होट चिली में सीड रेट कितनी है, तो 1 से 1.5 kg/hectare, ठीक। और जो शिमला है, शिमला या हाइब्रिड जो है, शिमला हो या हाइब्रिड या संकर, उसमें कितनी रखेंगे,
250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, नर्सरी एरिया कितना चाहिए, नर्सरी या जो उसको हम बोलते हैं रोपणी एरिया, रोपणी की बात करो तो इतना इसमें कम चाहिए, 150 मीटर स्क्वायर, याद रखना। सब में टमाटर ब्रिंजल हमने पढ़ा 250 मीटर स्क्वायर, इसमें कम चाहिए। और टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांट कब करेंगे तो याद रखना, इसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं 6 से 7 वीक में, 6 से 7 वीक लगभग हम करते हैं इसको, 35 से 45 डेज में ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम जैसे टोमेटो की बात करें हैं, टोमेटो की बात करें, ब्रिंजल की बात करें, कोल क्रॉप की बात करें, तो लगभग 3 से 4 वीक में हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं, 3 से 4 वीक में नर्सरी को, 3 से 4 वीक। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चिली में, और सबसे कम एरिया चिली का ही है, नर्सरी का, और सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगता है किसके अंदर, चिली के अंदर। क्लियर है, यहाँ तक की कहानी आपको पूरी समझ में आ गई, नर्सरी एरिया क्या हो गया इसमें। अब इसमें हमको ज्यामिति, मतलब इसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है, स्पेसिंग की बात करें, स्पेसिंग फसल अंतरण या ज्यामिति कितनी रखनी है, ज्यामिति की बात करें तो इसमें 45x45 की स्पेस पे आप रख सकते हो। ठीक है, बलुई दोमट मृदा इसके लिए जो सभी है, बलुई दोमट मृदा अच्छी होती है, पीएच इसका लगभग 6.5 के आसपास हम रखते हैं, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, 5.8 से लेकर 6.5 तक इसका पीएच रखा जाता है। ठीक है, 6.5 से आसपास इसमें पीएच रखा जाता है। और इसमें क्या चीज़ हमें देखनी है, इसमें हमें देखनी है कि इसके जो इसमें सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो हाईएस्ट प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है वो इंडिया के अंदर। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा चिली कहाँ होती है, तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक प्रोडक्शन भारत में और इंडिया के अंदर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक। ठीक है, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन की बात करो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। क्लियर, चिली में कौन सा जैव उर्वरक यूज होता है, चिली में यूज बायो फर्टिलाइजर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायो फर्टिलाइजर मतलब जैव उर्वरक कौन सा यूज होता है, एजोटोबैक्टर इसके अंदर यूज किया जाता है। चिली के अंदर कौन सा जैव उर्वरक जो है यूज किया जाता है, एजोटोबैक्टर इसके अंदर यूज किया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। और इसका हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं। देखो हमने क्या बोला, समझना बात को, सर्वाधिक प्रोडक्शन जो होता है इंडिया के अंदर ये किसका होता है, होड़ चिली का, याद रखना, होड़ चिली का। लेकिन अगर शिमला की बात करें तो शिमला का सबसे ज्यादा होता है चाइना में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको समझना पड़ेंगे। हाईएस्ट प्रोडक्शन भारत में होता है किसका, होड़ चिली का। ठीक है, लेकिन शिमला का कहाँ होता है, चाइना में। और इंडिया के अंदर सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। बायो फर्टिलाइजर एजोटोबैक्टर यूज होता है, एजोटोबैक्टर बायो फर्टिलाइजर इसमें यूज होता है। क्लियर, कौन सा, एजोटोबैक्टर जो है बायो फर्टिलाइजर के अंदर यूज होता है। और यहाँ पर हम बात करें ग्रीन प्लस ड्राई चिली रेशियो, मतलब हरी और सूखी मिर्च का अनुपात कितना होता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने पहले हरी चिली ली, ठीक है, हरी मिर्च ली, उसका वजन कर लिया, ठीक, वजन कर लिया, और उसके बाद उस मिर्च को सुखाने के बाद फिर से वजन कर लिया, तो उनका रेशियो क्या आएगा, तो उनका रेशियो आएगा 10:1। ठीक है, हरी और ग्रीन, हरी और सूखी मिर्ची का जो अनुपात हम निकालते हैं वो 10:1 आता है निकल के। पहले आपने हरी मिर्च का लिया, फिर उसको वजन करके, फिर हमने क्या लिया, वजन करने के बाद फिर उसको सुखाया, सुखाने के बाद फिर उसका वजन किया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसका अनुपात जो आएगा 10:1 निकल के आएगा। ठीक है, अब यहां एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इसमें फल गिरने से रोकने के लिए, फल को देखो, पहली चीज तो इसमें अपन क्या खाते हैं, एडिबल पार्ट क्या है, फल है। क्या है यहाँ पे, एडिबल पार्ट क्या है, फ्रूट है, फ्रूट एडिबल पार्ट है, मतलब फल है एडिबल पार्ट यहाँ पे। ठीक है, ये एडिबल, यहाँ एडिबल पार्ट हमने यहाँ पढ़ाने की किसी में जरूरत नहीं, क्योंकि फल खा रहे हैं, एडिबल पार्ट फ्रूट है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डे न्यूट्रल प्लांट। मिर्ची भी क्या होती है, डे न्यूट्रल, जिसका भी फ्रूट खाते हैं वो डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, अब मिर्ची के अंदर देखो, मिर्ची के अंदर क्या चीज़ होती है, मिर्ची के अंदर सब चीज़ समझना, मिर्ची के अंदर सीड होते हैं, ठीक, सीड होते हैं, और क्या होता है, सीड के अंदर डंठल भी होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक, स्टॉक होता है, और पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प होता है, ठीक है, पेरिकार्प होता है, तीन चीज़ होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मिर्च है, मिर्च के अंदर सीड भी होते हैं, डंठल होते हैं, और पेरिकार्प होता है। अगर मिर्च का मैं अगर डायग्राम आपको बनाऊं,
ठीक है। अगर ये मैं चिली को ओपन चिली बना रहा हूँ, ये हमारा हो गया डंटल, ठीक है। और इसके अंदर, डंटल के अंदर क्या होंगे, यहाँ पर व्हाइट कलर के क्या होंगे, सीड्स होंगे, ठीक है, सीड्स होंगे। तो इसमें तीन पार्ट होते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या, स्टॉक मतलब डंटल, ठीक। फ्लावर स्टॉक, ये हो गया बाहर पार्ट पेरिकार्प, ठीक है, और ये अंदर हो गया सीड। तो अगर मान लो ये मिर्ची, इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या निकलेंगे, तो यहां पर वेट बेसिस पे, ठीक है, किस बेसिस पे, वजन के आधार पर, वेट बेसिस पे, वजन के आधार पर यहाँ सीड लगभग 54% क्या होते हैं, सीड लगभग 40% नहीं, लगभग 6% तक डंटल होते हैं, और लगभग 40% तक क्या होता है, पेरिकार्प होता है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, सीड। अगर आप वेट बेसिस पे लोगे तो सबसे ज्यादा निकलते हैं सीड, ठीक है। क्या निकलते हैं, सीड लगभग 54% सीड होता है, 40% पेरिकार्प मतलब छिलका होता है, उसके बाद 6% क्या होते हैं, इसमें डंटल पाए जाते हैं। क्लियर है, यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम बात कर ले, हमने किसकी बात कर ली है, यहाँ पे वेराइटीज़ की भी बात कर ली। वेराइटी के बाद हम क्या सीधे इंसेक्ट पेस्ट देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इंसेक्ट पेस्ट इसमें। हाँ, इंसेक्ट पेस्ट देखने से पहले देखो, इसमें जो रेड कलर होता है चिली का, जो लाल रंग होता है वो किस कारण से होता है, लाल रंग होता है वो कैप्सिएंथिन की वजह से, ठीक है। और इसमें जो पंजेंसी, पंजेंसी या जो तीखापन होता है, तीखापन होता है वो किसकी वजह से होता है, कैप्सिसिन की वजह से, ठीक है। कैप्सिएंथिन, कैप्सिएंथिन की वजह से तो लाल रंग, और कैप्सिसिन की वजह से उसमें तीखापन आता है, या वो पाया जाता है तीखापन उसके अंदर देखने को आपको मिलेगा, किसके अंदर, चिली के अंदर, ठीक है। यहाँ तक की सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है इसके अंदर। चलो, सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है, पंजेंसी देख लिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और आप समझ लो क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, चिली के अंदर, चिली के अंदर जो है क्या होता है, कौन सा सोर्स पाया जाता है, मतलब चीज़ रिचेस्ट सोर्स होती है चिली के अंदर, क्या होता है। देखो, चिली के अंदर दो प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं, मैं बोलूँ कि रिच सोर्स है, रिच सोर्स है, प्रमुख सोर्स है चिली किसका, ये है विटामिन ए एंड सी, दोनों पाया जाता है। लेकिन विटामिन ए और दो में सबसे ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी। ये अगर ऑप्शन ऐसे दें, विटामिन ए, बी, सी और डी, तो आपको क्या लगाना है, विटामिन सी लगाना है। और विटामिन ए, बी, सी और दे दें ए और सी, तो आपको ए और सी लगाना है, क्योंकि दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे हमने टमाटर के अंदर पढ़ा था, टमाटर के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, टमाटर, टमाटर में नहीं पढ़ाया जाता, टमाटर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है, याद रखना, टमाटर के अंदर वेट पाया जाता है। टमाटर के अंदर एक चीज़ और समझ लो, टमाटर के अंदर ऑयल, टमाटर के जो सीड होते हैं उनमें ऑयल होता है लगभग 24%, टोमेटो के जो सीड होते हैं उसमें ऑयल होता है लगभग 24%, वो नहीं पढ़ाया, लिख लेना जहाँ नोट्स आपने बनाया। टमाटर में विटामिन ए पाया जाता है, टमाटर के ऑयल जो होता है, सीड जो होता है उसमें ऑयल परसेंट कितना होता है, 24% तक ऑयल पाया जाता है टमाटर के अंदर। क्लियर है यहाँ तक बात, आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ पे चिली में हमें क्या पढ़ना है, इंसेक्ट पेस्ट देखना है। तो लीफ कर्ल और फ्रूट रॉट दो यहाँ पे डिजीज पाई जाती हैं, क्या डिजीज की बात करूँ तो पहला है, एक तो आ जाएगा लीफ कर्ल और दूसरा है फ्रूट रॉट, फ्रूट रॉट, ये दो बीमारी आपको देखने को मिलेगी कहाँ पर, चिली के अंदर, ठीक है। लीफ कर्ल, लीफ कर्ल जो है किसकी वजह से होती है, तो लीफ कर्ल आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई दोनों की वजह से होती है, लेकिन मोस्टली जो है दोनों में वो होता है थ्रिप्स की वजह से। सॉरी यार बच्चों, थोड़ा सा सर्दी हो रही है यार, इस वजह से छींकें आ रही है ना, ये थ्रिप्स, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई की वजह से। थ्रिप्स का नाम क्या है, थ्रिप्स का नाम मैं लिख देता हूँ, सीटो थ्रिप्स डोर्सेलिस, सीटोसिप डोर्सेली और व्हाइट फ्लाई बमेशिया टबेकाई, बमेशिया टबेकाई, ठीक है। तो इंसेक्ट भी आपके हो गए, एक थ्रिप्स और एक व्हाइट फ्लाई, दो इंसेक्ट भी हो गए, ये लीफ कलर इसके द्वारा होती है। फ्रूट रॉट, फ्रूट रॉट को और क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्नोज भी बोलते हैं, याद रखना, एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज भी बोलते हैं और इसको डाईबैक भी बोलते हैं, ठीक है, इसी के नाम है ये, इसी को
तीनों बोलते हैं, किसके द्वारा होती है? तो कोलेटो ट्राइकम कैप्सिसी, कोलेट्राइकम कैप्सिसी की वजह से होती है। कौन सी? अभी हो गया लीफ कर्ल हो गया आपका, और फ्रूटोड हो गया दोनों, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई। इंसेक्ट की बात करें तो थ्रिप्स और वाइट फ्लाई तो हो गया यहाँ पे, और क्या बचा? थ्रिप्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, और कुछ है? थ्रिप्स है और वाइट फ्लाई हो गया। इंसेक्ट, दोनों इंसेक्ट हमने देख लिए, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई दोनों, ठीक है चलो, और कुछ नहीं। अब इसमें एक चीज़ और देखना, फ्रूट ड्रॉप को कैसे रोकेंगे? फल फल को गिरने से रोकना है अगर, है ना, फल को गिरने से रोकना, ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो इसलिए, फ्रूट ड्रॉप अगर हो रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं नेफ्थलिक एसिटिक एसिड, जबकि नेफ्थलिक एसिटिक एसिड जनरली जो यूज़ होता है, जनरली यूज़ होता है थिनिंग के लिए, मतलब गिराने के लिए, फलों को गिराने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। यहाँ पे फलों को गिरने से बचाने के लिए हमेशा ट्रूफोर्टी का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर हम फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं। और कहाँ पर करते हैं ऐसा? ऐसा और अंगूर में करते हैं, अंगूर में भी फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर भी फलों को गिरने से रोकने के लिए नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। जनरली नेफ्थलिक एसिटिक एसिड का यूज़ कहाँ होता है? फल को गिराने में किया जाता है, पर यहाँ पर बचाने में किया जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ पॉइंट छूटा तो नहीं अपने पास। सारी चीज़ हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर, सिट्रेट वगैरह, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं ओकरा, कौन सी फैमिली है ओकरा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें फैमिली पूछ ली जाती है कि ओकरा की फैमिली क्या है, ठीक है, ओकरा की फैमिली क्या है। तो ओकरा की बात करें तो ओकरा का बोटनिकल नेम क्या होता है? ये होता है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस, एबल मोस्कस एस्कुलेंटस इसका क्या है? बोटनिकल नेम है। फैमिली की बात करें, इसका परिवार क्या है? तो मालवेसी है। क्या है? मालवेसी। मालवेसी और किसका है? कपास का, ठीक है, कपास का भी मालवेसी है। ओरिजन की बात करें, ओरिजन इसका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओरिजन क्या है इसका? इंपॉर्टेंट है। ओरिजन कहाँ है इसका? अफ्रीका है, पूछा हुआ है। ओरिजन इसका कहाँ है? अफ्रीका इसका ओरिजन है, जो कि पूछा हुआ है। क्रोमोसोम नंबर इसके इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या याद रखना। इसमें 2n इक्वल टू कितना होता है? 130, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 130 यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है, 2n इक्वल टू 130 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और क्या बात करो, फ्रूट टाइप की बात करो, इसमें फ्रूट टाइप, फल प्रकार की अगर हम बात करें तो फल प्रकार क्या होता है इसमें? कैप्सूल होता है, कैप्सूल होता है, कैप्सूल। और किसमें पढ़ा था हमने? आंवला में पढ़ा था। कैप्सूल कपास के अंदर भी होता है, कैप्सूल सीसम के अंदर होता है, धतूरा में होता है, रतन जोत में होता है, ठीक है। पोलिनेशन की बात करें, इसमें पोलिनेशन किस टाइप का होता है? परागण किस टाइप से होता है? तो इसमें ओपन क्रॉस होता है, ओपन क्रॉस पोलिनेशन होता है, मतलब 90% इसमें क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन। 10% क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। ये हमने किसमें पढ़ा था? मिर्ची के अंदर भी पढ़ा था, मिर्ची में भी होता है, बैंगन में भी होता है, भिंडी में भी होता है, कपास में भी होता है, अरहर में भी होता है, ज्वार में भी होता है, ओपन क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर होता है, क्लियर है। और क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है इसके अंदर? यहाँ पे देखो, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। ये रिच सोर्स होता है, मतलब प्रमुख स्रोत होता है ये किसका? आयोडीन का, ठीक है। ब्रिंजल भी होता है, ये भी होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गेंगा रोग होता है, इसलिए खाने में आयोडीन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, ठीक। अब इसके अंदर एक लसलसा पदार्थ होता है, ठीक है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, याद रखना। जैसे भिंडी आप धोते हो तो नहीं, उसमें एकदम चिपचिपा सा पदार्थ होता है भिंडी के। आपने बचपन में जब मम्मा लोग सब्जी काटती थी तो उसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको अपन कहा यहाँ पे सिर पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे चिपका लेते थे, है ना, डिजाइनिंग कार्टूनिंग करते थे। तो उसका जो भिंडी को जो पीछे वाला हिस्सा काटते थे उसको लेके अपन हाथ पे ऐसे चेहरे पे ऐसे चिपकाते थे कार्टूनिंग, तो उसमें जो चिपकने वाला पदार्थ होता है, जो लसलसा पदार्थ होता है, ठीक है, जो लसलसा पदार्थ या जो स्टिकनेस या स्टिकी मटेरियल जो होता है, या जो स्टिकी मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? यूज कहाँ पे? आइसक्रीम मेकिंग में,
आइसक्रीम में सहायक, आइसक्रीम बनाने में सहायक। देखो आइसक्रीम जब आप लेते हो है ना, जैसे कोन है उसके अंदर आइसक्रीम आपने ली, तो वो आइसक्रीम पिघलने के बाद गिरती है ना। जब पिघलती है तो पिघलने के बाद वो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है, लेकिन पिघलने के जब वो आइसक्रीम जो पूरी एक हट्टा रह रही है वो किसकी वजह से रहती है, ग्लाइकोल प्रोटीन के अंदर। उसके अंदर ग्लाइकोल प्रोटीन मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है आइसक्रीम जो है थोड़ी सी हार्ड होती है, एक दूसरे से चिपको हुई रहती है, आसानी से नीचे गिरती नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से ये लसलसा पदार्थ उसके अंदर पाया जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। अब जो अपना भिंडी है, भिंडी का जो स्टेम होता है, ठीक है, जो स्टेम होता है, स्टेम ऑफ ओकरा, ओकरा, ठीक है, ओकरा का जो स्टेम होता है, तना जो होता है भिंडी का, जो तना होता है, भिंडी का तना होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो भिंडी के जो तना है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, भिंडी का जो तना है उसका इस्तेमाल होता है पेपर मेकिंग में, पेपर मेकिंग में। उसके रेशे से क्या बनाए जाते हैं, कागज बनाए जाते हैं, याद रखना, कागज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो तना होता है उसमें जो रेशा होता है उसके रेशे से कागज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कागज बनाया जाता है। और मैं बात करूँ यहाँ पर इसमें सीड में ऑयल कितना होता है, सीड, सीड में ऑयल लगभग 13 से लेके 22% तक यहाँ पर ओकरा के सीड में ऑयल पाया जाता है, तेल पाया जाता है, 13 से लेके 22% जो इसमें ऑयल पाया जाता है। टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, अंकुरण के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो लगभग 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए जर्मिनेशन के लिए। और ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, मतलब थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 25 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाता है तो क्या होगा, अगर 20 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाता है इसमें, तो यहाँ पे अंकुरण नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है, क्या नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा अगर टेम्परेचर 20 डिग्री से कम हो जाता है तो। क्लियर है यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी सीड रेट, 20 दर की बात करें, दो प्रकार की है, एक होती है समर, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु की, एक आएगी यहाँ पर वर्षा, मतलब रेनी सीजन में, रेनी सीजन की, ठीक है। तो देखो इसके लिए फेवरेबल क्या है, इसके लिए फेवरेबल क्या है, जो फेवरेबल होगा वहां पर जो है सीड रेट कम लगती है। देखो वर्षा ऋतु फेवरेबल है, वर्षा ऋतु में जो है इसकी सीड रेट जो है, वर्षा ऋतु इसके लिए फेवरेबल है, तो वर्षा ऋतु में सीड रेट लगती है 8 से 10 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। ये क्या है, वर्षा ऋतु इसके लिए फेवरेबल है, ठीक है, ये फेवरेबल है, ठीक। और ये समर जो है नॉन फेवरेबल कंडीशन है, नॉन फेवरेबल कंडीशन है, तो यहाँ पे जो सीड रेट होती है वो 18 से लेके 22 kg पर हेक्टेयर होती है। तो याद रखना ये पूछा जाएगा वर्षा ऋतु की जो सीड रेट कितनी होती है और ग्रीष्म ऋतु की सीड रेट कितनी होती है, वो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, यहाँ पे इसका ध्यान रखना कि इसमें कितनी सीड रेट होती है, ठीक। अब हम यहाँ बात करते हैं इसकी वेराइटीज की, वेराइटीज पहले बात करेंगे येलो वेन मोजेक वायरस रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंट वेराइटी, प्रतिरोधी, येलो वेन मोजेक वायरस के प्रति जो प्रतिरोधी किस्में हैं वो कौन कौन सी है, तो यहाँ पे है वर्षा उपहार, वर्षा उपहार ये पूछी हुई है टीजीटी पीजीटी में, वर्षा उपहार, ठीक है, और अर्का अनामिका, अर्का अभय, ठीक है, वर्षा उपहार, अर्का अनामिका, अर्का अभय, ठीक है, परभनी क्रांति भी इसी की है, ठीक है, और क्या आ जाएगा, परभनी क्रांति, ये क्या है, और भी वैरायटी आपके नोट्स में मिल जाएगी। ये जो है येलो वेन मोजेक के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी है, येलो वेन मोजेक के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी है, क्लियर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये येलो वेन मोजेक के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी है। अब इसमें हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड में कौन कौन सी है, तो हाइब्रिड की बात करें यहाँ पर, हाइब्रिड में है पूसा सावनी, पूसा सावनी जो है ये रोम और कांटे रहित है, याद रखना, रोम और कांटे रहित, इसमें क्या होता है हेयर्स और जो कांटे हैं वो नहीं होते हैं बिल्कुल, क्या होती है ये रोम और कांटे रहित होती है पूसा सावनी। पूसा मखमली है,
पूषा मखमली, मतलब इसके जो फल है वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं फल इसके, मुलायम होते हैं। परवनी क्रांति भी हाइब्रिड है, परवनी क्रांति भी हाइब्रिड है, ऊपर अपने लिखा है ये येलो वेंट मुझे के पति रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, हाइब्रिड वेराइटी हो गई। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, हाइब्रिड वेराइटी हो गई। अब यहाँ पे एक इसमें पंजाब पद्मिनी भी देख सकते हो, इसमें क्या देख सकते हो, पंजाब पद्मिनी भी हाइब्रिड है। अन्य किस्में की बात करें तो इसमें म्यूटेंट वेराइटी की बात करें, म्यूटेंट वेराइटी की अगर बात करें, म्यूटेंट वेराइटी की बात करें तो ESM8 जो है इसकी म्यूटेंट वेराइटी है। उत्परिवर्तन वाली वेराइटी कौन सी है, ESM जो है इसकी उत्परिवर्तन वाली वेराइटी है। हरभजन एक वेराइटी है इसकी, हरभजन वेराइटी है, ये ग्रीन हाउस के लिए है, पोली हाउस के लिए, पोली हाउस के लिए बेस्ट है। ठीक है, एक जो है परकिंस ग्रीन लॉन्ग, एक है परकिंस ग्रीन लॉन्ग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज हो गई। इंसेक्ट पेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लो, इसमें जो है इंसेक्ट डिजीज की बात करो तो डिजीज मैंने बता ही दिया क्या, येलो वेन मोजेक वायरस। ठीक है, येलो वेन मोजेक, अब देखो ये येलो वेन मोजेक वायरस है, क्या है ये, येलो वेन मोजेक वायरस है, लेकिन ये ट्रांसमिटेड किसके द्वारा होता है, वाइट फ्लाई के द्वारा, वाइट फ्लाई के द्वारा। हमने क्या पढ़ा था, वाइट फ्लाई जनरली कर्ल जो होते हैं, जितने भी लीफ कर्ल होते हैं वो वाइट फ्लाइज होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्यों, क्योंकि और जो मोजेक होता है, जो मोजेक होता है, देखो मैं बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो लीफ कर्ल है ये वाइट फ्लाई की वजह से होता है जनरली, और जो मोजेक है ये एफिड की वजह से होता है, किसकी वजह से, एफिड की वजह से। ठीक है, लगभग 99.99%, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे देखो येलो वेन मोजेक वायरस वाइट फ्लाई से हो रहा है, नाम क्या है, बमेशिया टीबी का है, बमेशिया, तो ये इसको अलग से याद रखना, यहाँ से इसी तरह इसी ऐसी सिचुएशन से ऐसी जगह से ही क्वेश्चन बना के पूछता है, क्योंकि येलो वेन मोजेक हम कॉन्सेप्ट से याद कर लेते कि एफिड से होगा, लेकिन एफिड से नहीं वाइट फ्लाई से होता, जबकि वाइट फ्लाई से क्या होते हैं, लीफ कर्ल वायरस जो है जनरली होता है। अब इसमें कौन कौन से और इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट इसमें फूड बोरर होता है, ब्लिस्टर बीटर होता है, स्टेमेन बल्ब निमेटोड होता है, तो इतना आपने ज़्यादा याद रखना नहीं है। इंसेक्ट की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे याद रखो, एक तो होता है फ्रूट बोरर, एरिस विटेला नाम है इसका, ठीक है, एरिस विटेला, फिर होता है इसमें ब्लिस्टर, ब्लिस्टर बीटल, तीसरा इसमें होता है बल्ब निमेटोड, निमेटोड, ठीक है, इसमें क्या होता है, बल्ब निमेटोड बोल सकते हैं इसको, स्टेमेन बल्ब निमेटोड, स्टेमेन बल्ब निमेटोड। ठीक है, ये इंसेक्ट, इंसेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येलो वेन मुझे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डिजीज है इसकी। ठीक है, ये वाइट फ्लाई के द्वारा वेक्टर है जिसके द्वारा यह फैलती है, क्लियर है। वाइट फ्लाई रेजिस्टेंस, येलो वेन मुझे रेजिस्टेंस वेराइटी कौन कौन सी है, क्योंकि यही मोस्टली लगता है, तो इसी की रेजिस्टेंस वेराइटी भी आपसे पूछी जाएगी। तो ओकरा हमारा कंप्लीट होता है कि कुछ ऐसी फ्रूट होती है जिनका हम फल खाते हैं, जिनका हम फल खाते हैं। अब फल खाने वाली कौन कौन सी हो गई, जैसे जिनका हम क्या खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। ठीक है, जिनका हम फ्रूट खाते हैं, फ्रूट खाने में कौन सी हो गई, एक तो हो गई हमारी टमाटर, ब्रिंजल, चिली, ओकरा, ये हमने, और कुकरबिटेस, जितनी भी कुकरबिट्स वाली है, ठीक है, कुकरबिट्स हैं ये सारी, टमाटर, ब्रिंजल, चिली, ओकरा और कुकरबिट्स। ठीक है, ट्यूबर वाली मैंने पढ़ा दिया, ट्यूबर वाली में अपना पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, टोपियोका है, कोलोकोशिया है। ठीक, फिर रूट वाली, रूट में आ जाता है अपना क्या, जो भी हम पढ़ेंगे, रेडिस, और रेडिस के बाद क्या है, कैरोट, गाजर, कॉल क्रॉप, कॉल में अपना आ जाए कॉलीफ्लावर और केबेज, और बल्ब क्रॉप में क्या आ जाता है, जिनका हम बल्ब खाते हैं, बल्ब में आ जाएगा अपना ओनियन, ओनियन और गार्लिक, गार्लिक का क्लोव खाया जाने वाला भाग क्लोव है, पर बल्ब क्रॉप के अंदर आती है। तो फल खाने वाली कौन कौन सी, ये है ट्यूबर खाने वाली, ये है रूट खाने वाली, ये है कॉल खाने, कॉल क्रॉप मतलब जिनका हम अलग अलग उसमें पढ़ेंगे कि किसका क्या पार्ट खाया जाता है, हेड कर्ड वगैरह, ये बल्ब वाली ओनियन और अपनी गार्लिक है। ठीक है, इस तरीके से हमने समझा है। तो यहाँ पे खाने वाला भाग आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ से आपसे बनना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, रूट क्रॉप की, रूट क्रॉप में कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो रूट क्रॉप में यहाँ पे आपको दो क्रॉप देखने को मिलेगी, क्या, एक होती है हमारी रेडिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूली। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा कैरोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाजर। ये हमारी क्या है, रूट क्रॉप है, इनके बारे में पढ़ना है।
तो आज इस दोनों हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, एक साथ आप पढ़िएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे रेडिस की। रेडिस मीन्स मूली की बात करेंगे, ठीक है। मूली जो है, इसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है, मूली का जो बोटनिकल नेम क्या है, रेफेनस सटाइवस। रेफेनस सटाइवस इसका बोटनिकल नेम है। फैमिली क्या आ जाएगी इसकी, फैमिली आ जाएगी इसकी क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी क्या है इसकी, परिवार है इसका, कुल है क्रूसीफेरी। ओरिजन की बात करो, इसका ओरिजन कहाँ है, तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, यूरोप। कहाँ पर है, यूरोप इसका जो है ओरिजन प्लेस है, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो हमने बोला था जितनी भी कॉल क्रॉप है, ठीक है, कॉल क्रॉप है, रेडिस हो गया, जितनी भी कॉल क्रॉप है, रूट क्रॉप हो गई, कॉल क्रॉप हो गई, और अपनी कौन सी है, सिट्रस फ्रूट वाला, सिट्रस वाला हो गया, सिट्रस ग्रुप वाला हो गया, इन सब के कितने हैं, 18 है। तो क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने हैं, 2n = 18, 18 इसके क्रोमोसोम नंबर है, ठीक। इसमें जो है खाने वाला भाग क्या है, जड़। इडेबल पार्ट क्या है, इडेबल पार्ट क्या है इसमें, खाने वाला भाग, खाने वाला भाग क्या है, खाने वाला भाग इसमें रूट है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जड़। और ये क्या है, इसका मॉडिफिकेशन क्या है, तो ये एक मॉडिफाइड, मॉडिफाइड रूट है, रूपांतरित जड़ है। और कौन सी, तो फ्यूजी फॉर्म, कौन सी है, तो फ्यूजी फॉर्म रूट है ये, कौन सी रूट है, तो फ्यूजी फॉर्म रूट है, रूपांतरित रूट है ये, जड़ है, रूपांतरित जड़ है, लेकिन कौन सी, फ्यूजी फॉर्म वाली है, ठीक है। दो प्रकार की इसमें पाई जाती है, एशियन और यूरोपियन, दोनों दोनों को डिस्कस यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो मॉडिफाइड रूट सिस्टम हो गया है, हमने क्या क्या इसके अंदर देख लिया, कि इसके अंदर हमने देख लिया सारा। अब इसकी बात करते हैं, इसका हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम तापमान की बात करें, इष्टतम तापमान कितना चाहिए मूली को, लगभग 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। अब देखो, ये जो है, ये जितनी भी क्रॉप होती है ना, ये खाने के पर्पज से तो एनुअल है, लेकिन सीड पर्पज से ये बाइनुअल और पेरिनियल हो जाती है। तो अगर मान लो इसकी रूट से, रूट से हमें क्या, सीड प्रोडक्शन लेना है, ठीक है, क्या लेना है, रूट से सीड प्रोडक्शन लेना है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, स्टार्कलिंग, क्या कहलाती है, स्टार्कलिंग कहलाती है, ठीक है, स्टेकलिंग कहलाती है, ठीक है, स्टेकलिंग, अच्छे से लिख लेता हूं, स्टेकलिंग क्या कहलाती है, स्टेकलिंग, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, स्टेकलिंग कहलाती है। जो रूट है, क्योंकि रूट ही मॉडिफिकेशन है, रूट ही हम खाते हैं, तो रूट से सीड प्रोडक्शन लेना है, बीज अगर लेना है हमें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्टेकलिंग कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, स्टेकलिंग कहलाती है, स्टेकलिंग, ठीक है, कब पूरा ले लो, स्टेकलिंग कहलाती है, क्लियर है यहां तक। इसकी सीड रेट की बात करो, सीड रेट क्या है, सीड रेट क्या है, सीड रेट जो है इसकी 9 से लेकर 11 kg/hectare है। देखो, सीड रेट अगर याद करना है तो दोनों की एक साथ याद कर सकते हो, ये रेडिस और ये कैरोट गाजर, इसकी जो है 9 से 11 और इसकी होती है 5 से 6, तो जस्ट आधी होती है रेडिस से, जस्ट आधी किसकी होती है, कैरोट की, ठीक है। रेडिस की सीड रेट 9 से 11 है, तो कैरोट मतलब गाजर की कितनी हो जाएगी, जस्ट आधी, 5 से 6 kg हो जाएगी, और दोनों में एशियन, एशियन और यूरोपियन टाइप चलता है, क्लियर है। तो इसकी सीड रेट हो गई। सीड रेट के बाद हम इसमें देखते हैं मूली के प्रकार, टाइप जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं इसमें, ठीक है, टाइप्स, टाइप्स देखो तो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार की मूली आपको यहां देखने को मिलेगी। देखो, एक होती है एशियन, एशियन मूली, और एक होगी आपकी यूरोपियन, यूरोपियन मूली, यूरोपियन, ठीक है, दो प्रकार के टाइप हैं। जो एशियन है, एशियन मतलब कि जो भारत, भारत का आता है, एशिया में आता है, तो एशियन जो है भारत की समझ लो। अब भारत की तो सीधी सी बात है, यहाँ पर मेच्योरिटी में ज़्यादा समय लगता है, देसी देसी है तो ज़्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पर मेच्योरिटी टाइम कितना होता है, मेच्योरिटी मतलब परिपक्वता समय, ये लगभग 45 से 60 दिन में परिपक्व होती है। और ये एशियन है मतलब यहाँ कितने लग रहे हैं, 2 माह,
लगभग 2 महीने लग रहे हैं, और ये यूरोपियन है, विदेशी है, कम समय में जल्दी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैच्योरिटी की बात करें, यहाँ पर अगर मैं परिपक्वता की बात करूँ तो ये लगभग 25 से 30 दिन, मतलब 1 मंथ में तैयार हो जाती है। कितने मंथ में? 1 मंथ में तैयार हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप ये सीधी सी बात, ज़्यादा समय ले रही, तो यहाँ पे यील्ड जो है, उपज जो है वो ज़्यादा होगी, कितनी होगी? लगभग 15 से 20 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। और यहाँ पर यील्ड क्या होगी, ये कम समय में तैयार हो रही है तो इसकी जो उपज होगी वो कम होगी, इसकी लगभग 5 से 7 टन पर हेक्टेयर होगी, क्लियर है। दोनों की वेराइटीज़ अलग अलग देख लीजिए, वेराइटीज़ देख लीजिए, किस्मों की बात करें, अगर वैरायटी की बात करें तो इसमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पूसा चेतकी, पूसा चेतकी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों? क्योंकि जितनी मूली रूट क्रॉप है ये शीत ऋतु में बोई जाती है, मतलब फल के अलावा जो भी हम भाग खाते हैं वो कहाँ होती है? शीत ऋतु में होती है, शीत ऋतु में, लगभग मतलब अक्टूबर से लेके हम बोल सकते हैं कि दिसंबर में इसको ग्रो करते हैं, अक्टूबर नवंबर में इसकी प्लांटिंग करते हैं। लेकिन पूसा चेतकी को हम क्या करते हैं, इसकी प्लांटिंग अब करते हैं मार्च में, बुआई मतलब इसकी सोइंग कब करते हैं? मार्च से लेकर अगस्त तक इसकी सोइंग करते हैं, मतलब ये कौन सी है? समर वाली है, यही गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो जनरली जो ये सब्जियाँ वेजिटेबल्स जो होती है अक्टूबर, जो फल के अलावा भाग खा रहे हैं, फल के अलावा हम रूट खा रहे हैं, ट्यूबर खा रहे हैं, इनको हम लगभग सेप्टेम्बर अक्टूबर में ग्रो करते हैं। देखा, आलू में भी हमने सेप्टेम्बर अक्टूबर में उसकी सोइंग की थी। तो फल के अलावा जैसे टमाटर हो गया, ये जो इनका अपन फल खाते हैं, फल के अलावा जितनी भी है इनको हम कहा शीत ऋतु में, जैसे अगर बात करें फल खाने वाले कुकरबिट्स, कुकरबिट्स सब गर्मी में लगाते हैं अपन, तो जो फल के अलावा जो भी है, रूट खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं फल के अलावा, और पत्ती खाते हैं, तो ये फल के अलावा जितनी भी खाने वाली सब्जियां हैं, जड़ है, रूट है, जिनका हम फल नहीं खाते, वो सारी शीत ऋतु में होती है, ठंड में होती है, ठीक है। तो इनको अक्टूबर नवंबर पर, ऐसी पूसा चेतकी एक ऐसी वेरायटी है जो गर्मी में हो जाती है मार्च अगस्त में, इसलिए साल भर हमें को मूली खाने को मिल जाती है, ठीक है। मार्च से अगस्त में इसको क्या करते हैं, गोइंग पूसा चेतकी। इसमें और आती है पूसा सफेद, पूसा सफ़ेद, और आ जाएगा पूसा रश्मि, ये इसकी वैरायटी है, ठीक है। और आ जाएगा जैपनीज वाइट, जैपनीज वाइट ये अक्टूबर नवंबर में ग्रो की जाती है, अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है। तो ये इसकी वैरायटीज हो गई, ठीक है। यहाँ बात करें इस तरफ, ठीक है, अगर इसकी बात करें पूसा सफेद के अलावा, पूसा सफेद, पूसा इसमें बात करें तो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आ जाएगी आपकी, हाँ देखो एक मिनट, पूसा सफेद की सबसे जैपनीज यहाँ पे आती है आपकी राउंड चेरी बेली, राउंड चेरी बेली इसमें आ जाती है, ये लाल रंग की होती है, ठीक है, ये लाल रंग की होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा स्कारलेट लॉन्ग, स्कारलेट ग्लोब, और हो जाएगा पूसा, भूल रहा हूँ मैं क्या है जो वर्ष भर होती है, पूसा मेघाली, ठीक है। एक होती है इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो मेरे दिमाग से निकल रही है, जो पूसा मेघाली तो गाजर की, पूसा हिमानी, हिमानी जो वर्ष भर लगती है, जो वर्ष भर के लिए बेस्ट है, ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूसा चित्र की ये वेराइटीज़ हो गए, इसमें और कुछ नहीं है पढ़ना हमें। और इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा देख लो इसमें इंसेक्ट क्या लगते हैं, इंसेक्ट इसमें लगते हैं, एक तो जो मस्टर्ड में लगते हैं, मस्टर्ड साफ्लाई, ठीक है, पेंटेड बग लगता है। डिजीज की बात करें तो डिजीज में आ जाएगा यहाँ पे वाइट रस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइट रस्ट, ठीक है, एल्बो कैंडिडा। और डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर में इसमें ब्लैक हार्ट लगता है, ब्लैक हार्ट जो ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक। ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप है वो है नेक्स्ट जो क्रॉप है हमारी गाजर। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी क्रॉप है कैरेट, ये भी रूट क्रॉप है, क्लियर है, रूट क्रॉप है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम क्या है? डेकस कैरोटा। बॉटनिकल नेम की बात करें तो क्या आ जाएगा? डेकस कैरोटा, ठीक है।
फैमिली की बात करें, फैमिली क्या है इसकी, परिवार तो अम्बेली फेरी, क्या है अम्बेली फेरी इसकी, वही है। ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कहाँ है इसका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर इसमें भी क्या है, 2n = 18 है, ठीक है। खाने जाने वाला भाग क्या है इसका भी, क्या है रूट है, सारी चीज वही है। एडिबल पार्ट क्या है इसका, एडिबल पार्ट इसका भी क्या है रूट है, ये भी क्या है मॉडिफाइड रूट का ही एक प्रकार का भाग है, मॉडिफाइड रूट ही इसका मेन भाग होता है, ठीक है। इसमें जो है प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, ये रिचेस्ट सोर्स होता है, रिचेस्ट सोर्स होता है किसका, विटामिन ए का, सर्वाधिक विटामिन इसमें पाया जाता है, मैंगो के अंदर पाया जाता है सर्वाधिक विटामिन, ठीक है। लेकिन पर यूनिट की बात करें, ठीक है, पर यूनिट एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा गाजर के, गाजर ही सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाती है। कांजी बनाया जाता है, कांजी पेय पदार्थ है, कांजी क्या है एक पेय पदार्थ है जो किसके, काली गाजर से, काली गाजर, ब्लैक कैरोट से बनाया जाता है, ब्लैक कैरोट से बनाया जाता है क्या, कांजी, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल पॉइंट है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको पढ़ना नहीं है, बस ये देख लेना। रूट कलर के लिए, रूट का जो कलर है उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, रूट कलर के लिए टेम्परेचर चाहिए 15 से 21 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए तो लगभग 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। और सीड प्रोडक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, सीड प्रोडक्शन के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 5 से 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। सीड रेट की बात करो, इसमें सीड रेट कितनी चाहिए, सीड रेट मैंने बता दिया, मूली से जस्ट आधी, 5 से 6 kg पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट चाहिए। और क्या, ये भी दो प्रकार की होती है, एशियन, एशियन और यूरोपियन, एशियन और यूरोपियन दो प्रकार की है। एशियन की वैरायटी देख लो कौन कौन सी है, एशियन की वैरायटी में आ जाएगा आपका पूसा केसर, ठीक है, और पूसा मेघाली, पूसा केसर और पूसा मेघाली, ठीक है। यूरोपियन में आ जाएगा अपना चेंटनी और इम्प्रेटर, चेंटनी और इम्प्रेटर, क्लियर है। गाजर के अंदर इससे इसके अलावा और कुछ नहीं है, अपने को पढ़ना है, ठीक है, इतना ही पढ़ना है सब कुछ, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और क्या चीज़ है, और थोड़ा बहुत देख सकते हो इसमें, इनकी सीड रेट थोड़ी थोड़ी सी अलग है। देखो एशियन की जो सोइंग हम करेंगे, कि अब सोइंग टाइम जो है इसमें अगस्त से अक्टूबर, सोइंग टाइम की बात कर रहे हैं। यूरोपियन का जो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर है सोइंग टाइम, ठीक है। इसकी जो सीड रेट है थोड़ी कम होती है, इसकी जो सीड रेट है ये लगभग 4 से 5 kg पर हेक्टेयर होती है, ठीक है। इसकी सीड रेट जो है 5 से 6 kg पर हेक्टेयर होती है, ठीक। बस इतना ही देखना और कुछ नहीं, क्लियर है बस। और क्या है, बस इसका जो हमने बताया ना, येलो कलर जो होता है, नारंगी रंग जो होता है, येलो या ऑरेंज कलर जो होता है कैरोट का, वो किस वजह से होता है, तो कैरोटीन की वजह से, ये तो आपको पता है, ठीक है, कैरोटीन की वजह से होता है। और इसका जो लाल रंग होता है या जो बैंगनी रंग होता है या काला रंग जो होता है, वो किसकी वजह से, एंथोसाइनिन की वजह से होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से होता है। बस ये चीज़ें सारे नोट्स में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। तो रूट क्रॉप हमारी खत्म होती है। कॉल क्रॉप की बात करें तो एक पूरा ग्रुप है, समूह है, इसके अंदर कई सारी क्रॉप्स आती हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, नॉल खोल जिसको गार्ड गोभी बोलते हैं, ब्रुसल्स स्प्राउट्स आता है, ठीक है, और केल आता है। करीबन 6-7 जो है क्रॉप इसके अंदर आती है। तो पहले हम कॉल क्रॉप को समझते हैं, उसके बाद क्रॉप्स पे आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, मेनली हम कॉलीफ्लावर और केबेज को पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि ये कॉल जो है ये क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये कॉल जो वर्ड है, ठीक है, ये जो कॉल वर्ड है, ये कॉल जो है ये क्या है, कॉल वर्ड ये क्या है, वाइल्ड केबेज का, वाइल्ड केबेज मतलब जो जंगली हमारी गोभी है, जंगली पत्ता गोभी है बोल सकते हो, या जंगली सरसों है, इसको हम वाइल्ड मस्टर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, वाइल्ड मस्टर्ड भी बोल सकते हैं जंगली सरसों, ठीक है। इसका एसेंट मतलब ये कॉल क्रॉप का पूर्वज कौन है, एल वाइल्ड केबेज, वाइल्ड केबेज क्या है, कॉल क्रॉप का पूर्वज है, एसेंटर है, हम बोल सकते हैं कि इसका क्या है, ये पूर्वज है, ठीक है। ये जो है वाइल्ड केबेज, जंगली गोभी जो है, ये कॉल क्रॉप का एसेंटर से मतलब इससे बना है, कैसे बना है बताऊंगा। और इसको और क्या कहा जाता है, इसी को बोल देते हैं हम, इसी को क्या कह देते हैं, इसी को बोल देते हैं कॉल
इसी को क्या बोला जाता है, कोल वार्ट्स बोला जाता है। मतलब कि ये कोल क्रॉप जो बनी है वो कोल वार्ट्स से या जंगली वाइल्ड कैबेज या जंगली गोभी से बनी हुई है, बनी है जितनी भी कोल क्रॉप है सब इसी से बनी हुई है। कैसे बनी है बताऊंगा, ये वर्ड शायद मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा या समझाता होगा, हम सीधे कॉलीफ्लावर कैबेज पढ़ लेते हैं, लेकिन कॉलीफ्लावर कैबेज और जो भी हम पढ़ते हैं नॉल कोल गांठ गोभी, ये एक एक ही पौधे से बने हुए अलग अलग क्रॉप है, जैसे मैं बताऊंगा अभी कैसे बने हैं। ठीक है, अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो गोभी है जो हमारी कोल क्रॉप है उसका जो पूर्वज है कौन है, वाइल्ड कैबेज है, मतलब वाइल्ड कैबेज जो है पिताजी है कोल क्रॉप का, जैसे हम लोग के पिताजी हम लोग के दादाजी हैं उनसे हम आए हैं, तो जैसे ये कोल क्रॉप है, कोल क्रॉप किससे बनी है, तो इस वाइल्ड कैबेज से, मतलब वाइल्ड कैबेज क्या है यहाँ पे, पिताजी है सारे कोल क्रॉप का, जितनी भी कोल क्रॉप हम पढ़ते हैं कॉलीफ्लावर कैबेज उनके पिताजी कौन है, वाइल्ड कैबेज है, इसको कोल वार्ड भी कहते हैं। और इसका जो है बोटनिकल नेम क्या है, इसका जो वानस्पतिक नाम क्या है, देखो क्या नाम है, वही ब्रेसिका ओलेरेसिया वर सिल वेस्ट्रिस। ठीक है, क्या याद रखना है, ये तो कॉमन रहेगा सब में, ब्रेसिका ओलेरेसिया आपको याद रखना है, सिल्वेस्ट्रिस, सिल्वेस्ट्रिस जो है किसका नाम है, वाइल्ड केबेज का या फिर कोलवाट का जो है साइंटिफिक नेम है, जो कोल क्रॉप का क्या है, पूर्वज है, क्या नाम है, सिल्वेस्ट्रिस, हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, सिल्वेस्ट्रिस, ठीक, ब्रेसिका ओलेरेसिया सिल्वेस्ट्रिस जो क्या है, पूर्वज है किसका, कोल क्रॉप का। यहां तक की बातें समझ में आई, ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, अब ये ब्रेसिका ओलेरेसिया है तो फैमिली क्या है इसकी, क्रूसीफेरी, मतलब जितनी भी कोल क्रॉप है सबकी फैमिली क्या रहेगी, फैमिली की बात अगर मैं करूं, फैमिली की कुल की या परिवार की अगर हम बात करें इसका, तो क्या है, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ब्रेसी कैसी इसकी क्या होगी, फैमिली होगी, मतलब जितनी भी कोल क्रॉप है सबकी फैमिली भी क्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी वाइल्ड जो कैबेज है हमारा या कोलवाट है जिसको हमने सिल्वेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है, उसकी फैमिली अगर क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी है तो जितनी भी कोल क्रॉप है उसकी भी क्या होगी, क्या होगी, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि कैसे यहां पर बनी है सारी क्रॉप्स, क्लियर है, एक डायग्राम मैं यहां पे बनाऊंगा, चलिए ठीक है, हम यहां पे क्या बना रहे हैं, ये जो वाइल्ड वाली है, वाइल्ड कैबेज है उसका डायग्राम मैं बना रहा हूं, इससे हमें बताऊंगा कि कैसे कैसे जो है बाकी सारी कोल क्रॉप्स यहां पे बनी है। ठीक है, तो यहां पे इसका जैसे आपने सरसों देखा ना, सरसों का प्लांट कैसा होता है, सेम वैसे ही इसका भी प्लांट था वाइल्ड का, तो इसके क्या निकलते हैं यहां पे, फ्लावर्स, ठीक है, ये फ्लावर्स है, फिर इसकी क्या चलती है, पत्तियां, कुछ ऐसे पत्तियां जाती हैं, ठीक है, ऐसे चलती हैं, इसमें नीचे लीफ भी बनती है, और इस पे जो है यहां पे फ्लावर्स ये बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहां पे जैसे सरसों का प्लांट होता है, क्लियर है। अब इससे ही जो है बाकी सारी क्रॉप, ये क्या है ये मैं बता देता हूं, ये वाइल्ड कैबेज है, ठीक है, ये वाइल्ड कैबेज है, जंगली गोभी है जिसको हमने क्या बोला, कोलवाट, कोलवाट बोला, इसी से बाकी सारी बनी है। ठीक है, अब इसी से बाकी सारी कैसे बनी है वो देखो, क्लियर है, फ्लावर से, ठीक, ये क्या है, फ्लावर, तो फ्लावर से कौन बना है, फ्लावर से बनी है यहां पे कॉलीफ्लावर, कौन, आपकी जो कॉलीफ्लावर है वो किससे बनी है, गोभी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, कि फ्लावर से कौन बनी है, कॉलीफ्लावर, इसके ये जो वाइल्ड कैबेज था इसके फूल से, फ्लावर से बनी है कॉलीफ्लावर, ठीक है, और कॉलीफ्लावर के जो खाए जाने वाला भाग है, जो इसका इनेबल खाने वाला भाग है वो क्या है, तो वो है कर्ड, क्या है, इसका खाए जाने वाला भाग कर्ड, ये याद रखना, क
कर्ड जो है इसका खाया जाने वाला भाग है कॉलीफ्लावर का। कॉलीफ्लावर का जो बोटानिकल नेम है वो क्या होगा, कॉलीफ्लावर का जो बोटानिकल नेम क्या होगा, तो देखो ब्रेसिका ओलेरेशिया तो रहेगा ही रहेगा, क्या रहेगा ब्रेसिका ओलेरेशिया तो रहेगा ही रहेगा, और वेराइटी क्या हो जाएगा बोट्राइटिस, बोट्राइटिस। ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस, ठीक है, किसका कॉलीफ्लावर का। तो कॉलीफ्लावर किससे बना है, फ्लावर से, किसके फ्लावर से, तो जो वाइल्ड केवल जंगली गोभी थी उसके फूल से बना है कॉलीफ्लावर, और उसका खाने वाला भाग कर्ड है, और उसका बोटिकल नेम क्या है बोट्राइटिस है, ठीक है। तो ये कॉलीफ्लावर कैसे बना, तो ऐसे बना, ठीक है, समझ में आई बात। कॉलीफ्लावर कोई अलग से चीज नहीं है, इसी जंगली पौधे से बने हुए हैं, ठीक। अब बात करते हैं यहां पर पत्ती से, क्या लीफ से, लीफ से मतलब पत्ती से, पत्ती से बात करते हैं। तो पत्ती से क्या बनेगा, पत्ती से बनती है यहां पर केबेज। केबेज जो है किसका मॉडिफिकेशन है, वाइल्ड केबेज के पत्ती से बनी है केबेज, ठीक है, पत्ती से बनी है क्या, बंद जिसको हम क्या बोलते हैं पत्ता गोभी बोलते हैं, ठीक है, पत्ती से बनी है इसलिए पत्ता गोभी, और इसको हम क्या बोलते हैं फूल गोभी बोलते हैं क्योंकि इसके फूल से बनी है, ठीक है। कॉलीफ्लावर को क्या बोलते हैं हम, फूल गोभी, फूल से बनी है, इसको केबेज को हम बोलते हैं पत्ता गोभी क्योंकि पत्ता से बनी है, किससे बनी है लीफ से, किसके लीफ से, तो जंगली केबेज है उसके लीफ से बनी है केबेज, इसको हम पत्ता गोभी बोलते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या आ जाएगा, इसका बोटनिकल नेम आ जाएगा ब्रेसिका ओलोरेसिया वेराइटिस केपी टाटा, क्या आ जाएगा केपी टाटा, ठीक है। और इसका जो है खाने वाला भाग क्या है, खाने वाला भाग जो है वो क्या है, इसका खाने वाला भाग जो है वो है हेड, क्या है खाने वाला भाग इसमें हेड है, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, क्लियर है, दो चीज समझ में आई, ठीक। यहीं से आपका कॉल क्रॉप कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ी बहुत चीजें रहेगी क्रॉप में अलग से, वो हम देख लेंगे। नंबर तीन बात करते हैं स्टेम से, ठीक है, एक और बात करते हैं फ्लावर से और क्या बनता है, चलो एक और ले लो, फ्लावर से, फ्लावर से और यहां पे क्या बनती है, वो बनती है ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली जो है वो बनती है फ्लावर से, ठीक, ब्रोकली जो बनती है वो किससे बनती है, ब्रोकली जो बनती है वो फ्लावर से बनती है, इतना याद रखना, ब्रोकली किससे बनती है, ब्रोकली बनती है फ्लावर से, ठीक है। यहां तक आई थिंक आपको क्लियरली चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है, ब्रोकली की स्पेलिंग ब्रोकली, ठीक है, ब्रोकली जो बनती है किससे, फ्लावर से, और इस ब्रोकली का जो नाम क्या है, इस ब्रोकली का जो है वो नाम है ब्रेसिका ओलेरेसिया वेराइटी इटालिका, ठीक है, क्या नाम है इटालिका, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें भी क्या खाते हैं, खाने वाला भाग जो है इडेबल जो पार्ट है वो क्या है, वो इसमें भी हेड है, क्या खाते हैं इसमें भी हेड खाते हैं ब्रोकली में भी, क्लियर है। पत्ती से एक और है, पत्ती से एक और बनेगा, ठीक है, पत्ती से, ये भी लीफ से, ठीक है, पत्ती से एक और यहां पे कॉल क्रॉप बनती है, वो कौन सी है, तो यहां से पत्ती से एक और बनती है वो है हमारी नॉल कॉल, नहीं नॉल कॉल तो स्टेम से बनती है, केल, केल, केल जो है ये भी किससे बनती है, पत्ती से बनती है, ठीक है। केल जो है वो भी क्या है, कॉल क्रॉप है, और वो भी किससे, इस जंगली गोभी जो है वाइल्ड केबेज है उसकी लीफ से बनती है, ठीक है, लीफ से इसका जड़ हुआ। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है बच्चों, इसका साइंटिफिक नेम है ऐसे फैला, ऐसे फैला मतलब वही ब्रेसिका ओलेरेसिया और वेराइटी आ जाएगा ऐसे फैला, ठीक है। और इसका खाने वाला भाग क्या है, तो खाने वाला भाग इसका जो है वो क्या है, लीव्स और शूट, लीव्स और शूट इसका खाने वाला भाग है, पत्ती और जो शूट है, शूट मतलब ऊपर का भाग पूरा बोल सकते हो आप, जनरली लीव्स ही आएगा, पत्ती जो है इसकी खाई जाती है, ठीक। अब एक जो बचा कितने हो गए, चार हो गए, कॉलीफ्लावर ब्रोकली हो गया, हाँ ठीक है, केबेज हो गया, केल हो गया, एक नॉलखोल बचा है, और एक बचा है अपना ब्रुसेल्स स्प्राउट। तो ये क्या है, ये है स्टेम, ठीक है, ये है स्टेम। तो स्टेम से मतलब तना से क्या बना, तना से बना है, देखो तने से कौन सी क्रॉप बनी है, इसके इसके तने से बनी है कौन सी क्रॉप, तो नॉलखोल, याद रखना,
नॉल खोल, ठीक है, जिसको हम गांठ गोभी बोलते हैं, गांठ गोभी, ये किससे बनी है? तने से बनी है। और नॉल खोल इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या आ जाएगा? गोंजी लोइडिस, ठीक है, ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी, क्या आ जाएगा? गोनंजी लॉयड्स, गोनंजी लॉयड्स, ठीक है, इसका वानस्पतिक नेम है। और इसका खाने वाला भाग क्या है? इसका खाने वाला भाग क्या है? तो याद रखना, इसका खाने वाला भाग क्या है? स्वेलन स्टेम, फूला हुआ तना, ठीक है, फूला हुआ तना इसका खाने वाला भाग है। फूला हुआ तना जो है, स्वेलन स्टेम जो है, मतलब फूला हुआ तना इसका खाने वाला भाग है, क्योंकि ये स्टेम से ही बनी है तो खाने वाला भाग भी स्टेम होगा। ये लीफ से बनी है, खाने वाला भाग लीफ होगा। ये लीफ से बनी है लेकिन इसका खाने वाला भाग हेड है। ये फूल से बना, इसका खाने वाला भाग हेड है। ये फूल से बना, इसका खाने वाला भाग कड़ है। और अब लास्ट में बची हमारी एक और जो है, वो किससे बनती है? यहाँ पे होती है, जैसे मान लो मैं ये बना देता हूँ बड़, ठीक है, ये क्या है? ये है यहाँ पे बड़, ठीक है, ये बड़ है, तो इस बड़ से बनती है, ठीक है, ये बड़ है, तो सॉरी ये बड़। अब इस बड़ से जो बनती है वो बनती है हमारी जेमीफेरा। जेमीफेरा मतलब इसको हम बोल सकते हैं ब्रुसल्स स्प्राउट, ब्रुसल्स स्प्राउट्स। और इसका नाम क्या है? ब्रेसिका ओलरेशिया वेराइटी जेमीफेरा। जेमीफेरा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। और इसका जो है खाने वाला भाग क्या है? इसका जो खाने वाला भाग है फ्लावर बड, क्या है? फूल कली का, फूल कली का, या इंग्लिश में बोलेंगे तो फ्लावर बड, क्या है? फ्लावर बड है। क्लियर है? ये बेसिक चीजें हैं। एक जंगली कैबेज से ही सारी जो है कोल क्रॉप बनी हुई है। तो कोल क्रॉप क्या है? एक क्रॉप का समूह है जो एक जंगली, मतलब इन सब का पापा कौन हो गया? मैंने बोला ना, इनका पूर्वज जो है वो कौन है? कोलवाट या वाइल्ड कैबेज है। किनका पूर्वज? केल का, केबेज का, नोल खोल का, कॉलीफ्लावर का, ब्रोकली का और ब्रुसल्स स्प्राउट्स का। तो इन सब का पिताजी कौन हो गया? अगर पूछा जाए कि कोल क्रॉप का जो है एसेंटर या कॉमन एसेंटर या जो पूर्वज है वो कौन है, तो वाइल्ड केबेज है। वाइल्ड केबेज का नाम क्या है? सिल्वेस्ट्रिस है साइंटिफिक नेम, और इसको कोलवाट भी बोला जाता है। क्लियर आ गई समझ में? अब यहां पे देखो क्या क्या चीज हमने क्रॉप की भी डिस्कस कर ली, क्या क्या चीज हमने डिस्कस कर ली। देखो कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का साइंटिफिक नेम और इसका खाने वाला भाग। केबेज, कोबेज का साइंटिफिक नेम, उसका खाने वाला भाग। केल, केल का साइंटिफिक, उसका खाने वाला भाग। नोल खोल, उसका साइंटिफिक नेम, खाने वाला भाग। ब्रुसेल्स का खाने वाला भाग, उसका बोटनिकल नेम। ब्रोकली का खाने वाला भाग और उसका बोटनिकल नेम। अब यहां पे जो ये ब्रोकली है, इस ब्रोकली का जो है ओरिजन में बता देता हूं, उत्पत्ति इसका आपको अलग से याद रखना क्या है? इटली, ठीक है, किसका? इस ब्रोकली का। और नाम ही क्या है? इटालिका। इटालिका से इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है? इटली। बाकी सारी जो है, ठीक है, बाकी का जो ओरिजिन है वो क्या है? मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन रीजन, ठीक है, बाकी का क्या है? मेडिटेरियन रीजन है। बाकी इसका सिर्फ ब्रोकली का जो ओरिजन है वो इटली है, बाकी सबका क्या है? मेडिटेरियन रीजन जो है वो क्या है? ओरिजन है, उत्पत्ति स्थान है। एक चीज और कॉमन बता दूं, सब जितनी भी कॉल क्रॉप है सबका जो क्रोमोसोम नंबर है, ठीक है, सभी क्रॉप जो है इनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या होगा? ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करें, क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र, चलो मैं थोड़ा सा ऊपर खसका के लिख देता हूं, ये समझ में आ गया सारी चीज आपको, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कॉल क्रॉप की, कॉल क्रॉप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कॉल क्रॉप की जो जो सारी चीजें हैं। तो इसका हमने देख लिया क्या कौन कौन सी इसके अंदर आती है, देन इसके हमने खाने वाला भाग देख लिया, साइंटिफिक नेम देख लिया, इसका ओरिजन देख लिया, सबका मेडिटेरियन रीजन है, किसका? सिर्फ किसका? ब्रोकली का, इटली है। अब यहां पे क्रोमोसोम नंबर की बात करें, सबकी क्रोमोसोम नंबर या गुण सूत्र संख्या की बात करें तो वो क्या होगा? 2n = 18, सबका क्रोमोसोम नंबर 18 है। फैमिली सबकी सेम है। और सबका जो है यहाँ पे फ्रूट टाइप की बात करें, फल प्रकार क्या है? सिलिकवा, क्या है? सिलिकवा जो है इनका फल प्रकार है। सलीकवा किसका है? मस्टर्ड का। तो ये एक तरीके का क्या है? जंगली मस्टर्ड ही है, जिसको हमने वाइल्ड केबेज बोला, तो इनका भी फल प्रकार क्या है? सिलिकवा ही है, ठीक है। खाने वाले भाग अलग अलग है, फ्रूट टाइप सबका सिलिकवा है, गुणसूत्र संख्या सबकी 18 है, ठीक है, सबका ओरिजिन प्लेस क्या है? मेडिटेरेनियन है, एक ब्रोकली को छोड़ के उसका इटली है।
बाकी सबकी जो फैमिली सेम है, और इसमें जो है क्या पाई जाती है, चीज़ें समझना बात को, ठीक है। इसमें जो हम मैं बात करूँ आप यहाँ पे बेसिक बेसिक चीज़ें कि यहाँ पे जो पोलिनेशन है, किन में जितनी भी क्रॉप है, परागण, पोलिनेशन की बात करें, ठीक है। तो पोलिनेशन जो होता है इसमें हाईली क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, क्या होता है यहाँ परागण होता है। क्यों होता है परागण? क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी क्या होता है, कई बार हमने पढ़ा है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब क्या होता है, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है यहाँ पर कि फीमेल मेच्योर फर्स्ट, फीमेल मेच्योर फर्स्ट, ठीक है। एक फोटो एंट्री होता है, एंट्री मतलब मेल और गाइनी मतलब फीमेल। तो फोटो एंट्री प्रो का मतलब होता है, प्रोटो का मतलब होता है पहले, गाइनी का मतलब होता है फीमेल। तो फीमेल पहले मेच्योर होगी, ठीक है, मादा पहले परिपक्व होती है, ठीक है, परिपक्व होती है, मादा पहले परिपक्व होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। और ये जो प्रोटोगाइनी है किसको प्रमोट करती है, क्रॉस पोलिनेशन को। क्यों? क्योंकि मादा पहले, जैसे फीमेल, ठीक है, ये है फीमेल, ये फीमेल एक फ्लावर के अंदर, ठीक, और ये मेल, मेल अभी परिपक्व नहीं हुआ है, फीमेल परिपक्व हो गई है, ये तैयार है मेटिंग करने के लिए, ये तैयार है जो है मेच्योर हो चुकी है, अब तैयार है शादी करने के लिए। लेकिन जो है यहाँ पर दूल्हा जो है वो 15 साल का ही है, दुल्हन हो गई 21 साल की, लेकिन कैसे शादी करे, अभी जो है मेल तैयार ही नहीं हुआ है। तो ये क्या करती है, किसी दूसरे फ्लावर के साथ क्या करती है, संबंध बनाती है, दूसरे के साथ शादी कर लेती है, दूसरे फ्लावर के साथ। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। तो जिस क्रॉप क्रॉप के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। और इसमें एक और कारण है, एक कारण और क्या है प्रोटोगाइनी के अलावा, इसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, टीबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। इसकी वजह से भी क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट्स होती है, ठीक है, प्रेजेंट्स होती है, जिसकी वजह से भी क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या है समझो, ठीक है। यह है मान लो आपका फ्लावर, ठीक है, यह है आपका फ्लावर, और यहां पर क्या है, यह है आपकी फीमेल, और ये क्या है आपका मेल, ठीक है, ये है मेल जिसको एंथर बोलते हैं, और ये स्टिग्मा होता है, बीच में स्टाइल और नीचे ओव्यूल होता है, ओवरी होती है, ठीक है। अब सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो मेल है, यहाँ क्या होगा, यहाँ से परागण यहाँ जाने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये जो है खुद की ही मादा को फर्टिलाइज करने में एबल नहीं होता है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इन कंपेटिबिलिटी नहीं, इन सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है इसमें एबिलिटी, एबिलिटी ले आ रहा ना, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब इसके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि वे खुद के ही मादा को क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके, जबकि ये किसी और को जाके फर्टिलाइज करता है। मतलब क्या हो गया कि ये जैसे मान लो यहाँ दूसरा फ्लावर है, ठीक है, ये यहाँ पे फीमेल है दूसरे फ्लावर की, और ये पे ये मेल है। तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि ये जो है ये खुद खुद के ही फ्लावर में जो मादा है उसके साथ मेटिंग ना करके इसके साथ करेगा, ठीक है, इसके साथ करेगा, ये इसके साथ ना करके ये इसके साथ करेगा। मतलब ये खुद के ही फ्लावर के अंदर जो मादा बैठी है उसके साथ ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन नहीं कर पाता है, उसमें ये एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन किसी और के साथ कर लेता है। मतलब यहाँ पे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो फर्टाइल तो होते हैं, फर्टाइल का मतलब होता है कि उनमें क्षमता होती है क्या करने की, फर्टिलाइजेशन करने की, पोलिनेशन करने की, लेकिन वो खुद के ही जो मादा होती है उसी फ्लावर में जो मादा होती है, जो क्या होता है मादा होती है, उसके साथ वो पोलिनेशन नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है, लेकिन दूसरे फ्लावर के साथ कर पाते हैं। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। यहां तक समझ में आ गया? अभी हम सिर्फ जितने भी कॉल क्रॉप्स है ना, उन कॉल क्रॉप्स का हम अभी बेसिक बेसिक सारी चीजें यहां पर देख रहे हैं कि क्या होता है कॉल क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। अभी हम डिटेल में नहीं गए हैं कि कॉलीफ्लावर को अलग से नहीं पढ़ा हमने, अभी सिर्फ देख रहे हैं कि कॉल क्रॉप्स क्या होती है, ठीक। यहां तक समझ में आया? अब देखो एक चीज यहां पर समझना, क्या समझना है हमको, यहां पे एक चीज समझना है, जो कॉल क्रॉप है, ठीक है, ये जो हमारी कॉल क्रॉप है, ये कॉल क्रॉप है, इनका अगर एक्सेस यूज करते हैं, एक्सेस यूज, ठीक, एक्सेस यूज करते हैं मतलब अगर हमको ज्यादा खाते हैं तो एक डिजीज होती है, कौन सी, गोइटर, गोइटर डिजीज हो जाती है एक्सेस यूज करने से, कौन सी, गेंगा रोग,
घेंगा रोग हो जाता है। क्यों हो जाता है घेंगा रोग? क्योंकि कोल क्रॉप ज्यादा खाने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, उसमें क्या आ जाती है? स्वेलिंग, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, एक्सेस यूज करेंगे तो गोइटर डिजीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होती है या गले के अंदर या थायराइड ग्लैंड होती है, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्यों आ जाती है स्वेलिंग? क्योंकि थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नामक, थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और इस हार्मोन की वजह से, इस हार्मोन की अधिकता की वजह से ही क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से गोइटर डिजीज हो जाती है, एनिमल में भी या हम लोगों में भी। ठीक है, तो कोल क्रेप ज्यादा, कोल क्रेप ऐसा नहीं कि आप सब बंद कर दो खाना, खाना चाहिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, कैंसर से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा मतलब कि जैसे मार्केट में 2-3 रुपए किलो ही मिल रही है, तो रोज लाके हम केबेज खा रहे हैं, कॉलीफ्लावर खा रहे हैं, तो एक्सेस यूज से क्या हो सकता है? थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, जिसकी वजह से गोइटर डिजीज हो सकती है। तो एक्सेस यूज नहीं करना है इसका। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कोल क्रॉप का एक्सेस यूज करने से कौन सी बीमारी होती है? तो गोइटर डिजीज होती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है। थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग क्यों आ जाती है? क्योंकि थायरोक्सिन नामक हार्मोन वहां से स्रावित होता है। ठीक है, कोल क्रॉप के एक्सेस यूज करने से। अब कोल क्रॉप जो है, देखो ये जो कोल क्रॉप है, ये सीड पॉइंट ऑफ व्यू से, सीड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये बाइनियल है, बाइनियल है। ठीक है, और कंजप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बाइनियबल है। और कंजप्शन के यूज से ये क्या है? एनुअल है, एनुअल है। ठीक है, समझ में आई बात? अगर हमें क्या करना है, सीड लेना है, सीड लेना है, बीज लेना है, तो ये क्या हो जाएगी? द्विवर्षी, द्विवर्षी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हमें क्या करना है, उपभोग करना है, खाने के पर्पज से लेना है, तो ये हो जाती है वार्षिक। पूछा जा सकता है कि खाने के हिसाब से, ठीक है, अगर हम उसको ईटिंग पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो जो कोल क्रॉप है वो क्या होती है? एनुअल होती है। ठीक है, और अगर हमें उसका सीड प्रोडक्शन लेना है, तो वो बाइनियल हो जाती है। क्लियर है? अभी बात करेंगे सीड का प्रोडक्शन, उसमें कैसे लिया जाता है, कैसे नहीं लिया जाता है, सारी चीज करते हैं। फादर ऑफ कोल क्रॉप की बात करें, कौन है फादर ऑफ कोल क्रॉप्स की बात करें, कौन है? तो ये है डॉक्टर प्रीतम, प्रीतम कालिया, डॉक्टर प्रीतम कालिया, प्रीतम कालिया, डॉक्टर प्रीतम कालिया जो है, फादर है किसके? कोल क्रॉप के। कोल क्रॉप के फादर कौन है? डॉक्टर प्रीतम कालिया। और ये कहां के हैं? IARI न्यू दिल्ली, IAR न्यू दिल्ली। इनको बोला जाता है फादर ऑफ कोल क्रॉप, डॉक्टर प्रीतम कालिया को फादर ऑफ कोल क्रॉप बोला जाता है। ठीक है, अब यहां पे एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड भी डेवलप किया गया था कार्पेचिंको ने। नाम क्या है साइंटिस्ट का? कार्पेचिंको, कार्पेचिंको, अजय भी करीब नाम पे, कार्पेचिंको एक वैज्ञानिक है। इन्होंने एक इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, हाइब्रिड डेवलप किया था। ठीक है, इंटर स्पेसिफिक, इंटर का मतलब होता है, और इंट्रा का मतलब, दो चीज समझ लेना, इंट्रा का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्या होता है, और इंटर का मतलब क्या होता है, समझना। कभी आपको इंटर स्पेसिफिक मिल जाएगा, कभी इंट्रा स्पेसिफिक मिल जाएगा। ठीक है, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग ने अच्छे से पढ़ाया है। इंट्रा का मतलब होता है सेम, ठीक है, और इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट मतलब यहां पे इंटर स्पेसिफिक लिखा है। देखो, इंटर का मतलब हो गया डिफरेंट, अलग, क्या हो गया? डिफरेंट, अलग, और स्पेसिफिक का मतलब हो गया स्पीसीज, स्पीसीज प्रजाति, मतलब अलग प्रजाति। ठीक है, अलग प्रजाति की हाइब्रिड तैयार की किसने? कार्पेचिंको ने। ठीक है, अलग आजक प्रजाति की तैयार करने के लिए इसने दो अलग अलग प्रजाति कौन सी ली? एक तो इन्होंने लिया क्या? रेडिस। ठीक है, और रेडिस का क्रॉस किससे करवा दिया? केबेज से। ठीक है, रेडिस का क्रॉस किससे करवाया? तो F1 में इसको क्या मिला? रेडिस का क्रॉस केबेज से करवाया, तो इसको क्या मिला? रेफेनो, रेफेनो ब्रेसिका, रेफेनो ब्रेसिका इनको क्या मिला? इनको F1 हाइब्रिड मिला। तो कार्पेचिंको ने इंटर स्पेसिफिक, तो रेडिस और केबेज अलग अलग है,
दोनों अलग अलग स्पीसी से इनका क्रॉस करवा के रेफेनो ब्रेसिका डेवलप किया गया। तो ये बता, रेफेनो ब्रेसिका किसका क्रॉस है, क्वेश्चन बनता है, तो रेडिस और केबेज का क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है। दो अलग अलग किसने डेवलप किया, कार्पेचिंको ने डेवलप किया, ठीक है। कॉल क्रॉप के अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी बेसिक चीजें हमने डिस्कस की, अब बात आती है इसके क्रॉप पे, ठीक है, क्रॉप पे बात आती है। यहां पे हम पढ़ेंगे पहले कॉलीफ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर जो है ना बच्चों, किससे बना है, वाइल्ड केबेज के फ्लावर से बना है। अब ये कौन सा वर्ड है, ये एक तरीके का लेटिन वर्ड है, ठीक है। हिंदी में फूल गोभी बोलते हैं। अब थोड़ा बहुत तो इंग्लिश पढ़ना सीख जाओ बच्चों, क्योंकि हिंदी में बड़ी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना हिंदी वाले, वो गूगल ट्रांसलेट से बनाए जाते हैं जनरली, और वहाँ पर अर्थ का अनर्थ होता है, ठीक है। और आपको भी पता है कि अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होती है तो इंग्लिश वाला ही कंसिडर किया जाता है, इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। तो टर्मोलॉजी एटलीस्ट आप इंग्लिश में पढ़ना सीखें। तो केबेज जो है कौन सा वर्ड है, लेटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है। लेटिन वर्ड कौन सा, तो एक होता है कोलिज और एक होता है फ्लोरिज, ठीक है। कोलिज का मतलब हो गया वही केबेज, कोलिज का मतलब क्या होता है, केबेज मतलब वही वाइल्ड केबेज से लिया हुआ, और ये हो गया फ्लावर। तो वाइल्ड केबेज से लिया हुआ फ्लावर जो है वो हो गया कोली फ्लावर, ठीक है। अब ये तो बेसिक थी जानकारी, कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, पर बता दिया मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ें क्या समझनी है हमको, क्या समझनी है कि यहाँ का इसका हमने फैमिली क्रूसीपेरी होगा, क्रोमोसोम नंबर 18 होगा, ओरिजन मेडिटेरियन रीजन होगा, ये सब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसका प्रोटोएंड्री इसमें भी पाई जाती है। ऑलमोस्ट लगभग लगभग सारी चीज़ें जो हमने कॉलीफ्लावर की कहाँ डिस्कस कर ली, ऊपर ही कॉल क्रॉप में डिस्कस कर ली। अब बची क्या चीज़ है, कुछ मेजर मेजर चीज़ें हैं जो बची, वो हमको डिस्कस करना है। अब मेजर मेजर चीज़ें में क्या है, जैसे इसका कौन सा भाग खाया जाता है, तो कड़ खाया जाता है। तो अब यहाँ पे जैसे स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, कितना टेम्परेचर इसके लिए फेवरेबल होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस की जाती है, सीड रेट क्या है, वेराइटी क्या है, बस वो देखना है। देखो सबसे पहली चीज मैं इसमें बता दूं ना, इसमें एक प्रोसेस होती है ब्लांचिंग, ठीक है। कौन सी प्रोसेस, ब्लांचिंग की प्रोसेस होती है, ब्लांचिंग। ब्लांचिंग का मतलब होता है कर्ड को सन से, सूर्य के प्रकाश से कवर करना, सूर्य के प्रकाश से बचाना, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम द सन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम द सन, सूर्य से जो कर्ड है उसको बचाना, ठीक है, सूर्य से कर्ड को बचाना। सनलाइट कर सकते हो, सनलाइट लिखो, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से कर्ड को बचाना। क्यों करते हैं ऐसा, देखो सूर्य के प्रकाश से कर्ड को बचाना ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो कॉलीफ्लावर होता है, ठीक है, ये कॉलीफ्लावर जो होता है हमारा, ये अगर मान लो इस तरीके से पत्ते हैं उसके, इसमें ठीक है, ये इस तरीके से पत्ते हैं उसमें, ये हमारा कॉलीफ्लावर है, ठीक है, जैसा भी बना समझ लो। अब ये इस तरीके से होते हैं इसके पत्ते। अब यहाँ पे जैसे सन की लाइट डायरेक्ट इसके ऊपर आएगी, इसके ऊपर आएगी, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर जो कॉम्पैक्टनेस है वो खत्म हो जाएगी। ये कई सारे जो है फ्लावर से मिलकर बना होता है, कई सारे छोटे 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 कड़ होते हैं, फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक तो ये क्या हो जाएगा, इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। क्वालिटी मतलब ये आप बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्टनेस इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब जो एकदम टाइट है, कम हो जाएगी, कॉम्पैक्टनेस की कम हो जाएगी। मतलब क्या होता है, फूल का वो भी एकदम पूरा खिला हुआ है, टाइट है, वो कम हो जाएगा। मतलब वो आप देखोगे तो हल्के हल्के से उसमें जो है आपको गैप देखना शुरू हो जाएगी, और वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट से क्या हो जाएगा, व्हाइट से येलो कलर का हो जाएगा, व्हाइट से येलो कलर का हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, उसमें कॉम्पैक्टनेस कम हो जाएगी, व्हाइट से येलो कलर का हो जाएगा, क्वालिटी उसकी खराब हो जाएगी, तो मार्केट में रेट अच्छा नहीं मिलेगा, प्राइस अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लांचिंग करते हैं। ब्लांचिंग में क्या करते देते हैं, सूर्य की रोशनी से बचाते हैं। तो सूर्य की रोशनी बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको किसी भी पार्ट से क्या करते हैं, कवर करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ से इसको कवर करते हैं, ठीक है,
ताकि इसको सूर्य की रोशनी से बचाया जा सके। लेकिन अब इसके लिए क्या किया, अब ये सारी समस्या थी, इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, ऐसी वेराइटी डेवलप कर दी जिसमें सेल्फ ब्रांच प्रोसेस होती है, मतलब वो खुद ही अपने आप को ब्रांच कर लेती है, ऐसी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, ऐसी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं इस तरीके से। तो क्या होता है कि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं आ पाती है और वहाँ पर जो है उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है, सेल्फ ब्रांच हो जाती है। तो याद रखना सेल्फ ब्रांच वाली कौन सी है, तो जितनी भी लेट वैरायटी है वो क्या होती है, सेल्फ ब्रांच या ब्लांच होती है, सेल्फ ब्लांचिंग उसमें होती है, मतलब वो खुद ही ब्लांचिंग कर लेती है। और जो अर्ली है, अर्ली वैरायटी है, उनमें ब्लांचिंग करनी पड़ती है, ठीक है, ब्लांचिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो याद रखना जो लेट वाली है, जो सेल्फ ब्रांच, जैसे स्नोबॉल हो गया, पूसा हिम ज्योति हो गया, ये अपने आप ही पत्तियां इनकी बड़ी हो जाती है तो वो सेल्फ ब्रांच ऑटोमेटिकली कर लेती है और अपने कड़ को बचा लेती है सूर्य से। लेकिन जो अर्ली वाली होती है, जैसे पूसा क्या आती है, अर्ली सिंथेटिक हो गई, ठीक है, अपनी अर्ली पटना हो गई, ठीक है, और कौन सी है, अर्ली केतकी है, मतलब पूसा केतकी है, पूसा कार्तिक है और पूसा दीपाली है, ये ऐसी है जो क्या है, अर्ली वैरायटी है, इनमें ब्लांचिंग हमें करना पड़ेगी, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने ब्लांचिंग के बारे में समझा है। खाने वाला भाग कौन सा, इसका कर्ड, इसका जो है खाने वाला भाग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको कितना रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, और स्टोरेज के लिए कितना टेम्परेचर इसको चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर बात करें देखो, मैंने बताया था कि जिनका भी हम फल खाते हैं, जिन भी वेजिटेबल का फल खाते हैं उनको छोड़कर बाकी जितनी भी है वो सारी क्या होती है, कोल्ड सीजन में होने वाली क्रॉप है, उनको ठंडा अच्छा लगता है। जैसे कि अब जैसे मैं बात करूँ फल खाने वाली कौन सी है, जैसे टमाटर फल है, टमाटर हम फल में गिनते हैं, ब्रिंजल है जिसका हम फल खाते हैं, भिंडी है जिसका फल खाते हैं, कुकरवीट से जिनका फल खाते हैं, ये सारी कब होती है, ये गर्मी के टाइम में होती है, जिनको वार्म सीजन पसंद होता है ये ऑलमोस्ट हम गर्मी के टाइम लगाते हैं। लेकिन जितनी भी फल के अलावा जो भी हम पार्ट खाते हैं, किसी की पत्ती खाते हैं, किसी का हम रूट खाते हैं, ठीक है, किसी का तना खाते हैं, तो वो सारी क्या होती है, वो उनको ठंड पसंद होती है, तो ऑलमोस्ट सीधी सी बात है वो ठंड के में ही क्या होगी, ग्रो लगाई जाएगी या ठंड में लगाते हैं उनको। तो टेम्परेचर इनके लिए जो है फेवरेबल होता है वो ऑब्वियसली बात है कितना होना, 17 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 18 से जो 22 डिग्री मैं बता देता हूँ, 18 से लेके 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है वो फल के अलावा जो भी क्रॉप, जो भी पार्ट हम खाते हैं क्रॉप का, वो सारी जो है क्रॉप किसमें, किस टेम्परेचर में आ जाएगी, 18 से 22 में, ठीक है। फल के अलावा जो भी हम खाते हैं, ठीक है, चाहे पत्ती खाते हैं, तना खाते हैं, रूट्स खाते हैं, फल के अलावा वो सारी क्रॉप्स कहाँ आ जाएगी, 18 से 22 टेम्परेचर के अंदर आ जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 17 से 20। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें तो स्टोरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग 85 to 95%। यहाँ पे भी स्टोरेज टेम्परेचर सेम है, ठीक है, स्टोरेज टेम्परेचर सेम पे क्या 0 डिग्री यूज करेंगे, इसमें फल के अलावा जो भी हम पार्ट खाते हैं, फल के अलावा, फल वाली जिनका हम फल खाते हैं उन क्रॉप को आप छोड़ दो, और बाकी जिनका हम रूट्स खाते हैं, तना खाते हैं, ट्यूबर खाते हैं, पत्ती खाते हैं, वो सब किस में आ जाएगी, स्टोरेज, उनको हम स्टोर करेंगे 0 डिग्री पर, ठीक है। जैसे पोटेटो में 10 से 15 पे करते हैं और कोल्ड स्टोरेज में 2 से 3 पे करते हैं, उनको छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे यह चीज़ आपको समझ में आ गई, स्टोरेज टेम्परेचर यहाँ पे कितना हो गया इसका, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, क्योंकि ये ठंड पसंद करती है, ऑब्वियसली बात है 0 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से ये हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, सीड तैयार अगर हमें करना है, ठीक है, अगर ये तो हमने सीड कभी तैयार या हमने देखा भी नहीं होगा वो प्रोसेस की सीड तैयार कैसे होती है, मैं बता देता हूँ आपको। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये क्या है, ये बना देता हूँ जैसा भी, ये समझ जाना, ठीक है। ये मान लो हमारा यहाँ पे पत्ता फूल गोभी जो है लगा हुआ है, ठीक है, फूल गोभी लगा हुआ है, ये हमारा फूल गोभी, ठीक। अब यहाँ पे हम जब ये फूल गोभी लग जाती है तो हम इसको निकाल लेते हैं, मार्केट में बेच देते हैं या सब्जी बना के खा लेते हैं, बाकी जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको उखाड़ के हम चारे के रूप में पशुओं को खिला देते हैं या जो है फेंक देते हैं, क्लियर है। लेकिन जब हमें क्या करना है, सीड प्रोडक्शन करना है, ठीक है, बीज उत्पादन करना है, बीज का उत्पादन अगर हमें करना है तो क्या करते हैं, बीज उत्पादन करने में, बीज उत्पादन करने के लिए हम यहां क्या करते हैं, बीज से, जैसे कि ये कई सारे छोटे छोटे
फूड्स होते हैं, बीच में से इसको यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। ये बीच में से मान लो मैंने यहाँ पे कर्ड को निकाल लिया, एक चम्मच यहाँ पे ली और एक चम्मच भर के इसको निकाल दिया, ठीक है। ये इसको एक चम्मच भर के मैंने इसको ऐसे ऐसे नहीं निकालेंगे, थोड़ा छोटा करने दो। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ से इसको इतना निकाल दिया, ठीक। यहाँ से हमने क्या किया, इसको इतना निकाल दिया, इतना निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कट इस तरफ है, थोड़ा सा कट इस तरफ, बीच में से हमने ऐसा एक चम्मच भर के ऐसा निकाल दिया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे हम इसको निकाल देते हैं ना, निकालने के बाद यहाँ पर क्या होता है, अब इसको हमने निकाल दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये एक तना निकलना शुरू हो जाएगा, ये इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से निकलेगा तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएंगे, फ्लावर आ जाएंगे, ठीक है, फ्लावर आ जाएंगे। और इन फ्लावर से क्या बनेगा, इन फ्लावर से बनेगा फ्रूट, फल बनेगा, ठीक है, फल बनेगा। और फल से क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। और इस तरीके से सीड का प्रोडक्शन होता है। अब ये सीड का प्रोडक्शन की प्रोसेस क्या कहलाती है, जो हमने यहाँ पे कड़ को हटाया, जैसे मान लो कि बहुत टाइट घी, घी जो है कटोरी के अंदर बहुत टाइट जमा हुआ है, हम क्या करते हैं, चम्मच ऐसे भर के निकालते हैं, ठीक है। तो बीच में क्या होता है, गड्ढा हो जाता है, जैसे आइसक्रीम में, अगर आपने डब्बे में आइसक्रीम खा रहे हो तो आप ऐसे भर के चम्मच से निकालते हो, किससे निकालते हो, स्पून से, स्पून से निकालते हो चम्मच, ठीक है, स्पून से निकालते हो तो बीच में गड्ढा हो जाता है। वैसे यहाँ पे कड़ को इस तरीके से निकाल देते हैं, फिर यहाँ से क्या है, ये तना शुरू हो जाता है और ऊपर फ्लावर आ जाता है, फ्लावर से फिर फ्रूट से सीड बनता है। तो ये लगभग कितना समय और लग जाता है, 3 महीने और लग जाते हैं इसमें, ठीक है। ये कड़ बनने के बाद 3 महीने और लग जाते हैं, ठीक है। मान लो आपने मई जून में इसको ग्रो किया, ठीक है, मई जून में आपने इसको लगाया, तो ये हमें कब देता है, अगस्त सितंबर में हमें क्या देता है, कर देता है। इसके बाद 3 महीने और ले लो तो लगभग दिसंबर जनवरी में हमें क्या मिलते हैं, सीड मिलते हैं, ठीक है। मई जून में आप लगा रहे हो तो हमें अगस्त सितंबर में ठंड के टाइम में ये देगा। ये मई जून वाली अर्ली वेराइटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अर्ली वाली की बात कर रहा हूँ। वैसे तो जुलाई अगस्त में लगाते हैं मध्यम वाली, अक्टूबर नवंबर में लेट वाली लगाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो इसको मतलब याद रखना कि बीज बनने में और 3-4 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ से हमने एक स्पून भर के निकाला, तो मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सीड बनने की जो प्रोसेस है, ठीक है, ये कड़ से सीड बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्कूपिंग। याद रखना, क्या कहते हैं इसको, स्कूपिंग। इतना बताने का मतलब यही था, सीधे स्कूपिंग लिखा देता मैं, स्कूपिंग बोल सकते हैं कि स्कूपिंग जो है वह स्कूपिंग जो प्रोसेस है किससे संबंधित है, कॉलीफ्लावर से। डायरेक्ट बता देता है कि स्कूपिंग जो है वो कॉलीफ्लावर से संबंधित है, लेकिन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि स्कूपिंग मतलब क्या है, सीड प्रोडक्शन करना। कैसा, सीड प्रोडक्शन करना। स्कूपिंग का मतलब होता है सीड प्रोडक्शन करना, पर कैसे, तो स्कूपिंग का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल ऑफ कड़, ठीक है, कड़ को रिमूव करना। स्कूपिंग क्या कहलाता है, कड़ को रिमूव करना, ठीक है, कड़ को रिमूव करना, किसके लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड, ठीक है। स्कूपिंग का मतलब आ गया सेंटर पोर्शन से कड़ को रिमूव करना, ताकि वहां पर क्या आ जाए, ये फ्लावर स्टॉक आ जाए। ये क्या है, ये फ्लावर स्टॉक है, क्या है, ये फ्लावर स्टॉक है, क्या है, डंठल है, फूलों का डंठल, ठीक है, क्या है, ये फूलों का डंठल है, फूलों का डंठल है। तो हम स्कूपिंग क्यों करते हैं, हम कड़ को यहां पर हटा देते हैं ताकि क्या आ जाए, यहां पे फ्लावर स्टॉक आ जाए, फूल आ जाए, फूल से हमें क्या मिल जाएगा, फ्रूट, फ्रूट से हमें क्या मिल जाएगा, सीड मिल जाएगा। तो स्कूपिंग का मतलब पूछा जाएगा कि स्कूपिंग प्रोसेस किस क्रॉप में करते हैं, तो कॉलीफ्लावर में करते हैं। स्कूपिंग का मतलब पूछा जाए कि क्या होता है, तो याद रखना, कड़ को रिमूव करना ताकि वहां पर फूलों का डंठल आ जाए, जिससे हमें फूल मिले, फूल से हमें क्या मिले, फ्रूट मिले, फल मिले, फल से हमें क्या मिले, सीड मिले। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक की पूरी कहानी आपको क्लियर है या, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसमें, इसकी वेराइटीज की बात कर लेते हैं, या इसमें थोड़ा सा नर्सरी वाला पोर्शन भी आप देख सकते हो, नर्सरी कैसे, इसमें कितना एरिया हम रखते हैं, या नर्सरी कॉल क्रॉप में ही लिख लेना, मैं बता देता हूँ, कॉल में कर लेना, ठीक है, कॉल क्रॉप में कर लेना। नर्सरी जो है लगभग 250 मीटर स्क्वायर एरिया लगभग चाहिएगा 1 हेक्टेयर के लिए, और रोपण, रोपण या ट्रांसप्लांटिंग जिसको हम बोलते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कितने में करेंगे, तो लगभग 3 से 4 सप्ताह में
इसको हम मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो ये पूछा जाता है कि केबेज या कॉलीफ्लावर या कोल क्रॉप की जो है नर्सरी तैयार करते हैं उसके लिए एरिया, डाइसोमीटर स्क्वायर एरिया और कितना टाइम उसको होता है तैयार करने में, मेन फील्ड में ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है, लगभग एक महीना मतलब 3 से 4 सप्ताह में इसको हम मेन फील्ड के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए अभी मैंने बोला ना ब्लांचिंग, इसलिए फूल गोभी जो होती है वो क्या होती है, थर्मोसेंसिटिव होती है। थर्मोसेंसिटिव क्यों होती है, थर्मोसेंसिटिव वर्ड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा आपको, जब भी आप बुक में से भी पढ़ोगे तो आपको ऐसा एक वर्ड मिल जाता है कि कॉलीफ्लावर जो है वो थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है। थर्मोसेंसिटिव का मतलब तापमान और प्रकाश के प्रति संवेदनशील, ठीक है, तापमान या बोल सकता हूं प्रकाश के प्रति संवेदनशील, तापमान और प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, इसका मतलब ये होता है। तो अभी हमने पढ़ा ना कि ज्यादा लाइट अगर उस पर पड़ा, टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, मतलब उसमें क्या हो जाएगी ब्लांचिंग। इसीलिए हम कर रहे हैं कि सन की लाइट डायरेक्ट ना पड़े, डायरेक्ट उस पर पड़ेगी तो क्या होगा, कड जो है पीला पड़ जाएगा, कॉम्पैक्टनेस खत्म हो जाएगी। ज्यादा अगर उसमें टेम्परेचर हो गया तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से भी क्या होता है, कड जो है वहां पर छोटा रह जाता है, स्मॉल हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, 25 डिग्री टेम्परेचर से ज्यादा हो गया तो कड छोटा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंडिंग, जिसको हम ब्लाइंडिंग भी बोलते हैं, ब्लाइंडिंग, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये हो जाता है, ठीक है, ब्लाइंडिंग मतलब कड़ जो है बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। एक बटनिंग भी होता है, वो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से होता है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से कड़ जो है छोटा रह जाता है, क्योंकि कड़ जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है, क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, नाइट्रोजन की कमी रहेगी तो नाइट्रोजन क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। कड़ यहाँ पे फल नहीं है, फूल नहीं है, क्या है, वो फूल से बना हुआ भाग है, तो वो क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है, तो नाइट्रोजन की कमी होगी तो वेजिटेटिव पार्ट नहीं बढ़ेगा, तो नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग होता है, ब्लाइंडिंग होता है, टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर की वजह से या हाई टेम्परेचर की वजह से ब्लाइंडिंग होता है। तो तापमान अगर कम ज़्यादा हुआ, तापमान अगर ज़्यादा हो गया या प्रकाश ज़्यादा हो गया, लाइट ज़्यादा पड़ी तो वो येलो कलर का हो जाएगा, छोटा रह जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो थर्मोसेंसिटिव टर्म जो है वो कॉलीफ्लावर के लिए हम पढ़ते हैं। और क्या चीज़ है इसमें, अब सीधे आते हैं वैरायटी पर। वैरायटीज पर, किस्मों पर, तो इसमें आती है सबसे पहले अगेती, अगेती किस्म, ठीक है। अब मैं यहां पे सीड रेट भी साथ में बता दूंगा आपको, ठीक है, सीड रेट भी साथ ही साथ में बताऊंगा आपको, अलग से नहीं बताऊंगा, सीड रेट भी यहीं बताऊंगा, ठीक है। किस्म के साथ मैं आपको यहां पे सीड रेट भी बताते जाऊंगा, इनकी क्या है, बीज दर भी बताऊंगा। देखो अगेती किस्म जो है, अगेती किस्म, अब इसको अगेती जो है ये हम कब परिपक्व होगी, इसको लगाएंगे कब, देखो तो इसको हम प्लांट कब करेंगे, मतलब कब करेंगे इसको, मई जून में, मई जून में, ठीक है। और हार्वेस्ट कब करेंगे, हार्वेस्ट हम इसको करते हैं लगभग ले लो अगस्त सितंबर में इसको हम हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगस्त सितंबर में इसको हम करेंगे, मई जून में इसको हम लगाएंगे, क्लियर है। सितंबर अक्टूबर, हाँ वही सीधी सी बात है, अगस्त सितंबर या सितंबर अक्टूबर कर लो, सितंबर से अक्टूबर में इसको हम हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ हम कर रहे हैं सोइंग, बुआई करेंगे, और यहाँ हम करेंगे हार्वेस्ट, समझ जाना, ठीक है। सोइंग कर रहे हैं मई जून में, हार्वेस्ट कर रहे हैं हम सितंबर अक्टूबर में। अब यहाँ मैंने क्या बोला कि खाने वाला जो फल है, फल के अलावा जिस क्रॉप का हम फल खाते हैं उनको छोड़ के बाकी जितनी भी है जिनका हम फल के अलावा, जैसे रूट खाते हैं, स्टेम खाते हैं, लीफ खाते हैं, ये सब, इन सबको क्या पसंद है, ठंड पसंद है, ये ठंड में अच्छे से ग्रो करती है। लेकिन यहाँ पे अगेती किस्म है जो इसको हम मई जून में लगा रहे हैं, और मई जून में कड़ाके की गर्मी होती है, सीधी सी बात है, क्या होती है, कड़ाके की गर्मी होती है। तो इस ऐसे अगेती किस्म जो है जहाँ पर कड़ाके की गर्मी होती है, तो ये कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पर सीड रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि भाई इसको चाहिए ठंड, लेकिन ये गर्मी में हम यहाँ पे शोइंग कर रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और टेम्परेचर के प्रति ये संवेदनशील होती है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें सीड रेट ज़्यादा रखनी पड़ेगी। पर एक वैरायटी है, ठीक है, जो इसके लिए बेस्ट है, एक वैरायटी है जो इसके लिए बेस्ट है, वो वैरायटी कौन कौन सी है, या देखो अगेती की किस्म की बात करें तो हम यहाँ पे कौन सी है, तो पूसा सिंथेटिक, पूसा सिंथेटिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक, ठीक है, पूसा अर्ली सिंथेटिक, अर्ली लग जाए, ठीक है, और क्या आ जाएगा,
पूसा अर्ली सिंथेटिक, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा केतकी, पूसा केतकी, पूसा अर्ली दीपाली, पूसा सिंथेटिक, पूसा कार्तिक, पूसा केतकी, अर्ली कुमारी भी आ जाएगी, अर्ली पटना है जिसमें अर्ली लगाओ, ठीक है, इनको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, क्या लगाओ, अर्ली लगाओ, ये अगेती किस्म है। तो पूसा आपको याद क्या करनी पड़ेगी, तीन, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक और पूसा केतिक। अब देखो सितंबर अक्टूबर हमने बोला, तो सितंबर अक्टूबर, अब जैसे कि इस बार की बात करें 2022 की, तो दिवाली कब है, अक्टूबर महीने में ही है, कब है, अक्टूबर महीने में ही है, तो उससे आप याद रख सकते हो कि अक्टूबर में दिवाली आ रही है और अक्टूबर में दीपाली परिपक्व हो जाएगी, और दीपाली कौन से, अगर हिंदी का मन देखो तो कार्तिक महीने में आती है, तो पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा केतकी जो है अगेती किस्म है, अक्टूबर में ये हार्वेस्ट हम करते हैं, अक्टूबर में ये तैयार हो जाती है। 3 महीने पहले आप पीछे चले जाओ सितंबर से, जून जुलाई अगस्त, 3 महीने पहले, तो मई जून में इसको हम सोइंग करते हैं, क्लियर है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। मैंने बोला यहाँ पे कि ये मई जून में हम लगा रहे हैं, यहाँ पे कड़ाके की गर्मी होती है, तापमान बहुत ज्यादा होता है और ये तापमान को सहन नहीं कर सकती, तापमान के प्रति संवेदनशील होती है, अभी हमने पढ़ा थर्मो सेंसिटिव होती है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सीड्रेट क्या लेनी पड़ेगी, ज्यादा लेनी पड़ेगी सीड्रेट जो है, यहाँ पे ज्यादा लेनी है, तो लगभग यहाँ पे जो सीड्रेट होती है वो 500 से लेके 600 या कई बार आपको 700 भी देखने को मिल जाएगा ग्राम पर हेक्टेयर, इसके सीड्रेट है 500 से लेके 600 या 500 से 700 भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर एक साथ अगर पूछा जाए तो मैं लगभग आपको बता दूं 300 से लेके लगभग 700 तक आप देख सकते हो, 300 से 700 ओवरऑल, कई बार 400 से 700 भी मिल जाएगी ऑप्शन में, ऑप्शन थोड़ा बहुत वेरी करता है, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे समझ कर चलना पड़ेगा, और ये कॉन्सेप्ट है आपको रटना नहीं, ये कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या बोला कि कॉलीफ्लावर जो होता है वो तापमान के प्रति संवेदनशील होता है, सीधी इस बात, तापमान इसको क्यों, क्योंकि ये ठंड सहन कर, ठंड में होने वाली क्रॉप है, इनको ठंड पसंद है, हम मई जून में लगा रहे हैं, सीधी सी बात, अगेती वाली किस्म, अब मई जून में लगा रहे हैं, तापमान मई जून में भयंकर होता है, तो ये सहन नहीं कर पाएगी, मतलब अगर आपने 100 बीज डाले तो 60 ही उगेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीड्रेट ज्यादा रखनी पड़ेगी, तो वैसी बात है इसमें सीड्रेट ज्यादा होगी, क्लियर है। दूसरी बात करते हैं, यह कॉन्सेप्ट से पढ़ना है हमें तो चीजें को हम जल्दी समझ पाएंगे। दूसरी जो है मध्यम वाली ले लो या लेट वाली, हाँ ठीक है मध्यम ले लो, मध्यम किस्में, अब मध्यम किस्में अब कब लगाइए, मध्यम किस्में हम लगाते हैं कब है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है अक्टूबर नवंबर में इसको हम लगाएंगे तो हमें प्रोडक्शन कब मिलेगा, मध्यम वाली हम नहीं, अक्टूबर नवंबर में तो ये परिपक्व हो जाएगी, ठीक है, इसको हम हार्वेस्ट कब करेंगे, नवंबर में, ठीक है नवंबर में हार्वेस्ट करेंगे, 3 महीने पहले चले जाओ, अक्टूबर सितंबर अगस्त, मतलब इसको हम कब लगाएंगे, जुलाई अगस्त में, बारिश वाला टाइम जुलाई अगस्त में इसको लगाएंगे, ये नवंबर में तैयार हो जाएगी। अब देखो ये तो जुलाई अगस्त मतलब बारिश का टाइम है, वैसे ही टेम्परेचर कम हो गया नवंबर में, तो यहाँ पर सीड रेट क्या हो जाएगी, यहाँ पे सीड रेट जो है 350 से लगभग 400 ग्राम पर हेक्टेयर, थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, 350 से 400 रहेगी। इसमें जो है मध्यम में, मध्यम में अगर आप वेराइटीज की बात करो तो इसमें वेरायटी कौन कौन सी आ जाएगी, तो इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है, पूसा शरद याद रख लीजिए, पूसा शरद आप याद रख लीजिए बस, और पूसा अगहनी, पूसा अगहनी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लीजिए, बस सीड्रेट जरूर याद रखना है, ठीक है सीड्रेट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, अब आती है पछेती, पछेती मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है पछेती या लेट वेराइटी जो है, लेट पछेती या लेट अगर हम बात करें तो ये जो है कब हम मिलती है, ये हमें कब परिपक्व होती है याद रखना, ये जो परिपक्व होती है ये जनवरी में परिपक्व हो जाती है, याद रखना कब परिपक्व होती है, ये जनवरी में परिपक्व होती है, ठीक है जनवरी से अप्रैल तक बोल सकते हो, तो ये जनवरी से लेकर लगभग अप्रैल तक का समय चला जाता है परिपक्व होने, तो इसको कब लगाएंगे, 3 महीने पहले चल जाओ, तो दिसंबर नवंबर अक्टूबर लगभग सितंबर अक्टूबर में इसकी शोइंग करते हैं और ये जनवरी और अप्रैल तक चली जाती है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल मौसम बिल्कुल जो जैसा उसको चाहिए वैसा ही है ना, नवंबर बिल्कुल अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं, बिल्कुल इसको ठंड पसंद है, वैसे ही टेम्परेचर यहाँ पर है, यहाँ वैसे ही यहाँ पर ठंड इसको मिलने वाली है, तो इसकी जो सीड रेट है और कम हो जाएगी 300 से लेके 400 ग्राम पर हेक्टेयर, इसलिए मैंने 300 से 700 लिखा एवरेज, तो तीनों में अलग है, सबसे कम इसमें ले, देखो अब सबसे कम है सबसे फेवरेबल है, तो इसका जो प्रोडक्शन है उपज है यील्ड है वो सबसे ज्यादा होगी, इसकी यील्ड जो है हाईएस्ट रहेगी, ठीक है इसकी यील्ड जो है मीडियम और उसकी जो यील्ड है वो सबसे कम रहेगी, ठीक है इसकी जो यील्ड है, इसकी जो यील्ड है
लो प्रोडक्टिविटी या लो यील्ड रहेगी। मान लो इसकी यील्ड अगर 20 क्विंटल आ रही है तो इसकी यील्ड लगभग 5 से 10 क्विंटल ही रहेगी, ठीक। लेकिन फायदा कौन सी लगाने में है? अगर आप किसान हो तो आपको कौन सी लगानी चाहिए, पछेती या अगेती? आपको अगेती लगानी चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि ये आ जाती है सितंबर अक्टूबर में, मतलब पहली बार आप गोभी कब खाओगे? सितंबर अक्टूबर में। और पहली बार जब मार्केट में आएगी तो सब लोग शौक से खाते हैं, शौक से खाते हैं, तो शौक से खरीदते हैं। भले 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो भी होगी तो भी खरीदेंगे, उस समय हमें रेट मिल जाता है। और जब खाते 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 दिसंबर जनवरी में आ जाओगे, खा के लोग बोर हो जाएंगे। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द किसान यही लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, ज़्यादा ये लगाएंगे तो यहाँ 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये किलो बिकेगी। अभी अभी का टाइम क्या चल रहा है? अभी चल रहा है अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में अभी मार्केट में देखो गोभी लगभग 40 से 50 रुपये किलो मार्केट में बिक रही है, फार्मर बेच रहा है 40 रुपये किलो, आप लेने जाओगे लगभग 50 से 60 रुपये किलो मार्केट में मिल रही है गोभी। तो ये अर्ली वेरायटी है, ठीक है, अर्ली वाली है जो मार्केट में इनका अच्छा रेट मिल रहा है। प्रोडक्शन भले कम है लेकिन रेट जो है 2 से 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन रेट उससे 10 से 20 गुना कम रेट आपको मिलेगा, तो वो है। हालांकि अगर अब यहाँ पे ज़्यादा किसान अगेती में लगाने लगे तो यहाँ पे रेट कम हो गया, बात वही है, ठीक है। तो पछेती की जो वेरायटी है वो कौन कौन सी है? और पछेती का मैंने एक चीज़ आपको बताई थी क्या, कि पछेती जो वेरायटी होती है वो क्या होती है? सेल्फ ब्लांच होती है, सेल्फ ब्लांच्ड होती है। इनमें क्या होता है? ब्लांचिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? पूसा स्नोबॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूसा स्नोबॉल, मोस्ट एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा भी जाता है। पूसा हिम ज्योति, हिम ज्योति, ये अब बस आप दो याद रख लो, पूसा स्नोबॉल और पूसा हिम ज्योति जो है मध्यम किस्म की वेरायटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पूसा सिंथेटिक भी इसमें लिख लेना, एक पूसा अर्ली आए तो वो वहां चला जाएगा और पूसा सिंथेटिक आ जाए, सिर्फ पूसा सिंथेटिक तो वो पछेती हो जाएगी। सिंथेटिक आ जाए, स्नोबॉल आ जाए तो ये आ जाएगी आपकी पछेती में, और पूसा अर्ली सिंथेटिक आए तो वो आ जाएगी उसमें अगेती में, क्लियर है। तो ये हमने कॉलीफ्लावर पढ़ा, कॉलीफ्लावर के बाद हम क्या देखेंगे? केबेज देखेंगे। केबेज इसका बॉटनिकल नेम कैपिटाटा होता है, जो कॉल ग्रुप में पढ़ा, क्रोमोसोम नंबर 18 सबके होते हैं, फैमिली क्रूसीफेरी होती है, इसका एडिबल पार्ट हेड होता है, हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट किया। और इसका जो फ्रूट टाइप होता है सिलिकोआ होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ओरिजन इसका मेडिटेरियन रीजन होता है, ये सारा कुछ हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था, यहाँ पर डबल से डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर डिस्कस करने वाली चीज़ें क्या हैं? पहली बात तो इसमें क्या बनता है? हेड, जो खाने वाला भाग क्या है? हेड है। तो हेड का, हेड फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? हेड फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर, फॉर्मेशन मतलब बनने के लिए टेम्परेचर इतना चाहिए। तो इसके लिए टेम्परेचर चाहिए हमें 15 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस हेड बनने के लिए। दूसरा, सीड जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? सीड जर्मिनेशन के लिए, बीज अंकुरण के लिए, बीज अंकुरण के लिए टेम्परेचर की अगर बात करें कितना टेम्परेचर चाहिए बीज के अंकुरण के लिए? 12 से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए बीज के अंकुरण के लिए, क्लियर है। इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो ट्रांसप्लांट करने के लिए इसमें कंडीशन दी है, क्या होनी चाहिए? 4 to 6 leaf stage, 4 से 6 पत्ती अवस्था, ठीक है। पर क्या करते हैं इसको? ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं या को रोपाई करते हैं, ठीक है। 4 से 6 पत्ती अवस्था उसकी हो जाती है, मतलब इस पे मतलब 1, 2, 3, 4 या 4 से ज्यादा पत्ती अगर आपको दिख जाए तब इसको हम क्या करते हैं? मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ठीक है, मेन फील्ड के अंदर इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और ये किससे बनाता है? पत्ती से बना हुआ, ये पत्ती का रूपांतरण, हमने बोला है कि वाइल्ड के बस से पत्ती का रूपांतरण से ये बनता है, क्लियर है। अब यहां पर मैंने भी क्या बोला था, एक चीज और क्या बोली थी, जैसे है ना, ये हमारी जो है पत्ता गोभी है, ये इस तरीके से होती है। अब इससे हमें क्या लेना है? हेड टू सीड, ये हेड है, हेड है, हेड से हमें क्या लेना है? सीड लेना है, ठीक है। हेड से सीड लेने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? इसमें प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम पूछा जाता है, उसको बोलते हैं स्टंपिंग। क्या करते हैं? स्टंपिंग करते हैं, स्टंपिंग इसमें की जाती है। जैसे कॉलीफ्लावर में क्या किया था? स्कूपिंग, इसमें स्टंपिंग की जाती है, ठीक है, स्टंपिंग की जाती है, क्लियर है। इस कड़ को निकाल लेते हैं, स्टंपिंग कैसे करते हैं बताता हूँ, कैसे करते हैं। इस कड़ को निकाल लेते हैं, ठीक है, इस कड़ को निकाल के रख लेते हैं 10 से 15 दिन बाद। इसको क्या करते हैं? वापस जमीन के अंदर लगाते हैं। जमीन के अंदर लगाने से पहले इसमें क्या करते हैं, ठीक है,
इसको निकाल लेते हैं, वापस जमीन के अंदर लगाते हैं। जमीन के अंदर लगाने के लिए यहाँ पर इसको चीरा लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, ये गैप कर देते हैं, इसमें चीरा लगा देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर ये चीरा लगा देते हैं, इस तरीके से यहाँ पर चीरा लगा देते हैं। अब चीरा लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या जाते हैं, फ्लावर स्टॉक, ये क्या जाते हैं, फ्लावर स्टॉक, फ्लावर स्टॉक इसमें आ जाते हैं, डंठल आ जाते हैं, और यहाँ पर क्या बन जाता है, फ्लावर, और फ्लावर से क्या बनेंगे, फ्रूट बनेंगे, और फ्रूट से हमें क्या मिलेगा, सीड मिलेगा। इसको बोलते हैं स्टम्पिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टम्पिंग। तो हेड टू सीड बनने की जो प्रोसेस है वो स्टम्पिंग कहलाती है। किसमें, केबेज के अंदर कैसे करते हैं, उसका जो कर्ड है मतलब हेड है, इसको हेड को निकाला, जमीन के अंदर लगाया, चीरा लगाया, चीरा लगा के जमीन के अंदर लगाते हैं, वहाँ से फ्लावर स्टेम निकल आएंगे, फूल बनेंगे, फूल से फ्रूट बनेंगे, फल बनेंगे, फल से हमें क्या मिलेगा, बीज मिलेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टम्पिंग। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब इसमें बीज का उत्पादन कितना होता है, सीड प्रोडक्शन कितना होता है, सीड प्रोडक्शन कितना होता है, तो लगभग 5.5 से 6 क्विंटल पर हेक्टेयर, ये याद रखना, 5.5 से 6 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड प्रोडक्शन होता है। मैंने क्या बोला, सीड प्रोडक्शन होता है 5.5 से 6, जबकि कॉलीफ्लावर में हमने नहीं पढ़ा था, कॉलीफ्लावर में देख लो कितना होता है, कॉलीफ्लावर में कितना होता है, ये तो हो गया केबेज में, केबेज में, और कॉलीफ्लावर की बात करें सीड प्रोडक्शन की, कॉलीफ्लावर में सीड प्रोडक्शन होता है लगभग 2.5 से लेके 4 क्विंटल पर हेक्टेयर, जो है कॉलीफ्लावर में सीड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कॉलीफ्लावर में सीड का प्रोडक्शन होता है कितना, 2.5 से 4 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड का वहां पर प्रोडक्शन होता है, ठीक। अब यहाँ पे वो ज़्यादा कुछ नहीं हमें देखना है, बाकी सारी चीज़ें हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है बीज की कैपेसिटी के, कितना टेम्परेचर पर रखते हैं, कितने मिनट के लिए, किसी 10 मिनट को भी रखते हैं, 5 मिनट भी रखते हैं, 30 मिनट भी रखते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि कोई उसमें फंगस हो, जीवाणु वगैरह कुछ हो, ठीक है, इन्फेक्शन हो, वो सारा वहाँ से हट जाए, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं कॉलीफ्लावर में, याद रखना, ठीक। अब बात करते हैं इसके सीड रेट की, सीड रेट लगभग इसमें जो है, सीड रेट आप लगभग इसमें ले लो, अगर इसमें भी अगर हम डिफाइन करें तो लगभग 500 kg पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट होगी, 500 kg पर हेक्टेयर आप इसमें सीड रेट दे सकते हो, और जो अगर मान लो आप लेट वैरायटी ले रहे हो तो 350, यहाँ पे भी क्या है, अर्ली और लेट, ठीक है, पछेती और अगेती। देखो यहाँ पे पछेती और अगेती का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है, अगेती है ये और ये पछेती है। अगेती मैंने बोला, अर्ली मतलब पहले लगाएंगे, पहले मैंने क्या बोला, ये कूल सीजन क्रॉप है, कूल सीजन क्रॉप इसमें मतलब ठंड चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर हम पहले लगाएंगे मतलब मई जून में लगाएंगे तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, क्या सीड रेट ज़्यादा होगी, लगभग कितनी चाहिएगी, 500 ग्राम पर हेक्टेयर सीड चाहिएगी, और आप लेट लगा रहे हो तो लगभग 350 से 400 ग्राम पर हेक्टेयर सीड रेट यहाँ पर लगेगी। तो कॉन्सेप्ट वही है, सेम सीड रेट है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वैरायटी की बात कर लेते हैं, वेराइटीज या किसमें, तो पहले अगेती देख लेते हैं, अगेती कौन कौन सी है, अर्ली वेराइटी कौन कौन सी है इसमें, इसमें जो है अर्ली वेराइटी कौन कौन सी है केबेज के अंदर। देखो केबेज के अंदर अर्ली वेराइटी की अगर मैं बात करूं तो अर्ली वेराइटी जो है इसमें आती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उससे, कौन सी है, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी आ जाओ गोल्डन एकड़, ठीक है, और कंपेहेगन, ठीक है, कंपेहेगन, तीन वैरायटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और पूसा मुक्ता भी है शायद, पूसा मुक्ता भी इसकी वैरायटी है शायद, वो संकर वैरायटी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आपको कंफर्म मैं बता दूंगा, ठीक है, कंपेहेगन मार्केट और पूसा मुक्ता, मैं लिख देता हूँ देख लेना आप लोग, पूसा मुक्ता इसमें स्टार बनाते, तो अर्ली भी है और शायद हाइब्रिड भी है, और नंबर 5 इसमें एक्सप्रेस वैरायटी भी, एक एक्सप्रेस करके भी एक वैरायटी है, ये सारी अर्ली हो गई। अर्ली के बाद हाइब्रिड वैरायटी देख लो, हाइब्रिड में एक ही याद रखना आपको, पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता, ये क्या है, ब्लैक रोट रेजिस्टेंस है, ब्लैक रोट रेजिस्टेंस वैरायटी है, ठीक है, केबेज के अंदर ब्लैक रोट रखता है, उसके रेजिस्टेंस वैरायटी है, बस इतना ही याद रखना। और अगर आपको लेट में याद रखना हो, लेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट वैरायटी में याद रखना हो तो अगस्त, अगस्त जो है वैरायटी है, सितंबर, सितंबर भी क्या है,
सितंबर भी वैरायटी है, ये लेट की यात्रा को, अगस्त सितंबर जो है ये केबेज की वैरायटी है, ठीक है। तो ये वैरायटीज हो गई। अब थोड़ा बहुत कुछ इंसेक्ट पेस्ट और डिसऑर्डर देख लेते हैं। डिसऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट पेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसेक्ट पेस्ट अपन पैथोलॉजी में भी देख लेंगे, पर यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सभी क्रॉप के देख लिए हैं तो पैथोलॉजी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर की सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर डिसऑर्डर में, एक होता है बटनिंग। क्या होता है? बटनिंग। क्या होता है? बटनिंग। ये बटनिंग जो होता है, बटनिंग मतलब जो है बटन के आकार का हो जाता है। जैसे मान लो आए आपका गोभी का प्लांट है, ठीक है, सॉरी जैसे आपका गोभी का प्लांट है, ठीक है, जैसे आपका ये गोभी प्लांट, इसमें क्या होता है कि जो कट है वो छोटा सा रह जाता है, इतना छोटा सा ही रह जाता है, ठीक है। बटनिंग में क्यों हो जाता है? क्योंकि ये कट जो है ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट है, समझ में आया? ये एक वेजिटेटिव पार्ट है, ना तो ये फ्लावर है ना ही ये फल है। क्या है? ये फूल से बना हुआ भाग है, जंगली जो केबेज थी उसके फूल से बना हुआ भाग है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट है तो सीधी सी बात है इसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये छोटा रह गया, मतलब यहाँ पे किस चीज़ की कमी हो गई? नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से बटनिंग हो जाती है, छोटा रह जाता है। दूसरा आता है ब्लाइंडिंग या ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडिंग होती है, ब्लाइंडिंग जो होती है इसके अंदर वो लो टेम्परेचर की वजह से होती है। ब्लाइंडिंग नहीं, ब्लाइंडनेस, ठीक है। ब्लाइंडनेस मतलब अंधा हो जाता है, बोलते हैं ना ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस जो होती है वो लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर अगर हो गया ज़्यादा, वैसे तो इसको लो टेम्परेचर चाहिए, कम टेम्परेचर पर बहुत अच्छी हो, लेकिन टेम्परेचर अगर ज़्यादा लो, ज़्यादा लो मतलब इतना लो कि फ्रॉस्ट पड़ गया, ठीक है, पाला फ्रॉस्ट पड़ गया, या लो टेम्परेचर हो गया या पाला पड़ गया, तो वहाँ पर ब्लाइंडनेस आ जाएगी। ब्लाइंडनेस मतलब कट बनेगा ही नहीं, ठीक है, कट बनेगा ही नहीं। फिर होता है होलो स्टेम, ठीक है। होलो स्टेम जो होता है ये एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से, एक्सेस नाइट्रोजन की वजह से, मतलब नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से, अधिकता के कारण, अधिकता के कारण ये बनता है, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ये बनता है। होलो स्टेम का मतलब होता है जैसे हमने आलू में भी पढ़ा था, आलू क्या होता है, मतलब साइज तो बढ़ जाता है, नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई, लेकिन अंदर से वो खोखला रह जाता है। वैसे ही क्या होता है यहाँ पे, कड़ जो कड़ तो बनेगा, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, ये एक प्रकार स्टेम है, वो क्या हो जाएगा? खाली रह जाएगा, खोखला रह जाएगा। इसको नाइट्रोजन की एक्सेसता की वजह से ये होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होती है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, विप्टेल। विप्टेल जो होता है वो मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से, मोलिब्डेनम की कमी से होती है, क्लियर है। मोलिब्डेनम की कमी से क्या हो जाता है? मोलिब्डेनम की कमी से यहाँ पर विप्टेल डिसीज हो जाती है। विप्टेल के अलावा जो है इसमें क्लोरोसिस होता है, ठीक है, क्लोरोसिस होता है, वो किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से होता है, और एक ब्राउनिंग होती है बोरॉन की कमी से। क्या हो जाएगा नेक्स्ट जो है? क्लोरोसिस। क्लोरोसिस ये होता है मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से, मैग्नीशियम की कमी से होता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस मतलब पत्ते, पत्ते क्या हो जाएंगे? पीले पड़ जाएंगे। नंबर चेंज यहाँ होता है ब्राउनिंग। ब्राउनिंग होती है, ब्राउनिंग जो होता है ये बोरान की कमी से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्या है, इसके डिसऑर्डर है जो आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था क्या? डिसऑर्डर। अब यहाँ पे इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नाम बस लिख लो आप। एक होता है डायमंड बेक मॉथ। डायमंड बेक मॉथ, डायमंड बेक मॉथ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, ठीक है। डायमंड बेक मॉथ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। ये जो है एग्जाम में अक्सर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमंड बेक मॉथ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो डायमंड बेक मॉथ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। और प्लूटेला जेलोस्टेला इसका क्या है नाम है? प्लूटेला जेलोस्टेला। प्लूटेला जेलोस्टेला इसका नाम है। और ये जो मस्टर्ड है हमारा, इंडियन मस्टर्ड, ठीक है, उसमें ये लगभग 80-90% अटैक करता है। तो अगर मान लो आपने क्या किया, ये आपका फील्ड है, ठीक है, इस फील्ड के चारों ओर आपने क्या लगा दिया, इस फील्ड के चारों ओर आपने लगा दिया मस्टर्ड, ठीक है, ये पीस के चारों ओर आपने क्या दिया मस्टर्ड, और अंदर आपने क्या लगा दिया केबेज, ठीक है, केबेज कॉलीफ्लावर जो भी, तो क्या होगा, ये जो है क्या अपना डायमंड बेक मॉथ जो है
डायमंड बेक मोती अटैक करेगा यहाँ पे, तो 80 से 90% ये मस्टर्ड पर अटैक करता है, तो ये यहीं पे अटैक करेगा, अंदर नहीं जा पाएगा। मतलब इसको हम एज ए ट्रैप क्रॉप यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, मस्टर्ड को एज ए ट्रैप क्रॉप यूज़ कर सकते हैं कॉल क्रॉप के लिए, ठीक है, इस तरीके से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा इंसेक्ट जो है मस्टर्ड साफ्लाई, मस्टर्ड साफ्लाई एथलिया प्रोक्सिमा ल्यूटेन, एथलिया प्रोक्सिमा लुगन्स, ठीक है, लेजेंस लुगन्स, एथलिया प्रोक्सिमा ल्यूटेन्स जो है मस्टर्ड साफ्लाई का नाम है। और क्या इसमें इंसेक्ट लगता है? मेरे ख्याल से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एक तो हो गया अपना डायमंड बेग मोथ, एक हो गया अपना मस्टर्ड सा फ्लाई, ठीक है, और भी इसमें लगते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेंटेड बग, तो हमने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, अच्छा पेंटेड बग जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, पेंटेड बग, पेंटेड बग, बगरोदा क्रूसीफेरम, बगरोदा क्रूसीफेरम ये है। और क्या लगता है, केबेज सेमी लूपर भी लगता है, केबेज सेमी लूपर, केबेज बटरफ्लाई भी लगती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केबेज बटरफ्लाई, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो तीन है, पेंटेड बग, मस्टर्ड साफ्लाई और डायमंड बेग मोथ। क्लियर है? डिजीज की अगर बात करें हम यहाँ पे, डिजीज जो है रोग कौन कौन से इसमें लगते हैं, एक तो लगता है इसमें ब्लैक रोट, ठीक है, और इसमें लगता है क्लब, क्लब रोट लगता है, एक होता है वाइट रस्ट, एल्बुगो कैंडिडा, ठीक है, ये मेजर जो है इसमें डिजीज है, क्लब रोट लगता है, ठीक है, वाइट रस्ट लगता है, क्लब रोट लगता है, वाइट रस्ट लगता है, ब्लैक रोट हो गया, बस यही है, डाउनी मिल्ड्यू और लिख लो चार, डाउनी मिल्ड्यू, ये जो है इसमें रोग होगा। पांचवा एक लग सकते हो कर्ड रोट भी लगता है कॉलीफ्लावर के अंदर, ठीक है, ब्लैक रोट, ये कलर्टो ट्राइकम कंपेस्टिस हो सकता है ना, जेंथोमोनास कंपेस्टिस, कंपेस्टिस, एल्बुका कैंडिडा हो गया, डाउनी मिल्ड्यू हो गया, कर्ड रोट हो गया, कर्ड रोट का नाम क्या है, अरविनिया क्रोटोबोरा, अरविनिया, अरविनिया क्रोटोबोरा नाम है इसका, अरविनिया क्रोटोबोरा जो है कर्ड का नाम है। एल्बुको कैंडिडा किसका है, वाइट रस्ट का है, ठीक है, ब्लैक रोट का क्या हो जाता है, जेंथोमोनास, जेंथो मोनास कंपेस्ट्रिस हो गया, वाइट रस्ट का एल्बुडो कैंडिडा, इसका एल्बुको कैंडिडा हो गया, जेंथोमोनास कंप्रेस्टिस हो गया, ठीक है, और ये होता है क्लब रूट, इसका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियोफोरा, क्या है, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिसी, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिसी इसका नाम है। क्लियर है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ लेना, ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो है आपको क्या पूछा जाएगा, डिसऑर्डर ही पूछा जाएगा, बाकी मस्टर्ड साफ्लाई वगैरह तो मैं जब आपको इंसेक्ट पढ़ाऊंगा, मतलब इंटोपोलॉजी पढ़ाऊंगा, तब वहाँ पे मस्टर्ड में भी पढ़ा दूंगा इंसेक्ट, और डिजीज जब पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको इसकी डिजीज भी वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, कॉलीफ्लावर की, कॉल क्रॉप की, बट यहाँ पे डिसऑर्डर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो कॉल क्रॉप में बस इतना ही मैं पढ़ना था, कॉल क्रॉप हमारी कंप्लीट होती है।